हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है अपनी प्रतिभा को पहचानो, यानी अपने टैलेंट को पहचानो। अपने प्रतिभा को पहचानो यानी आइडेंटिफाई योर टैलेंट। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा आजकल का जो टाइम है, काफ़ी भाग दौड़ भरा है। हर व्यक्ति अपने आप में बिजी है अपने अपने काम को लेकर, और चाहे वो स्टूडेंट्स की बात करें जिसको अपना स्टडी वगैरह का टेंशन होता है, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना हो, चाहे वो वर्किंग लेडीज क्यों ना हो, चाहे जो घर में काम करती हैं सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग प्रकार के मतलब, और चाहे वो जॉब पर जाने वाले पर्सन क्यों ना हो, मतलब तो हर व्यक्ति का अपना अपना काम है और अपने अपने काम को लेकर स्ट्रेस है, अपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है और अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। और इसी वर्ल्ड के अंदर हम ये भी देखते हैं कि मतलब जो अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले हम लोगों को देखते हैं, कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी मतलब जो चाहता है वो खरीद सकता है, बड़े बड़े घर होते हैं उनके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। फिर मिडिल क्लास लोगों को भी हम देखते हैं जिनके पास बड़े घर तो नहीं लेकिन अपना घर होता है, अच्छे से वो अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, अच्छा खासी नौकरी वगैरह होती है। थर्ड लेवल पर वो लोग आते हैं जिनका जो लाइफ होता है नॉर्मल लोग या सिंपल लोग आते हैं, जो कि आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े मतलब शहरों में गाँव से लोग आ जाते हैं और यहाँ पर आकर रोजगार की तलाश में जॉब वगैरह करते हैं। उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल वाली होती है। कई लोग शहरों में रेंट पर रहते हैं और सुबह के टाइम साइकिल से या पैदल मतलब स्टैंड तक पहुँच के बस पकड़ के फिर ऑफिस जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, और फिर अपना मतलब जो भी उनके काम होता है उस काम को कर अपने घर को चलाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानते हैं। तो इस तरीके से इस वर्ल्ड के अंदर पूरा जो हर व्यक्ति के लाइफ का जो सर्कल होता है, साइकिल होता है, चक्र, वो चलता रहता है। और जब इसी वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो आप सही को पता होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद 1 से 3 साल तक की जो उसकी एज होती है, इन 3 सालों में क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी होता है तो 2-3 काम ही करता है, जैसे कि वो चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है और खाना खाना पीना सीखता है, जो हार्ड चीज़ें होती हैं मतलब, तो इन दो तीन चीज़ों को करना सीखता है। और जैसे जैसे फिर वो बड़ा होता रहता है, और जैसे ही वो 4th साल में प्रवेश करता है, तो जैसे जो 4th साल में वो प्रवेश करता है मतलब उसको स्कूल में डाल दिया जाता है पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। और आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट स्कूल जो कि पहले से स्टार्ट होकर 5वीं तक होता है, 1st to primary, देन 6th से लेकर 10th, जिसको हम सेकेंडरी, और 6 से लेकर 12th तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। उसके बाद आगे की फिर कॉलेज लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ भी 2 तरह की होती है, एक ओपन से जिनके नंबर्स कम आते हैं, अगर 60-70 से अगर आपके नीचे मार्क्स है तो आपको ओपन से कॉलेज करना पड़ेगा, उसके अलावा किसी 80-90% आते हैं तो वो बंदे रेगुलर कॉलेज में पढ़कर आगे की अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है, और स्कूल में डालने के बाद वो अपनी वहीं से स्टडी लाइफ शुरू करता है। स्टडी लाइफ शुरू करने के बाद वो क्योंकि पढ़ाई तो वो करता है, हर साल अपनी मेहनत और लगन से हर एक क्लास को पास करता हुआ रहता है, लेकिन क्योंकि वो उसकी जो एज होती है, ऐसा माना जाता है कि जो 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है, या किसी भी बच्चे की लाइफ का जो होता है वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का टाइम होता है, तो बचपन का समय होता है तो पढ़ाई तो करता ही है, लेकिन साथ में जो उसका रहता है, जो उसका मन होता है, हम उम्र के जो बच्चे होते हैं, चाहे उसके स्कूल में हो, चाहे उसकी क्लास में हो, चाहे उसकी गली में रहते हो, या उसके घर में भी चाचा ताऊ मामा मामी के लड़के हों, उनके संग उसको खेलने कूदने में ज़्यादा मजा आता है। जो उसके हम उम्र के बच्चे हैं तो अपने गली के जो बच्चे होते हैं उनके फ्रेंड्स संग खेलता है, कई बार से गिरने पर कपड़े भी गंदे होते हैं, चोट भी लगती है, बाल वगैरह गंदे होते हैं, बट उसको इन चीज़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसको सिर्फ अपने इंजॉयमेंट में ही रहता है मतलब, कि जो उसको खेलने कूदने में उसको मजा आता है। लेकिन इस तरीके से उसका ये जो चलता रहता है, जो उसका मतलब 4 से लेकर 13 साल तक जो उसका
खेलने कूदने का जो उसका एक एज होता है, लेकिन जैसे ही वो 13 साल कंप्लीट करके 14 साल में प्रवेश करता है 14 ईयर में, तो धीरे धीरे वो सिंसियर होता रहता है, मतलब वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या सही है क्या गलत है, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए क्योंकि कपड़े गंदे करेंगे तो मम्मी भी मारेगी, उनको कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी और टीचर भी डांटेंगे, तो मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है, अच्छे से स्टडी करना है, टाइम पर होमवर्क करना है, टाइम पर अपना क्लास वर्क कंप्लीट करना, बाकी चीज़ों को भी टाइम पर पूरा करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसके जो दिमाग होता है बचपन से हटकर अब आगे सिंसियर होने लगता है और उसका विकास होने लगता है उसके दिमाग का। वो यह भी देखता है कि जो उसके दादाजी या नाना जी थे उन्होंने अपने मतलब जो उनका पास्ट रहा उन्होंने भी अपने टाइम में किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाकर अपने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाला, घर की जिम्मेदारियों को पूरा किया उसी, और आगे और अभी भी हमारे जो मतलब उनके फादर है जो उसके करंट फादर, वो भी कहीं ना कहीं पे मतलब उन्होंने भी अपना जब उनका टाइम था लाइफ में तो उन्होंने कितना किसी फील्ड में करियर बनाकर अभी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं और घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालते हैं। तो इस तरीके से वो ये भी देखता है कि आगे जाकर जब मेरी एज भी होगी तो मुझे भी घर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको संभालना पड़ेगा किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के। तो आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम हमारे कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आज आप देख सकते हैं कि हमारे सामने डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट प्रोफेसर लेक्चरर टीचर, अगर अच्छी खासी बॉडी वगैरह होती तो लोग जिम ट्रेनर बॉडीगार्ड सिक्योरिटी गार्ड या सॉन्ग्स राइटर्स सिंगिंग डांसर आप जो चाहे वो बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो बन सकते हैं मतलब। लेकिन हर चीज पे डिपेंड करती है 4-5 चीजें मतलब जो कि आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी प्रतिभा के बारे में, यानी आपके अंदर जो टैलेंट, तो हर व्यक्ति के अंदर जैसे मैंने बताया कि टैलेंट होता ही है, तो किसी जो भी आप अपने फील्ड में करियर बनाना चाहते हो सबसे पहले आपको उस करियर उस फील्ड को पहचानना पड़ेगा कि उस जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, और इंटरेस्ट होने के बाद आप उसको जान पाओगे कि इसमें आपको कैसे बढ़ना है और उसमें कैसे बढ़ना है उसके। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले जो भी आपके अंदर का टैलेंट है उसको पहचानना पड़ेगा, टैलेंट पहचानने के लिए आपको जितनी भी कैटेगरी होती है मतलब फील्ड के अलग अलग, आपको हर फील्ड के बारे में डीपली सोचना पड़ेगा कि क्या आपको फोटोग्राफी अच्छा लगता है, क्या आपको एक्टिंग अच्छा लगता है, क्या आपको सिंगिंग अच्छा लगता है, क्या आपको डांसिंग अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है पहले आपको हर इस कैटेगरी के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। देन आपको देखना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट जो है दिलचस्पी ये जो आपकी दिलचस्पी है वो किस फील्ड में ज्यादा आती है मतलब, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आपको उसको प्राप्त करने के लिए यानी उसको अचीव करने के लिए उसके ऊपर टोटली पीछे उसके पड़ जाना है, और उसको पढ़ें कैसे, उसको पाएं कैसे, उसको अचीव कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको भी 4-5 टिप्स या रूल्स या पॉइंट्स भी कह सकते हैं मतलब, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने लाइफ में जरूर आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं आपको 4-5 टिप्स बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो जो भी आपके लाइफ का गोल है, जो आपके लाइफ का ड्रीम है, और जो भी आप जिसको आप अपने अपने टैलेंट के तौर पर आप देख रहे हो कि ये मेरा टैलेंट है और मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ, तो आप अगर इनको फॉलो करोगे तो आप एक ना एक दिन जरूर आप अचीव करोगे। तो जब पहला टिप्स वो ये है कि आपको जो भी आपके टैलेंट है या जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो अपने लाइफ के अंदर अपने टैलेंट के बेसिस पे, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क मतलब कड़ी मेहनत। तो हार्डवर्क करके आप जान पाओगे कि आप कितना उसको पाने के लिए मतलब आतुर हो या कितना आपके अंदर उसका पैशन है मतलब उसको प्राप्त करने के लिए। तो आपको पहला हो गया हार्डवर्क, दूसरा हो गया आपको मतलब एफर्ट, आपको अपनी कोशिश पूरी 100% करनी पड़ेगी, अपनी एफर्ट पूरी आपको 100% देनी पड़ेगी, क्योंकि एफर्ट से ही आप अपने आप को और ज्यादा परफेक्ट बना सकते हो। तीसरा होगा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज की बार बार, जो भी आपको जो आपके लाइफ का गोल है, जो आपके आपके टैलेंट पे बेस्ड है उसको अचीव करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। तो आपको उस चीज की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने पर आप जान पाओगे वो अच्छी आप कितने परसेंट में ओके हो या कितने परसेंट ओके नहीं हो। तो तीसरी है प्रैक्टिस, चौथी है आपको अपना जो क्या बोलते हैं पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, यानी धैर्य रखना पड़ेगा, और पेशेंस रखोगे तभी आप किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो मतलब पेशेंस को रखते हुए। तो
आपको पूरी पूरी अपनी पेशेंस रखनी पड़ेगी, जो आपकी 100%। और जो फिफ्थ एंड लास्ट चीज है वो है आपकी फोकस, यानी जो आपका ध्यान है, आपका फोकस है, जब आप जो अपने लाइफ में बनना चाहते हो अपने टैलेंट के बेस पे और अपने टैलेंट को इम्प्रूव करना चाहते हो, प्रतिभा को, तो उसके लिए आपको इसी पर अपना फोकस भी 100% करना पड़ेगा। तो जब आप इन चार चार पांच रूल्स का फॉलो करोगे अपने लाइफ के अंदर, तो आप देखोगे कि जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो, अपने टैलेंट को जो अपने उभारना चाहते हो और परफेक्ट बनाना चाहते हो, धीरे धीरे वो चीज आपके अपने लाइफ में उभरती जा रही है और परफेक्ट होती जा रही है और आपको उसमें रिजल्ट भी मिलता जा रहा है। इस तरीके से आप अपने प्रतिभा को पहचानो और उस पर वर्क करना स्टार्ट करो, और देन आपको एक ना एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगा आपको अपने जीवन के अंदर। कैसा लगा दोस्तों आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर बटन दिख रहा होगा और बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाकर दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस आप देख सके, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे, और जिस टॉपिक का आज नाम है, जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम है हर व्यक्ति में है टैलेंट, यानी हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है, जरूरत है तो आपको उसको पहले आइडेंटिफाई करने का। तो इसी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों टैलेंट क्या है, प्रतिभा क्या है? दोस्तों टैलेंट एक प्रकार का गिफ्ट होता है जो कि भगवान सभी को देते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, मतलब उसको आपको सबसे पहले पहचानने की जरूरत है। और जो लोग पहचान जाते हैं अपने जो टैलेंट होते हैं, मतलब जो किसी के पास सिंगिंग का टैलेंट होता है तो वो अच्छा सिंगिंग करता है, किसी के पास डांस का टैलेंट होता है, किसी के पास क्या बोलते हैं फोटोग्राफी का होता है, मतलब किसी को बहुत अच्छा पेंटिंग बनाना आता है, कोई मतलब चित्रकारी बहुत अच्छा करता है, मतलब तो हर व्यक्ति के पास टैलेंट होता ही है, लेकिन आप सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, उस पर अगर आपने वर्क स्टार्ट किया, उसको एक दिन उसमें अगर आपने सक्सेस हासिल कर ली, सफलता हासिल कर ली, तो आप अपने जीवन में जो भी आप बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं या जो भी आपकी इच्छाएं होंगी वो जरूर पूरी होंगी। मतलब क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो टाइम है, मतलब आजकल के टाइम हर व्यक्ति किसी ना मतलब कि हर व्यक्ति अपने आप में बिजी है, मतलब अपने काम को लेकर, और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बनना तो चाहता है, बट वो अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो वो क्या करता है, आम बंदा फिर क्या करता है, मतलब अपनी पढ़ाई पूरी करता है अच्छे से, फिर अपने पढ़ाई से रिलेटेड जो उसको जॉब मिलती है जॉब को ढूंढता है, उसके बाद शादी वगैरह हो जाती है, और पूरी की पूरी लाइफ में घर गृहस्थी को संभालने में, रेस्पॉन्स और जिम्मेदारियों को संभालने में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में ही निकल जाता है। लेकिन जो लोग अपने टैलेंट को पहचान लेते हैं, तो वो लोग अपनी ये सारी चीजें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां, घर को संभालते हैं तो ही, लेकिन साथ में जो उनकी लाइफ की इच्छाएं होती हैं, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, चाहे आप क्रिकेटर को ले लो, वो लोग अच्छा क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो पैसा भी काफी कमाते हैं, और जो उनकी जो जिसको बोलते हैं सारे सुख सुविधाएं उनके पास होती हैं, जहाँ चाहते हैं वहां घूमते हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस वगैरह पहनते हैं, अच्छी अच्छी जगह पे, महंगी महंगी जगह पे शॉपिंग करते हैं। ऐसे जो फिल्में वगैरह जो बंदे हीरो एक्ट्रेस वगैरह काम करते हैं, करोड़ों रुपए की फिल्मों के साइन करते हैं, वो करोड़ों रुपए कमाते हैं एड से, वो पैसे कमाते हैं, मतलब और लाइफ के सारी जो एंजॉयमेंट होती है, मतलब विदेशों में घूमना, अच्छे अच्छे ड्रेसे वगैरह पहनना, अच्छे अच्छे एक्टरों के साथ काम करना, मतलब कहने मतलब उन्होंने अपने पहले अपने जो उनकी टैलेंट को पहचाना, एक्टिंग के टैलेंट को, जैसे कि शाहरुख खान सर है या अक्षय कुमार सर है या सलमान खान सर है, उन्होंने अपने एक्टिंग को पहचाना और एक्टिंग वो एक्टर बने, तो आज वो विदेशों में या हमारे भारत देश में नाम कमा रहे, काफी लोग उनको पसंद करते हैं और मिलियंस में उनके फॉलोवर वगैरह हैं। क्रिकेट में भी आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी सर, तेंदुलकर सर, या विराट कोहली सर, या रोहित शर्मा सर, जो बड़े बड़े प्लेयर थे हमारे टीम में, उन्होंने भी काफी देश का नाम रोशन भी किया और काफी काफी मतलब पैसे कमाया, और आईपीएल वगैरह भी होता था उसमें,
कई सारे सितारे जो होते हैं क्रिकेट के तौर पर उभर कर उसमें से निकलते हैं। तो कैसे निकलते हैं वो लोग, अपने जो उसमें बनकर निकलते हैं तो उनको एक जिंदगी मौका देती है, जीवन एक मौका देती है। आईपीएल में नामी प्लेयर तो खेलते हैं, लेकिन साथ में जो स्टेट लेवल पर या अपने जोन लेवल पर खेलते हैं, मतलब उन प्लेयर्स को भी मौका मिलता है इसमें खेलने का। जो प्लेयर वहां पे अपना पूरा का पूरा एफर्ट देता है, अपने पूरी पूरे अच्छे से 100% से बोलते हैं अपना इम्प्रूव अपने आप को करके देता है, तो वो आगे जाके बहुत चमकता है और अपना आगे बहुत नाम कमाता है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे आईपीएल में, जैसे भुवनेश्वर कुमार सर, वो आईपीएल से ही उनको लोग जाने लगे थे क्योंकि काफी ज्यादा उसमें। और युजवेंद्र चहल सर को भी आप देखोगे जो काफी आईपीएल में उन्होंने खेला, उसके बाद आईपीएल से ही लोगों ने उनको नोटिस करना शुरू किया और आज वो काफी फेमस प्लेयर भी हैं और काफी लोग उनको पसंद भी करते हैं और वो काफी अच्छी बॉलिंग वगैरह भी हमारी भारतीय टीम में करते हैं। तो कहने का मतलब आप जो चाहते हो अपने लाइफ के अंदर वो आप बन सकते हो। और जैसे कि मैं आपको पहले भी स्टार्टिंग बताया कि हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है, प्रतिभा होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी मतलब प्रतिभा को यानी टैलेंट को क्या पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन आइडेंटिफाई करने के बाद भी वो लोग यानी जान पाते। कई लोग तो जैसे जान जाते हैं, जिनका मैं आपको अभी इसका टिप्स वगैरह भी दूंगा कि वो कैसे अपने मतलब टैलेंट को कैसे अपने करियर में तब्दील करते हैं, उसके आपको कुछ 4-5 सीक्रेट्स वगैरह बताऊंगा। जो लोग नहीं पहचान पाते हैं वो उसी में अटके रहते हैं कि अरे हम क्रिकेट तो हमें भी खेलना आता है, या एक्टिंग तो हमें भी आती है, या फोटोग्राफर वगैरह फोटो तो खींचना हमें भी आता है, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाएं उसका उनको रास्ता नहीं दिखता है। और जब रास्ता नहीं दिखता है तो उनको लगता है कि होगा, फिर उनको एक साइड प्रोजेक्ट या साइड एक ड्रीम से रखते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और जो भी सिंपल के सामने का होता है कि पढ़ाई पूरी की या फिर शादी वादी हो गए, घर पे संभाल लो, फिर आगे की पूरी लाइफ निकाल ली, तो फिर वो अपने जो उनके टैलेंट जो होता है उनको पहचानने के बाद ही इस पर वर्क करना स्टार्ट नहीं करते। और जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो आगे आगे सक्सेस प्राप्त करते हैं अपने टैलेंट को पहचानने के बाद, वो कई सारे रूल्स या सीक्रेट्स को फॉलो करते हैं, जिसको अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप उनको जान जाओगे तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। अगर आप उन चीज को फॉलो करोगे तभी आप जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो या जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको पहचानने के बाद, और अगर उसका वो फॉलो करोगे तो आप अपने लाइफ में उस चीज को भी प्राप्त कर सकते हो। तो पहला स्टेप तो यही है, मतलब टिप्स बताने से पहले कि सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस चीज में मतलब किस फील्ड में आपको ज्यादा मजा आता है काम करने में, या कौन सा आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि अरे मुझे क्रिकेट देखना है, क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, या एक्टिंग में बहुत अच्छी लगती है, या फोटो खींचना है, वीडियोस बनाना, या सिंगिंग डांसिंग, या टीचर के तौर पर लेक्चर देना, मतलब। तो आपको पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या अच्छी बॉडी बनाकर ट्रेनिंग देना ऐसा जिम ट्रेनर मतलब। तो पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहला स्टेप तो यही है, पहले अपने टैलेंट को पहचानना। अब मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करोगे अपने लाइफ के अंदर तो आप जरूर आपको सफलता मिलेगी, जो भी आपका टैलेंट है उस पर अगर आप उस चीज को लेकर चलोगे। तो जो पहला रूल है या सीक्रेट है प्राप्त करने का, जो भी आपको अपने लाइफ का जो टैलेंट है या जो आपके लाइफ का ड्रीम है या जिस टैलेंट को आप अपने लाइफ में उभारना चाहते हो, वो है आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हार्डवर्क करोगे तभी आप जान पाओगे कि हार्डवर्क करने से ही जब आप कंटिन्यू मेहनत करोगे तो आपकी वो जो चीज है, आपका जो टैलेंट है वो उभरता जाएगा। जैसे कि बोलते हैं सिंगिंग सीखने के लिए आपको 5-5, 6-6 घंटे रियाज करना पड़ेगा, यानी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। डांस सीखने के लिए आपको 5-5, 6-6 घंटे जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं उनकी आपको बार बार हार्डवर्क करते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहला हो गया आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, दूसरा जो है आपको उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उसका जैसे सिंगिंग का रियाज करना होगा, डांस के स्टेप की प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस करने से पहले आपको स्ट्रेटिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करना होगा, वो आपको करना पड़ेगा। तो सेकंड हो गया आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। तो दूसरा हो गया आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज की बार बार, और तीसरी चीज हो गई आपको अपना 100% एफर्ट देना पड़ेगा। जो आपकी कोशिश है वो 50 या 60% से नहीं होगा, आप काम कर रहे हो, जो आपकी लाइफ का टाइम मतलब जो भी आपका टैलेंट है तो आपको उस पर अपना पूरा का पूरा एफर्ट देना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। जो फोर्थ चीज है वो आपको फोकस, आपको अपना 100% फोकस उस चीज पर रखना, मतलब 100% फोकस आपको रखना पड़ेगा, यानी कि आप कर तो अपना वर्क तो
आप अपने ड्रीम पे कर रहे हो या टैलेंट पे टाइम दे रहे हो, लेकिन जो आपका फोकस ध्यान कहीं और है, मोबाइल पर लगा हुआ है, मोबाइल में मैसेज आने वाला है, फ्रेंड का कॉल आने वाला है, या कोई इंपॉर्टेंट किसी ने बुला रखा है, मतलब किसी पार्टी वगैरह में जाना है, तो इससे अगर आप ध्यान भटकेगा तो जो आपका जो आप लाइफ बनना चाहते हो उस पर आपका ध्यान नहीं रहेगा, तो उसमें आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने मतलब आपको फोकस अपना 100% करना पड़ेगा। और जो फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज है वो है पेशेंस, यानी धैर्य रखना। पेशेंस रखना है सबसे बड़ी चीज होती है लाइफ के अंदर, क्योंकि आप सोचो कि आप किसी आप 5 डेली आप 5 से 6 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है, आप सोचो आधे घंटे प्रैक्टिस करूं और तुम्हें आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, फिर आप उसको छोड़ दोगे, अरे ये काफी लॉन्ग टाइम से मैं कर रहा हूँ कुछ मिल नहीं रहा है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखोगे तभी आपको चीज धीरे धीरे इंप्रूव होगी, फिर बेटर होगी, क्योंकि कोई भी लाइफ में जो आपका ड्रीम होता है आपके टैलेंट के ऊपर बेस्ड, वो कोई भी 1 2 महीने या 2 साल में अचीव नहीं हो सकता। इट विल टेक टाइम, वो समय तो लेगा ही। और जब आप उसको हर दिन इम्प्रूव करोगे प्रैक्टिस, हार्डवर्क, एफर्ट, फोकस और पेशेंस रखते हुए, तो धीरे धीरे आप वो चीज इंप्रूव होती जाएगी और एक ना एक दिन और ज्यादा बेटर हो जाएगी, और तब आपका वो स्किल है और ज्यादा उभर कर बाहर निकलेगा, फिर लोग आपको पसंद करेंगे, आपके फैन बनना चाहेंगे, आपको फॉलो भी करेंगे। तो इस तरीके से आप 4 5 दिन रूल्स को फॉलो करोगे अपने टैलेंट के लिए, तो आपको एक ना एक दिन आप अपने टैलेंट को उभारते हुए आपको एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, सक्सेस ही मिलेगी। तो कैसा लगे दोस्तों आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक का नाम है समस्या, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम होती है उसको हल कीजिए, उस पर चिंतन मत कीजिए, मतलब सिर्फ सोचते मत रहिए। तो जो भी समस्या है आपके जीवन के अंदर, समस्या को हल कीजिए, उस पर चिंतन मत कीजिए, सिर्फ सोचते मत रहिए, कहने वाले को सोचते रहने इसका सोल्यूशन नहीं होने वाला है। इसी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि जो आजकल का टाइम है काफी बिजी है, हर व्यक्ति के लाइफ अपने अपने हर व्यक्ति अपने लाइफ में बिजी है, अपने अपने काम को लेकर, और काफी भागदौड़ भरी लाइफ है आजकल की। चाहे हम किसी स्टूडेंट्स की लाइफ की बात करें, चाहे हम वर्किंग लेडीज की बात करें, चाहे हम जॉब पर जाने वाले व्यक्तियों की बात करें, मतलब हर व्यक्ति की लाइफ जो है काफी आजकल के टाइम में काफी बिजी हो गया है, और हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में अपने अपने काम को लेकर काफी ज्यादा मतलब स्ट्रेस से भरा हुआ रहता है, कि कैसे हम करें, कैसे टाइम पर कंप्लीट करें, कैसे उसको पूरा करें, मतलब उसी में हमेशा व्यक्ति फंसा हुआ रहता है मतलब। और आजकल के टाइम में हर व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी रहता है मतलब, क्योंकि आजकल के टाइम में जैसे अगर लाइफ में कुछ बनना है तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है मतलब, कि आप अपने लाइफ में बनना क्या चाहते हो एक्चुअली। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम में मतलब कि जैसे हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है मतलब, जैसे आप सभी ये भी जानते हो कि जब कोई स्टूडेंट होता है मतलब, जब जैसे जब कोई बच्चा पैदा होने के बाद वो 1 से 3 साल की एज में, तो वो 2 3 चीजें ही करता है मतलब, मतलब चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, मतलब तुमको कुछ पता ही नहीं होता जीवन के बारे में, और वो न्यू बॉर्न बेबी होता है। लेकिन जैसे वो चौथे साल में प्रवेश करता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है मतलब। और स्कूल में आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि पहले से लेकर 5वीं, फर्स्ट टू प्राइमरी, देन 6 से लेकर 10 तक जिसको हम सेकेंडरी स्कूल, और 6 से लेकर 12 तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते हुए आगे क्लासे होती है, उसके बाद कॉलेज की लाइफ होती है। तो इस तरीके से उस बच्चे को फिर जब जैसे ही वो चौथे साल में प्रवेश करता है उसे स्कूल में डाल दिया जाता है, और स्कूल में डालने के बाद वो बच्चा वहीं से अपनी स्टडी की लाइफ की शुरुआत करता है। और जब अपने स्टडी की लाइफ की शुरुआत करता है तो वो
पढ़ाई तो करता ही है, हर साल हर एक क्लास को अपने मेहनत लगन और परिश्रम से पास करते हुए अपने आगे की क्लास में बढ़ता हुआ रहता है। लेकिन जो उसकी एज होती है, ऐसा माना जाता है कि जो 4 साल से लेकर 13 साल तक की एज होती है, वो हर किसी के लाइफ का, यानी जो कोई बच्चा हो, मेरे मेरी लाइफ का भी, मतलब जब मैं स्मॉल था, तो चाहे किसी की भी लाइफ हो, मतलब 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है, वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, यानी बचपन का टाइम होता है। इस एज में बच्चा पढ़ाई तो करता है, लेकिन साथ में जो उसका मन होता है, ज्यादातर जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं, चाहे उसकी गली में रहते हो, नेबर्स के, पड़ोसी हो गए, चाहे उसके घर में हो, चाचा, ताऊ, मामा, मामे, बुआ, फूफा, या स्कूल में हो, स्कूल के अंदर जो अलग अलग क्लासों में होते हैं, या क्लास के अंदर खुद ही हो, जो उसके फ्रेंड हो, क्लासमेट हो, या फ्रेंड हो, तो जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं, चाहे वो तो कहीं भी दिखते हो, क्लास में दिखते हो, गली में दिखते हो, स्कूल में दिखते हो, या फैमिली में क्यों ना हो, उसके संग उसको उनके साथ रहने में, खेलने कूदने में काफी ज्यादा मजा वगैरह आता है, मतलब उसको एंजॉय करता है, मतलब तो ऐसा करते वक्त तो काफी ज्यादा वो कई बार गली में जैसे खेलते वक्त या स्कूल में भी खेलते वक्त गिरता भी है, चोट वगैरह भी लगती है, कपड़े भी गंदे होते हैं, बाल भी गंदे होते हैं, बट उसको इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता, उसको सिर्फ इंजॉय करने में ही मजा आता है। तो इस तरीके से उसका वो जो लाइफ चलता रहता है, लेकिन जैसे ही वो 14वें साल में, यानी 14 ईयर में प्रवेश करता है, वो धीरे धीरे सिंसियर होता जाता है। फिर वो देखता है कि मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है, अच्छे से होमवर्क करना है, क्लास वर्क करना है, अपने आप को गंदा नहीं करना है, और आगे की चीजों को भी वो देखता है कि जो उसके फैमिली में उसके दादाजी या नाना जी हैं, उन्होंने भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाकर हमारे घर को संभाला और घर की नीड्स को पूरी की, और हमारे जो पिताजी भी हैं वो भी अपना किसी ना किसी फील्ड अपने लाइफ में करियर बनाकर, वहाँ जॉब कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, खेलने का मतलब, तो उससे आगे ना आगे जाकर मतलब किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा। तो आजकल के टाइम में तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फोटोग्राफर, लेक्चरर, टीचर, अच्छी बॉडी वगैरह होती है तो लोग बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, जिम ट्रेनर, बॉडी गार्ड, आर्मी में चले जाते हैं, मतलब उसके अलावा फोटोग्राफर और क्रिकेटर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर, मतलब आजकल बहुत सारे हमारे सामने ऑप्शन अवेलेबल है, उपलब्ध है। लेकिन जो पहला जो चीज है, आपको डिसाइड करना है कि आप अपने लाइफ में बनना क्या चाहते हो। यू हैव नीड टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। तो पहले आपको लाइफ में डिसाइड करना है कि आप बनना क्या चाहते हो। तो कई लोग तो होते हैं डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये बनना है, या हम फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, या हम सिंगर बनना चाहते हैं, या डांसर बनना चाहते हैं, तो कई लोग तो फटाफट डिसाइड कर लेते हैं और उस पर स्टार्ट कर देते हैं, उसके ऊपर वर्क करना। लेकिन जैसे और लेकिन दूसरी तरफ कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते तो हैं, जैसे मतलब कि वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये बनना है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि क्या बोलते हैं, उसमें मैं बनूंगा कैसे, उस पर मैं अचीव कैसे करूंगा, तो काफी ज्यादा टफ है, मतलब को मैं प्राप्त कैसे करूंगा। हालांकि उनके ड्रीम तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कि वो भी चाहते हैं कि मैं रातों रात कुछ बन जाऊं, या बहुत बड़ा कुछ स्टार बन जाऊं, या मैं ये बन जाऊं, या मैं वो बन जाऊं, दूसरे लोगों को देख कर वो सोचते हैं कि मैं इसके जैसा बन जाऊं, या मैं इसके जैसा बन जाऊं, लेकिन सिर्फ सोचते रहने से आप जो बनना चाहते हो अपने लाइफ के अंदर वो नहीं बन सकते हो। उसके लिए आपको कोशिश तो खुद ही करनी पड़ेगी, मतलब आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो सिर्फ आप जो अपने लाइफ में बनना चाहते हो उसके लिए मतलब सिर्फ सोचते रहना, और उसके सिर्फ प्रोग्रेस के बारे में सोचते रहना कि अरे इसके लिए तो मेरे को 6 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेरे को अपना बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मुझे कोशिश करनी पड़ेगी अपना। तो ये जैसा कि इन 4 या 5 चीजों को मैं पहले भी वीडियो से बता चुका हूँ कि यह सक्सेस के रूल होते हैं, हार्डवर्क, पेशेंस, फोकस, एफर्ट एंड प्रैक्टिस, ये 4 5 चीजें ऐसी होती है जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो जो भी अपने लाइफ बनना चाहते हो आप बन सकते हो। लेकिन कई बंदे सिर्फ करना कैसे है उनको पता भी होता है, लेकिन उन चीजों में वो परेशानियों में मतलब रहते हैं कि अरे मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, कैसे इसको, मतलब बनना तो चाहता हूँ लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करना चाहता हूँ, मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, या मैं थोड़े टाइम में थोड़ा प्रैक्टिस मेहनत करके सब कुछ और बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब जो भी आपकी समस्या है, आप उसमें थोड़ा ज्यादा घुलते जा रहे हो, या क्या बोलते हैं, सिर्फ सोचने में लगे हो, कर कुछ नहीं रहे हो, क्योंकि सिर्फ सोचते रहने से और कुछ भी ना करने से क्या होगा, पहले तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और जो टाइम आप
खराब कर दोगे, वेस्ट कर दोगे, आप समय को बर्बाद कर दोगे, वो टाइम वापस लौट कर नहीं आने वाला है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जैसे मैं आपको पहले भी आप वीडियोस में मेरे देख सकते हैं, जो मैंने समय पे बताया हुआ है कि जो टाइम आजकल सबसे बड़ी जो कीमत है वो टाइम की है। समय का जो बंदा सदुपयोग कर लेता है वही व्यक्ति आगे जाकर लाइफ में कुछ बनता है, कुछ बहुत बड़ा करता है। तो आपको पहली बात तो यही है कि सिर्फ सोचते हुए नहीं रहना है और टाइम को अपने जीवन में वेस्ट नहीं होने देना है। क्योंकि एक बार जो टाइम चला गया वापस लौट कर नहीं आएगा, और हर व्यक्ति समय का सदुपयोग करके ही अपने जीवन में कुछ बन सकता है। तो आपको जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपको लाइफ में ये बनना है और ये आप अचीव करना चाहते हो, और कोई भी जो लाइफ का बड़ा ड्रीम होता है या प्रोजेक्ट होता है या लाइफ का गोल या टारगेट या कुछ भी होता है, मतलब कोई भी चीज आप शॉर्टकट वे में उसको हासिल नहीं कर सकते। मतलब आप जितना उसको टाइम लगेगा उतना तो आपको उसको टाइम देना ही पड़ेगा। जैसे होता है कि आप कोई भी बहुत बड़ा सिंगर, डांसर, एक्टर, फोटोग्राफर आप महीनों में नहीं बन सकते, सालों में भी नहीं बन सकते। इट विल टेक टाइम, समय तो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब और पेशेंस रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि धैर्य रखना हो गए तभी आप कंटिन्यू बाकी चीजों को भी आप अपने चीजों को अपने मतलब जो आपका लाइफ का ड्रीम है उस पर आप उसको लगा सकते हो। हार्डवर्क अच्छे से आपको करना पड़ेगा, उस पर आपको फोकस रखना पड़ेगा, आपको उस चीज के बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपना पूरा 100% एफर्ट देना पड़ेगा पेशेंस यानी धैर्य को रखते हुए। तो कहने मतलब जो भी आपकी लाइफ की मतलब जो आपके लाइफ का ड्रीम है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं उसको सिर्फ सोचते ही नहीं रहना है, उस पर आपको उस पे आपको एक्शन लेना है। एक्शन लेने के बाद उस पे आपको वर्क करना स्टार्ट करना है। और जो 4-5 रूल्स मैंने बताए थे, हार्डवर्क, प्रैक्टिस, फोकस, एफर्ट एंड पेशेंस, इन 5 सक्सेस के रूल्स होते हैं, इनको आपको फॉलो करना है। तो आप देखोगे कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही इजिली तरीके से हट जाएंगी। आपके जो भी आपका लाइफ का ड्रीम है और आपको धीरे धीरे आपको जो आपका लाइफ का ड्रीम है या टारगेट है उसमें आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, और एक ना एक दिन आप जरूर उस चीज को हासिल करेंगे जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हो। तो कहने का मतलब यही है, जो भी आपके अपने लाइफ में समस्या है अपने लाइफ के ड्रीम को लेकर, फिर उस पर आप चिंतन मत कीजिए, उसका सोल्यूशन ढूंढिए, उस पर एक्शन लीजिए और अपने लाइफ में जो भी आपका जो ड्रीम है उसको अचीव कीजिए। तो कैसा लगा सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो उस टॉपिक का नाम है, कोई आपकी निंदा करता है तो आप उसको करने दो। निंदा मतलब आपकी बुराई करता है, मतलब डिमोटिवेट करता है, तो कोई आपकी निंदा करता है तो करने दो, उसको इग्नोर करो। तो निंदा करने का मतलब, जब आपको कोई आपको देखता है कि अरे ये बंदा काफी टाइम से एक ही काम कर रहा है, बड़े रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट उसको नहीं पता कि कोई भी चीज रातों रात नहीं होती, इट विल टेक टाइम। तो कई बंदे डिमोटिवेट करते हैं, लगता है कि ये बंदा आगे ना निकल रहा, तो आपको डिमोटिवेट करने लगते हैं। आपकी जो मेहनत होती है, आपका जो अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कोई भी आपकी निंदा करता है तो करने दो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज के नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो टाइम है काफी भाग दौड़ भरा है। हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में बिजी है, अपने 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 लाइफ के ड्रीम्स को लेकर। अगर हम स्टूडेंट्स के तौर पर बात करें तो जो स्टूडेंट होता है, मतलब जब आप सभी को पता ही होगा कि इस जब कोई भी व्यक्ति मतलब जो जो हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो संसार है, इस वर्ल्ड के अंदर अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। मिडिल क्लास वाली जो फैमिली है उसके पास सारी सुख सुविधाएं, वो जो चाहता है वो खरीद सकता है, और बड़े बड़े घर होते हैं, बैंक बैलेंस होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, सारे ऐशो आराम होता है, सारी सुख सुविधाएं होती है उनके पास। मिडिल क्लास फैमिली में भी जो लोग होते हैं काफी पढ़े लिखे होते हैं, घर बड़ा नहीं होता लेकिन अपना उनका खुद का घर होता है, गाड़ियां बड़ी नहीं होती उनके पास, गाड़ियां भी होती हैं।
लेकिन जो तीसरे पोजीशन पर आते हैं सिंपल फैमिली या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, ये वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े शहरों गांवों से मतलब शहरों की तरफ आते हैं रोजगार की तलाश में, और यहीं पर रेंट पर रहते हुए जॉब करते हैं, और सुबह एक टाइम गाड़ियां भी नहीं होती उनके पास तो वो ऑटो से करके जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, कई लोग बस से जाते हैं मतलब, तो उनकी लाइफ काफी स्ट्रगल वाली भरी होती है। महीने भर काम करते हैं, जो भी उनकी तनख्वाह होती है सैलरी मिलती है उससे अपने घर का जीवन यापन करते हैं और अपने घर के सारी नीड्स को पूरी करते हैं। इस तरीके से उनकी लाइफ काफी मतलब इस तरीके से चल रही होती है जैसा उनकी लाइफ होती है। तो इस वर्ल्ड के अंदर अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अपने अपने में बिजी रहते हैं, और जब इस वर्ल्ड के अंदर कोई बेबी न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, चाहे वो किसी फैमिली में पैदा क्यों ना होता हो, तो 1 से 2 3 साल तक की जो एज होती है, इस एज के अंदर वो बच्चा होता है वो 2 3 चीजें करना ही सीखता है, जैसे कि चलना फिरना बोलना और क्या बोलते हैं उसे खाना पीना सीखता है, क्योंकि नया वो न्यू बॉर्न बेबी नवजात शिशु होता है। तो लेकिन जैसे ही वो 1 से 3 साल कंप्लीट करने के बाद जैसे ही चौथे साल में प्रवेश करता है एंट्री करता है, तो उसको हमारे भारत देश में उसको स्कूल में डाल दिया जाता है, यानी उसका दाखिला स्कूल में करा दिया जाता है। दाखिला कराने के बाद जैसे कि आपको भी पता ही होगा हमारे भारत जैसे देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, पहला होता है गवर्नमेंट स्कूल सरकारी स्कूल जो कि 1 से प्राइमरी तक होता है, देन 6 से लेकर 10th तक जिसको सेकेंडरी स्कूल, और 6 से लेकर 12th तक जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही बोलते हैं। दूसरा जो होता है प्राइवेट स्कूल जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर केजी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड देन आगे की पूरी बड़ी बड़ी क्लासे होती है, तो उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है, देन वो बच्चा अपने मेहनत लगन से हर एक क्लास को पास करता हुआ जाता है। तो जब इस तरीके से अपने वो पढ़ाई तो पूरी करता है, लेकिन उसकी जो एज होती है ऐसा माना जाता है कि 4 साल से लेकर 13 साल तक की एज होती है वो बचपना वाली होती है, चाइल्डहुड का टाइम होता है। इस टाइम में वो बच्चा जो होता है पढ़ाई तो करता ही है साथ में, लेकिन जो उसके हम उनके बच्चे होते हैं उनके साथ को खेलना कूदना, चाहे वो क्लास में हो, घर में हो, गली में हो, या स्कूल हो, चाहे उसके घर के अंदर ही क्यों ना हो मतलब, तो जहाँ पर भी उसके हम उनके बच्चे होते हैं उसको उनके साथ फ्रेंडशिप करके उनके साथ खेलने कूदने में काफी मजा आता है। कई बार कपड़े वगैरह भी गंदा होते हैं पर उसको इंजोर से लेना देना नहीं होता, चोट भी लगती है, बाल वगैरह भी गंदे होते हैं, धूल मिट्टी भी लगती है, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ खेलने कूदने में ज्यादा ही इंजॉयमेंट होता है। लेकिन जैसे ही वो 14वें साल में प्रवेश करता है वो धीरे धीरे वो सिंसियर होने लगता है, चीजों को समझना शुरू कर देता है कि मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा लाइफ के अंदर, उसे नीट एंड क्लीन दिखना है, पढ़ाई पर फोकस करना है, कपड़े गंदे नहीं करना है, बड़े मम्मी को प्रॉब्लम होगी कपड़े धुलने में और टीचर भी मारेगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसके दिमाग होता है, उसका बुद्धि होता है, उसका विकास होने लगता है और वो धीरे धीरे अच्छी चीजों को समझने लगता है। वो यह भी देखता है कि उसके फैमिली के अंदर जो उसके दादाजी या नाना जी थे उन्होंने किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाया, अपने जब उनका टाइम था और हम अपने घर के सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाला और घर के नीड्स को पूरा किया, और उसके फादर भी आज किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के आज कहीं जॉब पे रहते हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी ऑफिस में जाकर घर में काम करते हैं और हमारे घर की नीड्स को पूरी करते हैं, घर के सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं। और इस तरीके से मुझे भी आगरा किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाकर अपनी जिम्मेदारियों को संभालना होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी निंदा करने वालों की, तो आपको सभी को पता ही होगा कि जब आप इतना इतना आगे आने के बाद जब आप ये क्लैरिफाई कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो मुझे लाइफ में इस फील्ड के अंदर करियर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगिंग को चुनते हो, डांसिंग सीखते हो, फोटोग्राफी को चूज करते हो, जो दूसरे बहुत सारे करियर बनाने के लिए फील्ड है, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, अच्छी बॉडी या हाइट होती है तो लोग आर्मी में चले जाते हैं, बॉडी ट्रेनर, जिम ट्रेनर, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड वगैरह ही बन जाते हैं मतलब, तो जो आप चाहते हो लाइफ के अंदर वो आप बन सकते हो। तो मान लो आपने कोई भी किसी भी प्रोफेशन को चुन लिया फील्ड करियर बनाने के लिए, तो चाहे आप किसी जब आप चुन लेते हो तो उसको उसमें आपको उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें आपको सक्सेस पाने के लिए पहले आप चीजों को सीखना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगिंग सीखते हो या डांस सीखते हो तो आप सभी को पता ही होगा कि डांस के अंदर अलग अलग स्टाइल्स वगैरह होता है, मतलब हर बॉलीवुड स्टाइल, फ्री स्टाइल, लॉलीपॉप पॉपिंग, वेस्टर्न स्टाइल, इस तरह सिंगिंग के अंदर भी आकार, अलंकार, सरगम, रागे वगैरह बहुत सारी होती है। अब इतनी सारी चीजों को हम 1 महीने में या 1 साल में तो नहीं सीख सकते, तो आप जब जो भी आप पहचान बॉडी भी हम बनाते हैं तो पहले अपने बॉडी के अंदर बाइसेप्स हो गया, जैसे जिनको जिम ट्रेनर बनना होता है तो पहले आपको खुद की अपनी अच्छी खासी बॉडी बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको बाइसेप्स, चेस्ट वगैरह मतलब अच्छी खासी आपको बॉडी का लुक दिखना चाहिए। तो ये चीजें महीनों में तो नहीं बन जाएगी, ये सालों लग जाते हैं ऐसी बॉडी बनाने के अंदर। जैसे आपने एर्नोल्ड सर का नाम तो सुना ही होगा, जो
हॉलीवुड में काम भी करते हैं और काफी लोग उनको अपना आइडल ही मानते हैं ऐसे बॉडी के तौर पर, उनके जो अपने टाइम में बॉडी थी और अभी अपनी काफी अच्छी खासी बॉडी है। तो कहने का मतलब जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो और आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हो तो अचीव करने के लिए, तो जो आपके जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, कई लोग जो आपसे जेलस होते हैं, आपको देखते हैं कि यार ये बंदा डांस सीख रहा है या सिंगिंग सीख रहा है, बॉडी बना रहा है या फोटोग्राफी सीख रहा है, तो वो लोग आपके जैसे बन तो नहीं सकते, आपके जैसे एफर्ट या मेहनत नहीं कर सकते, तो वो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं मतलब या निंदा करते हैं आपकी, ताकि आप भी उन्हीं की जैसे बने रहें और आपको लाइफ में सक्सेस ना मिले। जो आप कुछ भी करोगे तो बोलेगा नहीं तू 5 साल या अरे जैसे तू 6 महीने से सिंगिंग सीख रहा है, क्या मिला तुझे को, या तूने तू कहाँ तक पहुंच गया, अभी तक तो कुछ कर नहीं पाया, या तू 6 महीने से या 7 महीने से तू डांस सीख रहा है, कौन सा तूने स्टाइल मार लिया, कौन सा बहुत बड़ा गाना मतलब डांस पे वो वीडियो बना लिया, या बॉडी बना रहे तो क्या कर लेगा आगे जाके। मतलब वो लोग आपको मोटिवेट तो नहीं करेंगे, आपकी सराहना भी नहीं करेंगे, लेकिन आपको डिमोटिवेट करने वाले भी कई सारे लोग लाइफ में यानी आपको जीवन के अंदर मिल जाते हैं, क्या नहीं मतलब। तो पहली बात तो ये कि अगर आप जब आप आपने अपने लाइफ के अंदर अपने गोल को प्राप्त कर मतलब गोल को पहचान लिया, जो जिस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको उस पे वर्क करना स्टार्ट कर देना है और आपको उस पे अपना कंटिन्यू एफर्ट, हार्डवर्क, फोकस, प्रैक्टिस एंड पेशेंस को रखते हुए आपको उसके ऊपर कंटिन्यू वर्क करते रहने देना है। और जब भी आपको कोई अगर आपका फ्रेंड हो बोलता है या कोई अननोन बंदा बोलता है, अगर आपको डिमोटिवेट करता है कि तुझे इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो टाइम वेस्ट कर रहा है, या अगर अगर तू बहुत पछताएगा या तेरे को इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे लोग आपको कोई शब्द बोलते हैं, चाहे जब आप अपने जो आपका लाइफ का गोल है उस पर आप वर्क कर रहे हो, चाहे 2 साल से आप सिंगिंग सीख रहे हो या डांस सीख रहे हो या बॉडी बना रहे हो या फोटोग्राफी सीख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो सीख रहे हो, कितना भी आपको टाइम लग रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी लाइफ में बड़ी चीज जो अचीव करनी होती है, इट विल टेक टाइम टू अचीव। कोई भी चीज बड़ी होती है तो आपको उसमें समय तो देना ही पड़ेगा, और जब आप समय दोगे तभी आप उस चीज में परफेक्ट बनोगे, और परफेक्ट बनोगे तभी आपको लोग जान पाएंगे मतलब, और आपको फिर फॉलो वगैरह भी करेंगे और आपको आपको अपने आइडल ही मानेंगे। तो कहने मतलब आप उस पर अपना वर्क कर रहे हैं कंटिन्यू, तो आप किसी के भी गलत बोलने से, डिमोटिवेटेड वाले वर्ड्स बोलने से या कोई भी वैसे वर्ड्स बोलने से जो आपको बुरा लगता है, उससे आप अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, आप उनको इग्नोर करें उस टाइम में, बोले ठीक है भाई अपने सजेशन देने के लिए, बट आपको ऐसे टाइम में अपना क्विट नहीं करना है। जो भी आपके अपने लाइफ का गोल है या ड्रीम है, आपको उस पे कंटिन्यू एफर्ट, हार्डवर्क, फोकस, पेशेंस और प्रैक्टिस करते रहनी है। और आप इन 4-5 रूल्स को, जैसे मैं पुराने वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, इन 5-4-5 रूल्स को फॉलो करोगे और जो आपकी निंदा करता है या डिमोटिवेट करता है उसको इग्नोर करोगे, तो आप देखोगे कि फिर धीरे धीरे वो लोग देखेंगे कि अगर उनके डिमोटिवेट करने के बाद भी आप पे कोई असर नहीं हो रहा है, आप अपना कंटिन्यू एफर्ट दे रहे हो, तो वो लोग भी समझ जाएंगे इस पे तो कोई असर नहीं होता है, इसको ऐसे शब्द बोलने से कोई फायदा नहीं है, तो आपको फिर कुछ टाइम बाद बोलना ही बंद कर देंगे। तो आपको उनको इग्नोर करना है, अगर आपको निंदा करते हैं तो करने दीजिए। इस तरीके से आप अपने लाइफ में जो भी आपके लाइफ के ड्रीम है आप उसको अचीव करेंगे, और ऐसे लोगों को इग्नोर करते हुए। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक वीडियो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे हेल्थ पर बेस्ट वीडियो के बारे में, जो कि मोटिवेशनल के अंदर थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और उसके साथ में आपको एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छी व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है, सर्दी में आप किन 5 चीजों का सेवन करें, मतलब सर्दी में किन 5 चीजों का सेवन करें, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि अभी नवंबर का एंड का टाइम चल रहा है, और खासतौर पर जो नॉर्थ इंड, वैसे तो हर जगह ठंड पड़ती है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया का जो जगह होता है मतलब जो क्षेत्र होता है, उसमें काफी ज्यादा ठंड पड़ती है इस टाइम में। मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक टेम्परेचर काफी डाउन रहता है, कहने कहने के मतलब, खासतौर पर
जनवरी और दिसंबर के टाइम जो टेम्परेचर काफी लो होता है और ठंड काफी कड़ाके की होती है और ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे टाइम में आपको इन चार पांच चीजों का अवश्य सेवन यानी आपको करना चाहिए। उस इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा, और काफी सारे लोग हो सकता है उन चीजों को जानते भी होंगे और जानते भी हैं, मतलब फिर भी मैं बस इस वीडियो को बताने के मेरा सिर्फ एक यही है मकसद है कि आपको एक बार रिमाइंडर हो जाए मतलब, और आप एक बार फिर से आप इस वीडियो के थ्रू आप उन चीजों को जान लेंगे। ठंड में आपकी इन पांच चीजों को अगर आप सेवन करोगे तो आप सेवन मतलब आप उसको खाओगे या पियोगे तो आपको ठंडी लगेगी और आपको अच्छा फील होगा। तो इस वीडियो के थ्रू बताने की मेरी बस यही कोशिश है मतलब, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे दिन करीब आएंगे, दिसंबर का महीना आएगा फिर जनवरी का महीना आएगा, तो वैसे वैसे नॉर्थ खासतौर पर नॉर्थ इंडिया का जो टेम्परेचर है काफी डाउन जाता जाएगा, और जब डाउन होगा तो ठंड काफी कड़ाके के से बोलते काफी जबरदस्त ठंड पड़ेगी। और जैसे जम्मू कश्मीर हो गया या हिमाचल प्रदेश श्रीनगर उत्तराखंड में तो कई जगह बर्फबारी भी होती है, और अभी तो स्टार्ट भी हो गई है, जो मैंने अभी कल ही न्यूज देखा था तो उसमें पता चला कि बर्फबारी भी स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों जो पांच चीजें हैं उसमें तो जो सबसे पहली चीज है आप सभी जानते ही होंगे, आप सभी को मतलब जैसे हर किसी को वो पसंद है मतलब चाय, चाय आपको पीनी चाहिए। आपको दिन भर में कम से कम अगर जैसे लोग गर्मी में तो कम चाय पीते हैं क्योंकि गर्म होती है, लेकिन ठंड के टाइम में हर किसी को चाय काफी पसंद होती है मतलब, तो आपको चाय वगैरह पीना चाहिए। खास तौर पर जैसे दो तीन अलग अलग वैरायटीज के चाय होते हैं मतलब, जैसे मसाला टी हो गया, जैसे लौंग हो गया, अदरक हो गया, काली मिर्च वगैरह हो गई, उसमें डाल दो तो काफी ज्यादा तो खुशबू भी आती है। उसके अलावा अलग अलग फ्लेवर के हिसाब से भी होता है, जैसे कि तुलसी टी हो गया, अदरक हो गया, इलायची हो गया, उसके अलावा मिक्स में मसाला आ रहता है। तो आपको क्या बोलते हैं, पहला तो यही है कि आपको चाय का सेवन मतलब आपको चाय कम से कम जब भी सुबह के टाइम और रात के टाइम तो बंदे पीते हैं, और कोशिश करनी चाहिए बीच में भी एक बार दोपहर के टाइम भी चाय पी ले। और चाय पीने से क्या होता है कि आपको गर्म चाय आपके अंदर ठंड को मतलब ठंड को इतना ज्यादा मतलब अंदर आने नहीं देती, मतलब ठंड को आने मतलब ठंड को फील करने से रोकती है कहने का मतलब, और गर्म गर्म चाय तो और ज्यादा अच्छी होती है कहने का मतलब। तो पहला हो गया आपको चाय पीनी चाहिए ठंड के अंदर। दूसरा हो गया आपको कॉफी पीनी चाहिए, कॉफी भी आप काफी लोग पसंद करते हैं, जैसे कि नेस्ले का होता है, ब्रू का होता है, मतलब अलग ब्रांड्स के कॉफी पाउडर आते हैं, तो आपको कॉफी पीना चाहिए कम से कम एक या दो बार मतलब, जिससे आपको ठंड कम महसूस होगा। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े होटल्स वगैरह होते हैं जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं मतलब, वहाँ पे जो होटल वगैरह होते हैं तो ठंड के लोग जो वहाँ पे विजिटर जाते हैं घूमने के लिए वहाँ पर, तो वो लोग चाय पीते हैं, कॉफी भी ज्यादातर लोग पसंद करते हैं पीना ठंड के मौसम में। तो और कॉफी की कप भी आती है बड़े बड़े जो होते हैं, लोग कॉफी भर लेते हैं, और ठंड के जो मौसम होता है उसमें कॉफी लोग ज्यादा पीना पसंद करते हैं कहने का मतलब। तो आपको दूसरा मैं यही बता रहा था कि आपको कॉफी पीना चाहिए मतलब, ताकि आपको ठंड की कम फील हो मतलब, तो आप ठंड को कम महसूस करो कहने का मतलब। तो दूसरा हो गया आपको कॉफी पीना चाहिए। तीसरा हो गया कि आपको जैसे घर के अंदर आप सूप वगैरह बना सकते हो, सूप भी लोग गर्म ही पीते हैं, सूप भी अलग अलग तरह का होता है, जैसे एक वेज वेज सूप होता है जिसमें आप जैसे अभी गोभी और मटर का सीजन चल रहा है, तो आपने छोटे छोटे जो गोभी होती है फूल गोभी होती है उसको चॉप कर लिया, उसको काट लिया, फिर मटर के दाने होते हैं थोड़े निकाल लिया, हरी मिर्च ले लिया धुलकर, उसमें फिर आपने अलग अलग मसाले होते हैं मतलब काली मिर्च को पीस लिया या नमक ले लिया, और मतलब आप देखोगे आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे हाउ टू मेक अ सूप इन होम, मतलब घर में हम सूप कैसे बनाएं, आप अलग अलग तरह के इसकी रेसिपी वगैरह देख सकते हो, लेकिन मैं तो बस आपको बताने की एक कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसको घर में बनाकर, टोमेटो सूप हो गया, आप टोमेटो को एक पतीले में थोड़े से पानी में उबाल लीजिए, उसके बाद उसका जो छिकल होता है टमाटर को हटा दीजिए, और उसके बाद उसमें नमक डालिए और काले मिर्च डालिए, और क्या बोलते हैं हल्का सा उसे उसको मसल दीजिए मतलब उसको इसका पेस्ट बना दीजिए, पेस्ट बनाने के बाद गर्म कर लीजिए, और फिर आप उसमें धनिया के पत्ते डाल दीजिए और हरी मिर्च की बिल्कुल पतली पतली पीसेस उस पर डाल दीजिए, आपका टोमेटो सूप तैयार हो जाएगा, और अदरक का पेस्ट भी आप डाल सकते हो कहने मतलब, आपको ठंड से बचने के लिए यानी ठंड आपको कम फील हो या नहीं लगे आपको सूप बनाकर घर के अंदर पीना चाहिए, जिसकी रेसिपी आप
बनी बनाई वीडियोस को जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, अलग अलग लोगों ने डाल रखी है, हाउ टू मेक अ सूप इन होम। आप अलग अलग तरह के सूप कैसे बनाते हैं, मशरूम सूप होता है, पॉपकॉर्न सूप होता है, अलग अलग तरह के सूप होते हैं, मतलब आप उनके वीडियोस को देख सकते हो। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको सूप पीना चाहिए, और सूप पियोगे तो आपको गर्माहट मिलेगी, क्योंकि उसका जो एक एक सिप होता है, एक एक घूंट जो होता है, जब वो गरम गरम सूप का जो घूंट आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि वो गर्म होता है, बॉडी बाहर से ठंडी होती है, ठंड को फील कर रही होती है। तो आपको सूप पीना चाहिए जो कि अलग अलग तरह से हम बना सकते हैं, और अलग अलग के प्रकार भी होते हैं, टोमेटो हो गया, मशरूम हो गया, वेज सूप हो गया, उसके अलावा और भी सूप होते हैं जिनको आप यूट्यूब पर देखकर उनके वीडियोस को फॉलो करते हुए आप घर में ही बना सकते हो और उसको पी सकते हो, कहने का मतलब। उसके अलावा जो चौथी चीज है वो आप ऐसा देखा रहता है, सर्दियों के टाइम में काफी लोगों का गला जाम हो जाता है या ठंड लग जाती है, या मतलब जैसे सर्दी वगैरह हो जाती है, तो इससे बचने के लिए, मतलब ठंड से तो बचना ही, साथ वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है तो ऐसा आपको ना हो, मतलब उसके लिए आपको काढ़ा पीना चाहिए। काढ़ा के लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको अदरक लेना है, काली मिर्च लेनी है, लौंग लेना है, इन सबको पीस लेना है, और पीसने के बाद इसका जो रस होता है, रस को हल्का गर्म करना है, उसमें आपको चाहो तो आप गर्म करने के बाद तुलसी की खुशबू के लिए आप तुलसी के पत्ता भी डाल सकते हो, जिससे आपके गले को और ज्यादा आराम मिलेगा। तो कहने का मतलब, आपको अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि सर्दी हो गई या गला जाम हो गया या कफ वगैरह हो गया, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम ना, या हो गया है तो आपको कम से कम एक या दो बार घर में काढ़ा बनाकर पीना है, मतलब जो कि आप इजिली घर के अंदर बना सकते हो। जो आपके घर में आपको चार पांच चीजें होनी चाहिए, काले मिर्च होनी चाहिए, लौंग होना चाहिए, अदरक होना चाहिए, और तुलसी का पत्ता हो गया, मतलब और इलायची भी आप डाल सकते हो, ऐसे खुशबू आपको खुशबू काफी अच्छी आएगी। तो आप इन चार पांच चीजों के मिश्रण से आप घर में काढ़ा भी बना सकते हो, जो कि आपके गले के लिए भी काफी अच्छा होगा, और आपको काफी आपके गले को राहत भी देगा और आपको ठंड से भी बचाएगा। तो आपको इन काढ़े को पीना चाहिए घर में बनाकर। और जो फिफ्थ एंड लास्ट जो चीज है, वो सभी उसको जानते ही होंगे, फॉलो भी करते होंगे, मतलब कि हर व्यक्ति को ठंड के टाइम में, मतलब जो खाना होता है, गर्म खाना चाहिए, मतलब, और काफी लोग गर्म खाना ही पसंद करते हैं, सभी लोग लगभग गर्म खाना ही पसंद करते हैं। तो जैसे कि खाना अगर गर्म बन गया तो उसको आप मतलब 4-5 मिनट रुककर, जैसे खाना गर्म या बन जाता है तो आप खा लीजिए, या फिर जैसे आपका जो खाना खाने का टाइम है, मान लो आप 9 बजे खाना खाते हो, तो उसको 1 घंटे पहले पकाना स्टार्ट कीजिए, ताकि 9 बजे तक वो खाना रेडी हो जाए, क्योंकि खाना जब गर्म होगा तो उसका और ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, और उसकी जो खाने की जो खूबसूरती होती है, लुकिंग होती है, जो फ्रेशनेस और ज्यादा रहती है जब हम गर्म खाने को खाते हैं, और गर्म खाने जब हम खाते हैं तो हमें और ज्यादा अच्छा फील होता है, और सर्दियों के टाइम में गर्म खाना काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो उसकी जो गर्माहट होती है हमारी बॉडी को और ज्यादा अच्छा लगती है, वो गर्म खाना जब पेट में जाता है, मतलब जो जिसको हम खाते हैं, और ज्यादा वो फ्रेश होता है, हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। आपको ताजा भोजन, गर्म खाने का मतलब ताजा भोजन है, आपको खाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे आप सुबह का नाश्ता करते हो या दोपहर का लंच करते हो, रात का डिनर करते हो, आपको सर्दी के टाइम में हमेशा जो फ्रेश बनी हुई चीजें होती हैं, चाहे वो सूप हो, चाय हो, कॉफी हो, काढ़ा हो, या खाना हो, तीनों तीनों प्रकार का, मतलब तो आपको फ्रेश खाना चाहिए। कई लोग ठंडियों के टाइम पकौड़े वगैरह खाते हैं, तो पकौड़े भी हर सभी लोग लगभग, और पराठे वगैरह खाते हैं, सभी लोग पराठा हो गया, पकौड़ा हो गया, वो गर्म खाने पसंद करते हैं। तो आपको इन चीजों की तरह खाना भी जो फ्रेश एकदम बनता हो, ताजा भोजन, उसको आप खाइए, गर्म खाने को खाइए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, कि आपको इन चार पांच चीजों को मतलब हमेशा खाना चाहिए और पीना भी चाहिए सर्दियों के मौसम में, जो कि आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा होगा। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का यह नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए हेल्थ पर वीडियो के बारे में बात करेंगे, जो कि मोटिवेशन पर बेस्ड है, और इसको आप जानोगे भी, और वीडियो को जानने से पहले इसके बारे में आगे बताने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दिख रहा होगा, तो
अभी जाइए दोनों को प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सके, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो आज आजकल हमारा टॉपिक है वो है सर्दी से बचने के 5 तरीके। और आप सभी को पता ही होगा कि जैसे अभी जो टाइम चल रहा है वो नवंबर का एंड चल रहा है और नॉर्थ दिल्ली में काफी तेजी से सर्दी बढ़ती जा रही है। और जो मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूँ, हो सकता है कि ज्यादा लोग तो जानते भी होंगे, फिर भी मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद कुछ लोग होते हैं जो हो सकता है नहीं जानते हो, तो वो इस वीडियो को अगर उनको लगता है उनके लिए यूजफुल है तो वो इस वीडियो को देखकर उन तरीकों को जान सकते हैं मतलब। और ज्यादातर लोग तो जानते ही होंगे उन तरीकों, फिर भी अगर एक बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं दोबारा से अगर आप नहीं जानते हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आज आज अभी मतलब स्कूल वगैरह भी धीरे धीरे खुलते ही जा रहे हैं, जैसे अभी कोरोना का टाइम अभी जैसे बोलते अभी गया नहीं, अभी भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन चीजें भी धीरे धीरे सारी ओपन होती जा रही है। सिनेमा घर भी धीरे धीरे 15% पब्लिक के साथ क्राउड के साथ खुलते जा रहे हैं, और जो होटल्स वगैरह हैं या हर जगह स्कूल वगैरह भी खुलते जा रहे हैं मतलब। तो धीरे 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 हर जगह से मतलब जो रिस्ट्रिक्शन था धीरे धीरे हटता जा रहा है मतलब, कि आपको फॉलो करना है जो भी कोरोना के मतलब जैसे उसको बचने हम उसको कैसे मतलब से बचे मतलब से मास्क पहनना या दूरी को मेंटेन करना या हाथ वगैरह को धोना, इन चीजों को तो आपको फॉलो करना ही है, लेकिन चीजें धीरे धीरे मतलब खुलते जा रहे हैं। और क्योंकि अब ठंड बढ़ता जा रहा है तो ठंड से हमें बचने के लिए मतलब जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि कई सारे तरीके होते तो हैं, जैसे सुबह के टाइम जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं खासतौर पर, अब तक तो स्कूल बंद था लेकिन स्कूल खुल गया है और ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है, और कई लोग सुबह सुबह मतलब जॉब पर भी जाते हैं, कई जैसे लड़कियां या महिलाएं भी कई जगह काम करती हैं मतलब सुबह के टाइम ऑफिस में, तो अब ठंड का तरीका मतलब ठंड बढ़ने लगा है तो हर किसी को अपने आप को ठंड से बचाने की जरूरत है, तो उसको बचाएं कैसे उसी को आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ज्यादातर आप लोग जानते हैं, फिर भी आप जान लीजिए, तो जो पहला तरीका है वो ये है कि ठंड कहाँ पे लगती है मतलब, आपने देखा होगा पूरी बॉडी के अंदर जब हम बाहर निकलते हैं मतलब तो हम अपने मतलब नीचे पैंट पहन लेंगे मतलब, तो जो क्या बोलते हैं, लेकिन जो गला वाला होता है हमारा चेहरा होता है इस पे हमें काफी मतलब हवा हम फील ठंडी हवा को फील करते हैं काफी ज्यादा। तो जो पहला तरीका है आपका जो गला होता है मतलब जो या आपके कॉलर के ऊपर वाला हिस्सा जो गला होता है, गले में पहले आपको प्रोटेक्ट करना है मतलब। तो गले को कैसे, एक तो आपको यहाँ पे एक मफलर होता है जैसे बने बनाए मफलर आते हैं, तो आपको मफलर से अपने गले को ढक के रखना चाहिए। तो मफलर के अंदर अलावा अगर आप जैकेट पहनते हैं तो एक जैकेट आता है जिसमें आपको कैप अटैच दिखता होगा मतलब, तो अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप स्कूली बच्चे मतलब स्टूडेंट हैं आप, तब तो आप स्कूल में जाने के बाद तो चलो आप अपने अपने आप को प्रोटेक्ट ही रखेंगे मतलब, तो लेकिन अगर कोई बंदा बाहर जॉब पे जा रहा है मतलब या काम करने जा रहा है, तो उस बंदे को अपने गले को प्रोटेक्ट करने के लिए ठंड से बचाने के लिए आपको मफलर बांध कर रखना चाहिए। तो आपका गले में अगर ठंड नहीं लगेगी तो आपको उस गले से होते हुए आपके अंदर भी नहीं जाएगी मतलब टी-शर्ट से अंदर नहीं जाएगी, तो गले को आपको प्रोटेक्ट करना है। और मफलर नहीं है या नहीं ले पाते तो आपको ऐसी जैकेट खरीदनी है मतलब मार्केट से जिसमें वो कैप अटैच्ड हो मतलब कैप जुड़ा हुआ हो, टोपी उसमें जुड़ी हुई, तो जब आप बाहर निकलो घर में हो तो चलो उतनी ठंड नहीं होती, लेकिन जैसे आप बाहर निकलते हो कुछ सामान लेने के लिए या जॉब पर जाने के लिए, तो आप अपने सर को पूरा प्रोटेक्ट कर लो मतलब कवर कर लो इस टोपी से, मफलर में भी आप उसको सर में बांध सकते हो जिससे आपके कान वगैरह अच्छे से उसमें कवर हो सकते हैं, ढक भी सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि अगर आप बाहर निकलते हो मफलर से अपने गले को ढको और कानों को भी ढको। तो इसी में आपको मैंने भी बताया कि आप कैप अटैच जैकेट को भी यूज कर सकते हो पहनने के लिए, जिससे आप बाहर निकलते हो तो अपने पूरे सर को ढक सकते हो अच्छे से। दूसरा तरीका है मतलब आपको जब बाहर निकलना है तो जैकेट पहनना है, जैसे आजकल जैकेट तो कई तरह के होते हैं मतलब, जैसे लेदर के जैकेट हो गया, कपड़े के जैकेट भी आते हैं अलग अलग कलर्स वगैरह में डिजाइन वाले भी, तो आपको अपने, और ऊनी जैकेट भी होते हैं बहुत सारे जिसमें क्या बोलते हैं उसे रुई वगैरह भरा हुआ होता है,
तो आपको मोटी जैकेट, वो काफी ज्यादा मोटी होती है, मतलब लेकिन ठंड नहीं लगती है। तो आपको जब बाहर निकलना है तो जैकेट पहन के निकलना है या स्वेटर पहन के निकलना है, ऊनी स्वेटर। इससे क्या होगा कि जो आपका चेस्ट वाला एरिया होगा उसमें आपको ठंड नहीं लगेगी। तो आपको बाहर निकलते वक्त जैकेट हो गया, स्वेटर हो गया, या मोटे कपड़े वाली जो जैकेट होती है, कपड़े टाइप के में रुई भरे हुए होते हैं, मतलब आपको उसको पहन कर निकलना है आपको अपने सर से बचने के लिए। तो आपको दूसरा तरीका ये फॉलो करना है। तीसरा तरीका हो गया कि चलो आपने जैकेट भी पहन लिया, आपने मफलर भी लगा लिया, लेकिन अब बात आती है हाथों की, क्योंकि हाथ से हम हर चीज को टच करते हैं। अगर आप बस में चढ़ते हो, हैंडल पकड़ते हो, स्कूटी लाते हो, बाइक लाते हो, तो भी आप हैंडल पकड़ते हो, तो हाथों को हमें ठंड फील होती है मतलब। तो ऐसे में आपको फिर बने बनाए दस्ताने मिलते हैं मार्केट के अंदर, वो आपको दस्ताने पहनकर ही किसी भी चीज को टच करना है या बाहर निकलना है, तो मैं वो प्रॉपर ग्लव्स वगैरह जो दस्ताने होते हैं उसको पहनकर बाहर निकलना है, ताकि अगर आप बाइक चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो या बस में भी सफर कर रहे हैं, ऑटो में भी सफर कर रहे हैं, तो कोई भी चीज को आप टच करते हो तो पहली बात तो अगर वहां पे कुछ लगा हुआ है बैक्टीरिया वगैरह, तो आपके डायरेक्ट हैंड से वो कनेक्शन नहीं होगा, तो वो ग्लव्स में कनेक्शन होगा। और दूसरा, आपको ठंडा फील नहीं होगा, तो आपको दस्ताने पहन कर निकलना है बाहर और ग्लव्स वगैरह पहनना है, जो कि अब मार्केट से जो जो भी कपड़े की दुकान वगैरह होती है, खासतौर वो दुकान है जहां पर ठंड से रिलेटेड जो जैकेटें होती हैं, टोपियां होती हैं, दस्ताने मफलर होते हैं, वहां से आप इसको इजिली अच्छे से खरीद सकते हो दस्ताने वगैरह। तो जाइए और दस्तानों को खरीदिए और अपने आप को सर से बचाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। तो तीसरा हो गया, हमें दस्ताने वगैरह पहनकर बाहर निकलना चाहिए ताकि हमारे हाथों में ठंड नहीं लग सके। तो और फोर्थ में आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने दूसरे पॉइंट में आपको बताया कि आपको स्वेटर पहनना है, तो स्वेटर में तो आप जैसे मैंने बताया कि आपको ऊनी स्वेटर हो गया, जो घर में बने हुए स्वेटर होते हैं, लेकिन फोर्थ में आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ, उसमें मैंने आपको दो पॉइंट अटैच कर दिया था कि आपको जैकेट वगैरह पहनना है। दोबारा से बताना चाह रहा हूँ कि जैकेट्स आपको पहनने हैं, जो कि आप मार्केट से अच्छे अच्छे शोरूम में भी मिलते हैं स्टाइलिश जैकेट, क्योंकि आजकल का टाइम स्टाइल वाला है, हर कोई बंदा मतलब अपने आप को कवर तो करना चाहता है, सर से बनना चाहता है, लेकिन स्टाइलिश भी दिखना चाहता है। तो आजकल अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग कलर्स के, येलो में, ब्लैक में, व्हाइट में, ब्लू में, रेड में, हर तरह के जैकेट अलग अलग कलर में निकले हुए हैं। तो जब भी आप बाहर निकलते हैं तो अंदर टी शर्ट या शर्ट को पहना और ऊपर से जैकेट को डालो और अपने आप को सर से बचाओ। जो जैसे मैंने भी ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई है, अंदर टी शर्ट पहना हुआ है, आप देख सकते हो। तो आपको जैकेट खरीद लेना है, जैकेट पहनने से क्या होगा, आप स्टाइलिश भी दिखोगे और आप ठंड से ही बचोगे। तो आपको फोर्थ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जैकेट पहनना है ताकि आप ठंड से बच सको। और जो फिफ्थ एंड लास्ट चीज है वो ये है, सबसे जो जरूरी चीज है कि आप जैसे अगर आप जॉब करते हो तो आप सुबह के टाइम चलो ब्रेकफास्ट में नाश्ता वगैरह कर लिया, तो सब चीज गर्म गर्म होती है। दोपहर में आप ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां पे आपको खाना गर्म करके खाना चाहिए, ताकि खाना गर्म और ठंडा ना हो, क्योंकि ठंड के मौसम में खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। चाय भी आप निकाल रखोगे 2 मिनट में, 2 या 5 मिनट में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो कहने का मतलब, चाहे कोई सा भी टाइम क्यों ना हो, आपको हमेशा गर्म खाना ही खाना है, ठंडा खाना नहीं खाना है। और पानी को भी आपको हल्का गुनगुना पानी यानी बॉयल किया हुआ पानी ही पीना है, ताकि आपके गले में प्रॉब्लम ना हो। तो चाहे सुबह का नाश्ता आप कर रहे हो, चाहे दोपहर का भोजन आप कर रहे हो, या रात्रि का भोजन यानी डिनर कर रहे हो, आपको तीनों टाइम हमेशा गर्म खाना ही खाना है, गर्म चीजें ही खानी है मतलब, और ठंडी चीजें नहीं खानी है। और घर में अगर कुछ पहले जैसे मान लो रात का कुछ बचा हुआ, सुबह का खाना बचा हुआ आप रात को खाते हो दोबारा, तो उसको आपको माइक्रोवेव में गर्म करके खाना है मतलब। तो आपको कोई भी चीज आप खाते हो ठंडी नहीं खानी है, हर चीज को गर्म करके ही खानी है, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, चावल हो, गर्म कर लेना। कोशिश करना है कि जो फ्रेश फूड एकदम से मतलब खाना बनता है उसको आपको डायरेक्ट खाना है, ताकि खाना एकदम फ्रेश हो मतलब। तो ये 4-5 चीजें थे दोस्तों जिसको मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप सभी काफी सारे पॉइंट जो मैंने बताया है कि हर कोई बंदा आजकल मफलर पहनता है, जैकेट पहनता है, स्वेटर पहनता है और दस्ताने वगैरह पहनता है मतलब, और हर बंदा कोशिश करता है गर्म खाने की मतलब भोजन को करने की। लेकिन फिर से मैंने आप सभी को इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश की, कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज इन चीजों को फॉलो कीजिएगा और अपने आप को सर से बचाइएगा। तो के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स।
हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं तेज पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए नॉलेज वाले वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो आप सभी को इसे वीडियो के नीचे दो चीजें दिख रही होंगी, एक रेड सब्सक्राइब का बटन और एक आपको बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। तो अभी जाइए, आप उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज को आप देख सके, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। जैसे मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे कि किसी भी काम और किसी भी कार्य को करते समय, यानी अपने जीवन में किसी भी काम को करते हैं, मतलब खासतौर पर जब आगे बहुत जब किसी मतलब बड़े लेवल पर होते हैं, मतलब तो उस काम को करने से पहले हमेशा अपने अपने आप को चेक कर लें, हमेशा अपनी जांच कर लें, मतलब कि मतलब वो सही से हुआ है या नहीं। मतलब कहने मतलब जो सही सही बात करें, तो किसी भी काम को अपने जीवन में करने से पहले हमेशा उसकी जांच कर लें, उसको फिनिश करते हैं से पहले। हाँ, क्योंकि फिनिश कर लें तो फिर आगे कुछ कर सकते हैं। तो फिनिश करने से पहले, जब वो एक रॉ मटेरियल के रूप में पड़ा हुआ है, या जब भी किसी काम को करते हैं, तो मतलब उसको जांच लिया कर रहे हैं, मतलब उसको पूरा कंप्लीट करने से पहले उसको आप अच्छे से जांच कर ले, मतलब उसको अच्छे से चेक कर ले कि ऐसा ही से हुआ है कि नहीं। इस चीज के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मतलब जैसे आजकल के समय में, मतलब दुनिया के अंदर, चाहे वो रिच फैमिली हो, सिंपल फैमिली हो, मीडियम क्लास फैमिली हो, जब कोई बच्चा पैदा होता है, मतलब तो वो जब किसी फैमिली में पैदा होता है, तो 1 से 3 साल तक की जो एज है, वो बच्चा पैदा होता है, 1 से 3 साल तक उस बच्चे को मतलब क्योंकि बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, खा पी नहीं पाता, तो उसको फिर 1 से 3 साल तक उसको चलना फिरना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है कि उसके वर्ड्स वगैरह क्लियर निकले और दांत वगैरह नहीं होते, धीरे धीरे दांत निकलने लगते हैं, तो उसको चीजों को खिलाया जाता है। मतलब तो 2-3 चीजें वो करना सीख रहा था, और 3 मतलब करना सीखता है, कहने में 3 साल तक। जैसे ही 3 साल वो क्रॉस करता है, उसको बोलने लगता है, उसके वर्ड्स भी क्लियर होते हैं, चलने भी लगता है, मतलब और अच्छे से चीजों को खाने भी लगता है। देन उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। जैसे हमारे भारत से देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल होता है पहले से लेकर प्राइमरी तक, फिर होता है 6ठी से लेकर 12वीं तक या 10th तक, सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल होता है। उसके अलावा जो दूसरे होते हैं प्राइवेट स्कूल, वो नर्सरी से स्टार्ट होते हैं, फिर नर्सरी KG LKG UKG फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद आगे की मतलब 12th तक होता है, फिर 3 साल का कॉलेज भी होता है जिसको ग्रेजुएशन भी बोलते हैं, बाद में फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है जिसको हम मास्टर डिग्री ये बोलते हैं। तो इस तरीके से मतलब आगे की पढ़ाई होती है। तो कहने का मतलब, उस बच्चे को नर्सरी में डाल दिया रहता है, तो नर्सरी में डालने के बाद जो उस बच्चे की 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है, मतलब वो बचपने वाली होती है। मतलब तो इस एज में क्या होता है, जो बच्चा होता है, उसके जो हम उम्र के बंदे बच्चे होते हैं, चाहे उसी क्लास में हो या गली में हो या स्कूल में हो, मतलब वो अपने हम उनके बच्चों के साथ ही फ्रेंडशिप वगैरह सीखता है, उनसे भी उनके साथ ही खेलता कूदता रहता है, मतलब और वो खेलने कूदने में ज्यादा मजा आता है। कई बार उसको चोट भी लगती है हमारे खेलते कूदने में, बट वापस थोड़े टाइम के लिए दुखी होता है या रोता है, वापस वो हैप्पी होकर वापस खेलना कूदना शुरू कर देता है। कपड़े वगैरह भी गंदे होते हैं मतलब, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं होती, वो सिर्फ खेलता कूदता है, ये क्या नहीं मतलब, और हम उनके अपने बच्चों के साथ रहता है जो कि गली में होते हैं। लेकिन जब वो 13 साल की एज क्रॉस करता है, तो उसकी बचपना की एज खत्म हो जाती है, और 14 साल से मतलब 14 साल से फिर वो चीजों को समझना शुरू कर देता है, कहने का मतलब कि नहीं, मुझे कपड़े गंदे नहीं करना चाहिए, मुझे टाइम पर स्टडी करना चाहिए, मुझे अच्छा मतलब अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना है, कपड़े गंदे करूंगा तो मम्मी मारेगी, टीचर मारेंगे, मम्मी को कपड़े धोने में प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, मतलब उन चीजों को वो समझना शुरू कर देता है। और कई सारे बच्चे तो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, मतलब तो उतना ज्यादा उन चीजों के बारे में, मतलब वो उतना ज्यादा उन चीजों के बारे में सोच नहीं पाते हैं, मतलब क्योंकि वो कमजोर होते हैं, और जो इंटेलिजेंट होता है वो उन चीजों के बारे में इस तरीके से सोचने लगते हैं। तो कहने के मतलब, फिर आगे जाके वो ये भी देखता है कि मतलब उसके जब वो 12th में पढ़ता है या कॉलेज में जाता है, वो देखता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, नाना थे या नानी दादाजी थे, उन्होंने अपने जीवन काल में मतलब कहीं ना कहीं फील्ड में अपना करियर बना के आगे पूरी लाइफ निकाल दिया, फिर रिटायर हो गए। उसके बाद उनके करंट फादर भी, उन्होंने भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के करंटली वो जॉब कर रहे हैं, हमारे घर को संभाल रहे हैं और देख रेख कर रहे हैं। तो आगे आकर उसको भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, कहने मतलब।
तो जैसा कि आजकल के टाइम में, मतलब आजकल के समय बहुत सारे हमारे पास क्या बोलते हैं, करियर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, लेक्चर हो गया, टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया। कई लोग बॉडी अच्छी होती है तो आर्मी चले जाते हैं, कई लोग जिम ट्रेनर, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड ही बन जाते हैं। उसके अलावा दूसरे जो बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं, मतलब तो एक्टिंग का सीख के डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं विदेशों में जाकर। तो कहने का मतलब आजकल अब फील्ड के जो ऑप्शन है, करियर के ऑप्शन बहुत सारे हमारे सामने अवेलेबल है। तो आपको भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाना ही है, मतलब वो बच्चा मतलब सोचना ही है, मतलब तो कहने मतलब अगर आप वाकई में पहले तो अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको किस फील्ड में करियर बनाना है तो अगर आप डिसाइड कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी ना किसी अपने इंटरेस्ट या अपने जो जिसमें आपका दिल लगता हो, मन करता हो, उसको चूज कर लीजिए। मतलब और जब उसको चूज कर लेते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट का एरिया है, मतलब इसमें आप चाहे सिंगिंग हो या डांसिंग या दूसरे कोई भी फील्ड हो, मतलब तो जब उसकी तैयारी करते हो, मतलब क्योंकि ये चीजें ऐसी है, मतलब जो रातों रात कोई भी चीज हम अचीव नहीं कर सकते, उसमें हमें परफेक्शन लाने में टाइम लगता है। कहने मतलब तो कहने मतलब जो आज अभी हम बात कर रहे थे कि जब आप उस चीज की तैयारी कर रहे होते हो, प्रैक्टिस कर रहे होते हो, मतलब तो जैसे बोलते हैं ना कि सिंगिंग में कई सारी चीजें होती है, जैसे मैं सिंगिंग थी सीख रहा हूँ पिछले 3 साल से, तो रागे होती है, अलंकारें होती हैं, आकारें होती हैं, सरगम होती हैं, मतलब तो कहीं भी हम जब अपना प्रैक्टिस करके सुनाने जाते हैं किसी को भी, तो हमें गले की ओर चेक करते हैं कि हमारा सुर बैठा हुआ है कि नहीं, हम सही से सरगम लगा पा रहे हैं कि नहीं, सही से आकारों को लगा पा रहे हैं कि नहीं। कहने का मतलब हम अपने, जैसे मैं अपने आप को पहले चेक कर लेता हूँ, मतलब चेक करने के बाद उसको अच्छे से प्रैक्टिस करता हूँ कि कहाँ पे मैं सही हूँ, कहाँ पे गलत हूँ, या कहीं पे मेरा सुर नहीं लग रहा है, उसको लगाने की कोशिश करता, फिर जाके मैं अपना आगे रख के उसको मतलब टीचर को सुनाता हूँ, जो बताता हूँ। इस तरीके से डांस के जो डोमेन डांस सीखते हैं, मतलब डांस में जो स्टेप्स होते हैं वो नंबर्स पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2, नंबर्स पे स्टेप बैठते हैं। मतलब तो आपको परफॉर्मेंस देना है डांस का, है ना, तो पहले आप डायरेक्ट प्रैक्टिस ना करते हुए, डायरेक्ट अपने आपको बिना चेक किए हुए डायरेक्ट परफॉर्मेंस देने से अच्छा है कि पहले अपने आपको चेक कर ले कि आप उन स्टेप्स को अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं, आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। तो कहने मतलब कोई भी, और फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी बड़ी क्लास में हो, मतलब किसी अच्छे बड़े चीजों की तैयारी कर रहे हो, मतलब फोटोग्राफी में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कैमरे के अंदर जैसे आप कहीं शूट करने जाते हो तो शूट में से कैमरा लेकर पहुंच जाने से मतलब नहीं होता, इसमें कई सारी चीजों को कैमरे के अंदर सेट करना होता है, जैसे अपर्चर हो गया, वाइड बैलेंस हो गया, शटर स्पीड हो गया और आईएसओ हो गया, इन सबको सेटिंग करनी होती है। इनडोर मतलब किसी हॉल के अंदर है या आउटडोर में, तो आउटडोर इंडोर के हिसाब से की सेटिंग करनी होती है। कहने का मतलब यही है कि मतलब आप किसी भी काम की तैयारी कर रहे हो या जिस भी आप फील्ड में करियर बनाना चाहते हो उसकी आप तैयारी कर रहे हो, मतलब तो उस काम को करते वक्त और कहीं पे अगर आप खुद को प्रेजेंट करना है या कहीं पर उसको प्रेजेंट करके दिखाना है या बताना है या सुनाना है या परफॉर्मेंस ही क्यों ना देना है, तो उसको करने से पहले उस तरीके का कुछ भी करने से पहले ना, पहले अपने आप को जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं उस चीज की आप चेकिंग कर लो, मतलब कि मैं उसको सही से प्रिपेयर कर पाया हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट उसको प्रेजेंट कर दिया और वहां पे जो गलती हो गई, तो बोलते हैं उस गलती के बाद मतलब आप कोई बड़े बड़े जज वगैरह आकर चेक कर ले कि नहीं इस बंदे परफेक्शन तो है ही नहीं, तो फिर आप अपने अपना अपने आप को रीचेक किया या नहीं, चेकिंग किया नहीं, जांच किया नहीं, मतलब अपने आप की कि आप उस काम में परफेक्ट हो गए नहीं, या आपने आपने उस काम के अच्छे से प्रैक्टिस किया कि नहीं, तो आपने तो अपने आप में खुद की सेल्फ चेकिंग ही नहीं की, मतलब और आप डायरेक्ट प्रेजेंट करने लगे उस चीज को, तो अगर वहां पे कोई एरर निकला फिर आपको दोबारा मौका हो सकता है नहीं मिले। कई बड़े बड़े जगहों पर जैसे जो बड़े बड़े रियलिटी शो होते हैं डांस के, सिंगिंग के, मतलब तो वहां पे पूरे बंदे प्रिपेयर होकर अच्छे से उन चीजों की प्रैक्टिस करके सेल्फ चेकिंग करके जाते हैं ताकि वहां पे कोई गलती ना हो, क्योंकि हम बिफोर चेकिंग मतलब करने से पहले अगर अपने खुद की बिफोर चेकिंग कर लेंगे, मतलब तो भी पता रहेगा हमारी क्या कमियां हैं, क्या किस जगह पे हम कमजोर है, कहाँ हमारा अच्छा पॉइंट है, मतलब उस तरीके से हम पूरा अपने आप को वेल प्रिपेयर कर लेंगे। मतलब तो कहने का मतलब यही है कि इस वीडियो के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप किसी भी चीज की तैयारी क्यों ना कर रहे हो और उसको करने और उस तैयारी करते हुए जब आप अगर आपको उस चीज का प्रेजेंटेशन देना है, कहीं पर शो करना है, परफॉर्मेंस देना है ना, सुनाना है, बताना है, तो अपने आप को एक बार सेल्फ चेकिंग जरूर कर ले ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने परसेंट ओके हो, कितने परसेंट ओके नहीं हो, या कौन कौन सा आपका भी वीक पॉइंट रहेगा और कौन कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो जो आपके वीक पॉइंट होंगे उनको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनको और बेटर बनाओ। तो सेल्फ चेकिंग करने से कई सारे फायदे होते हैं कि आप अपने बारे में रियलिटी चेक कर पाते हो कि आप कितने परसेंट ओके हो, कितने परसेंट नहीं हो, मतलब तो हमेशा अपनी सेल्फ चेकिंग जरूर करें, अपना अपना हमेशा
अपने खुद की मतलब चेक, अपना जो भी काम करने से पहले अपना खुद की चेकिंग जरूर करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा जो ऑलरेडी आपको वीडियो बता चुका हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे मतलब एक रेड सब्सक्राइब का बटन और आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए उसको भी, ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएं, मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। आज हम बात करेंगे, हमेशा हमें अपने जो हमसे बड़े होते हैं उनका आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ यह है कि हमें हमेशा अपने से जो हमसे बड़े होते हैं उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। तो इस टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों आज आप सभी को पता ही होगा, मतलब आजकल के टाइम में मतलब जैसे कि जो नॉलेज जो है, मतलब ज्ञान की चीजें हैं, वो हम कई तरह से मतलब हमें हमारे पास हमें हमें प्राप्त होती है। कहने मतलब जैसे कि अगर हम जैसे कहा जाता है कि मतलब जैसे आजकल के टाइम में जो हमारा वर्ल्ड है, हमारे वर्ल्ड में कई तरह के मतलब जैसे फैमिलीज होते हैं, अलग अलग स्टेटस की होती है। जैसे कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास, कोई सिंपल क्लास, कोई नॉर्मल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब तो जब जब इस दुनिया में मतलब जो कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी मतलब स्टेटस में, चाहे मतलब रिच फैमिली, नॉर्मल सिंपल मिडिल क्लास, किसी भी फैमिली में जब पैदा होता है, क्या नहीं मतलब, तो जब वो पैदा होता है तो कहा जाता है कि जो उसकी 1 से 3 साल तक की जो एज होती है, इस एज में जो बच्चा होता है तो कुछ पता नहीं होता है। मतलब उसके दांत वगैरह निकलते हैं, वो खाना पीना सीखता है, चलना फिरना सीखता है, बोलना चलना सीखता है। तो इस एज में ये 3-4 चीजें वो करना सीखता है मतलब। और जैसे ही वो 3 साल कंप्लीट कर लेता है मतलब, तो उसे जैसे भारत जैसे हमारे भारत जैसे देश में मतलब 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि स्टार्टिंग 1ली से 5वीं तक, फिर 6ठी से 10वीं तक, जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, और फिर या फिर 6ठी से 12वीं तक होता है, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं कहने मतलब। और दूसरा होता है हमारा प्राइवेट स्कूल मतलब, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है। तो इधर 2 तरह के स्कूल होते हैं। तो उस छोटे बच्चे को जब वो 4थे साल में प्रवेश करता है, उसको उस मतलब नर्सरी क्लास में डाल दिया जाता है मतलब। तो वहां से मतलब उस बच्चा जो होता है अपनी स्टडी की जो लाइफ होती है मतलब जर्नी शुरू करता है। तो जब जर्नी शुरू करता है मतलब, लेकिन कहा जाता है कि जो 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है मतलब, इस एज ये जो एज होती है चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का टाइम होता है। इस एज में बच्चा पढ़ाई तो करता है धीरे धीरे, हर साल अपने क्लास को पास भी करता है मतलब, लेकिन इस एज में जो बच्चे का मन होता है मतलब, ज्यादातर जो होता है वो खेलने कूदने में हम उनके बच्चों के साथ, चाहे उसके क्लास में हो, स्कूल में हो, घर में हो, या आस पड़ोस में हो, या नेबर में हो, गली में क्यों ना हो, वो उन बच्चों से वो खेलना खेलने कूदने में उसको ज्यादा अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब कि जो बच्चा पैदा होता है और वो इस तरीके का उसका मतलब होता है मतलब खेलना कूदना ज्यादा उसको ध्यान लगता है। और लेकिन जैसे ही वो 14वें साल में प्रवेश करता है 14th ईयर में, वो धीरे धीरे बाहर की चीजों को समझने लगता है और क्या अच्छा है क्या बुरा है वो जानने लगता है। तो कहने मतलब जब कोई बच्चा आता है, तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं मतलब, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, या जो उनके फैमिली में बड़े होते लोग होते हैं मतलब, उनको अपने बच्चे को शुरू से मतलब जब पैदा होता है, और जब वो चीजों को जैसे बताया कि वो समझने लगता है 4-5 साल से ही मतलब, तो उसको उस समय से ही मतलब अच्छी आदतों को डालने का सिखाना चाहिए कहने का मतलब। जैसे और जब आप अच्छी आदतें डालोगे तो वही आगे जाकर बच्चा अच्छे हैबिट्स को सीखेगा, उसको अपनाएगा और उसको फॉलो भी करेगा। जैसे अच्छी जब आप बचपन में बोलते हैं ना कि जब अगर हम घर में कोई पौधा लगाते हैं मतलब, तो पौधा निकलता है तो हो सकता है कुछ टाइम हल्का टेढ़ा हो जाता है कहने का मतलब, आप वहीं पर उसको सपोर्ट दे देंगे कुछ डंडी या स्टिक के थ्रू, तो सीधा जाएगा कहने का मतलब। तो कहने का मतलब आप बचपन से जब कोई बच्चा भी होता है उसी तरीके से होता है, जो आप उसको बचपन में सिखाओगे आगे जाके वो उसी चीज को फॉलो करेगा कहने का मतलब। तो आपको बच्चे को सिखाना चाहिए कि सुबह उठकर समय और सुबह टाइम पर उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, सुबह उठकर वॉक वगैरह करना चाहिए मतलब,
गली मतलब अगर छोटा बच्चा है तो छत पर वॉक कर लिया मतलब, या फिर थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया मतलब, या योगा योगा भी छोटे बच्चे करते हैं मतलब। मैंने देखा है जो हमारे दिल्ली में एक मोरारजी देसाई योगा इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे 2-3 साल पहले जब मैं गया था किसी इवेंट पर्पज से, तो वहाँ मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भी योगा करते हैं मतलब, क्योंकि इन चीज़ों का बचपन से आप आदत डालो तो अगला की ये चीज उनके बच्चों की हैबिट बन जाएगी, जो कि अच्छी होगी उनके हेल्थ के लिए भी, उनके फ्यूचर के लिए भी मतलब। तो उनको सुबह जल्दी उठने की आदत डलवाना, उनको बोलना कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी नाना नानी है, उनको सुबह उठकर मतलब उनके पैर छुए, उनकी आशीर्वाद ले, उनके अलावा जो भी घर में है मतलब, फिर दादा दादी का आशीर्वाद ले, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद ले, सुबह उनके पैरों को छुए मतलब, दिन का मतलब शुरुआत होता है। और सुबह उठते जब आप उठते हैं मतलब, तो जो धरती माता है उनकी ब्लेसिंग लेके मतलब, धरती माता आपने मुझे एक और नया दिन दिया है, तो आज मैं कुछ नया करूंगा, नई चीजों को सीखूंगा और सबका आदर करूंगा, सबका सम्मान करूंगा जो भी मेरे से बड़े हैं। हमें एक सुबह संकल्प करना चाहिए मतलब, उसके बाद में पेरेंट्स का, फिर ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना सिखाना चाहिए, उसके अलावा फिर जो भी दूसरे घर में मेंबर्स होते हैं, चाचा ताऊ मौसा मौसी मतलब, जो भी अगर हैं आपके घर के अंदर या गली में रहते हैं, अंकल आंटी रहते हैं मतलब, उनको नमस्कार करना अच्छे से मतलब, सहज तरीके से बात करना सिखाना मतलब, कि एक अच्छे से विनम्र होकर बात कैसे करना चाहिए मतलब, एक अच्छी लैंग्वेज क्या होती है बातचीत करने की मतलब, वो उसको सिखाना चाहिए मतलब, कि हमें जीवन में हमेशा एक विनम्र भाव को अपनाना चाहिए मतलब। तो कहना है मतलब कि आपको फिर जो आप ऐसे हैबिट्स उनको सिखाओगे 3-4 साल से ही बच्चों को मतलब, तो जब वो बच्चा मैंने बताया कि 14-15 साल का जब उसका चाइल्डहुड का टाइम खत्म हो जाता है, तो 5 मतलब 6-7 साल के अंदर, क्योंकि 3-4 साल से वो सीखने लगा, तो आगे जाकर वो जो अच्छी आदतें हैं उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली मतलब घुट जाएंगे मतलब, उसके अंदर समा जाएंगे, तो उसके बाद आपको उन चीजों को बोलना नहीं पड़ेगा मतलब। जैसे बताया अगर पेड़ को आपने बचपन के टाइम में जब वो छोटा होता है और टेढ़ा हो रहा, तो वहां पे आपको सपोर्ट दे दिया, सपोर्ट के बाद सीधा जाएगा, सीधा निकलता जाएगा, आगे जाकर उसको आपको सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, वो सीधा ही बढ़ता हो जाएगा। कहने मतलब फिर जब वो बच्चा 13-14 साल में, फिर जब वो 5-6 साल से उन चीजों को फॉलो करेगा, जानेगा अच्छी हैबिट्स को जानेगा, फॉलो करेगा और उन चीजों के बारे में अच्छे से अपने आप को उनमें मतलब उस पर इम्प्लीमेंट करेगा मतलब, तो धीरे धीरे फिर आगे रखकर उसको आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह उठेगा और फिर अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब पैर छुएगा, उनकी बात मानेगा मतलब। तो मैं उन बच्चों से मतलब जो अभी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं 13-14 साल के हैं या आगे बढ़ रहे हैं मतलब, तो उनसे यही वही करना चाहूंगा कि आप, जैसे मैंने वीडियो में बताया कि अगर आप उस एज पे पहुंच चुके हो मतलब, तो 14-15 साल की एज पे मतलब, तो आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं मतलब, तो आप सभी का फर्ज बनता है मतलब, कि इस मतलब जो आपके घर में पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो भी आपके आस पड़ोस में जो भी आपसे बड़े बुजुर्ग दिखते हैं मतलब, चाहे पार्क में जाते हो, स्कूल में जाते हो, आप टीचर्स हुए तो वो भी आपसे बड़े बुजुर्ग होते हैं मतलब, या कहीं भी आपको अपने से बड़ा व्यक्ति देता है देख दिखता है मतलब, और आपसे मिलता है और आपको कुछ बातें बताता है मतलब, तो आपको उनकी बातों को सुनना चाहिए, जो भी आपको छात्र वो शेयर करते हैं अपनी जानकारी या अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर वो आपसे वो बड़े हैं और उनके पास काफी एक्सपीरियंस है, हम लोग तो अभी अपनी इसके कहा रहते हैं 14-15 साल का बच्चा तो अपने लाइफ जर्नी स्टार्ट किया होता है, तो उसको बहुत सारी चीजें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखने को मिलती है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी नाना नानी होते हैं मतलब, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, अपने लाइफ का तजुर्बा होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसे लाइफ में क्या करना है मतलब, कैसे किस कंडीशन में उस चीज को हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है, वो आप उनके संग अपना शेयर करोगे मतलब, तो आपको आपकी उस डाउट को क्लियर भी करेंगे और आपके संग अपना वो एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे जो उन्होंने अपने लाइफ में जिया है, अपने पेरेंट्स के साथ आपके जो भी डाउट्स या प्रॉब्लम आती है उनको शेयर कीजिए, उनके पास भी काफी एक्सपीरियंस है मतलब, क्योंकि वही आपको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने की कोशिश कर रहे, ताकि आप अपने लाइफ में एक अच्छे काबिल व्यक्ति बन जाओगे, तो आपकी आने वाली लाइफ होगी मतलब वह काफी एक उज्जवल लाइफ होगी, उज्जवल आपका भविष्य होगा मतलब। और जब अभी आप बच्चे हो तो पेरेंट्स का फर्ज होता है मतलब कि वो पढ़ा लिखा कर अपने बच्चे को काबिल बनाए मतलब, जैसे लेकिन जब और इस एज में बच्चा होता है माता पिता पे डिपेंडेबल होता है, निर्भर होता है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है 30-25-30 साल का हो जाता है, तो बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स जो होते हैं मतलब उस समय तक जब ग्रैंड मतलब जो आपके पेरेंट्स 50-60 साल के हो जाते हैं, तो फिर वो बच्चा जो होता है बच्चे पर मतलब बड़ा हो चुका होता है, उस पर उसके पेरेंट्स आत्मनिर्भर हो जाते हैं, क्योंकि बूढ़े हो चुके होते हैं,
चुके होते हैं। मतलब क्या कहते हैं ना कि बच्चे जो होता है वही अपने माँ बाप की लाठी का सहारा होता है बुढ़ापे में। मतलब तो पहले अगर आप जब छोटे हो तब आपके माता पिता आप पढ़ाई कर अच्छा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए, मतलब जो उनका ड्रीम है, जो उनका सपना है आपको बनाने के प्रति, आपको उनके सपने पर खरा उतरना है, उनका सम्मान करना है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स जो आपके अपने से जो भी बड़ा आपको दिखता है होता है उनको आपको हमेशा सम्मान करना चाहिए। मतलब और जो उनके ड्रीम्स हैं उन पर अपने आप को खरा उतारने की कोशिश करना चाहिए। मतलब तक क्योंकि जब आपका उज्ज्वल भविष्य होगा तभी आप अपने पेरेंट्स को अच्छा सपोर्ट कर पाएंगे जब उनका बुढ़ापा आएगा, मतलब और आप उनके बुढ़ापे की लाठी बन पाएंगे कहने। मतलब तो आपको ये कुछ मतलब अच्छे आते मैंने बताया और कुछ बताया कि आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश किया कि आपको हमेशा अपने से बड़ों का, चाहे वो कहीं भी हो, घर के अंदर हो, बाहर हो, आस पड़ोस में या कहीं भी आप मिलते हैं, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाए और मेरे आने वाले हर नए वीडियोज को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कि जीवन में कभी भी आशा को मत छोड़ो, मतलब होप जिसे बोलते हैं, आशा मतलब होप होता है, तो कभी भी जीवन में आप आशा को मत छोड़ो। आशा मतलब जो आपकी होप होती है किसी भी चीज, मतलब आपको कोई भी लाइफ में बनना है, कुछ भी बनना है जिसकी आप आशा करते हो, मुझे ये बनना है, मतलब या मैं ऐसा बन सकता हूँ, उम्मीद करते हो, आशा करते हो, होप रखते हो, तो उसको हमें अपने जीवन में नहीं छोड़ना है। मतलब इसी टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा क्योंकि मतलब जैसे आजकल के टाइम में, मतलब जैसे जो वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड में अलग अलग तरह के मतलब जैसे लोग रहते हैं, और जो हर व्यक्ति होता है कितना अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करता है, मतलब चाहे वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और चाहे वो मीडियम क्लास, चाहे वो नॉर्मल क्लास या सिंपल क्लास। तो एक्चुअली जब इस वर्ल्ड में जब कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी क्लास में पैदा होता है, मतलब चाहे वो रिच फैमिली हो, मीडियम क्लास फैमिली हो, या सिंपल या नॉर्मल फैमिली हो, मतलब तो जब वो इस वर्ल्ड में आता है किसी भी घर के अंदर, मतलब तो जब वो पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद जो उसकी 1 से 3 साल तक की जो उम्र होती है, मतलब वो इस एज में तो कुछ पता नहीं होता है, मतलब वो पेरेंट्स उसको खाना वाना खिलाना सिखाते, उसके दांत वगैरह निकलते हैं, वो चलना फिरना सीखता है, और बोलने में भी जो उसका धीरे क्लैरिटी नहीं होती, धीरे धीरे वो बोलने में सीखने लगता है। मतलब 1 से 3 साल तक वो इन चीजों को करता है, बोलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, दांत उसके निकलते हैं, चलना फिरना सीखता है। लेकिन जैसे ही जब वो 4थे साल में प्रवेश करता है, तो जैसे उसके स्कूल में डाल दिया जाता है, जैसे हमारे भारत जैसे देश में मतलब 2 तरह के स्कूल होते हैं, मतलब तो एक होता है गवर्नमेंट स्कूल जो कि पहले से स्टार्ट होकर प्राइमरी तक, फिर 6ठे से लेके 12th तक या 10th तक होता है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। और जो प्राइवेट स्कूल वगैरह जो होते हैं वो नर्सरी से स्टार्ट होते हैं, मतलब तो नर्सरी से फिर LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके मतलब आगे क्लास होती है। तो बच्चे को जैसे छोटे क्लास नर्सरी में डाल दिया, मतलब तो उसमें जाने के बाद वो धीरे धीरे मतलब हर साल अपना मतलब अपने आप को इम्प्रूव करता है, वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए आगे की क्लासों को पूरा करता है। मतलब लेकिन जैसे तो 3 साल जब 14 साल में प्रवेश करता है स्कूल चढ़ आता है, फिर भी 4 साल से लेकर उसकी 13 साल तक की जो एज होती है, ऐसा खड़ा था कि वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का समय होता है। मतलब इस एज में वो बच्चा होता है, उसको जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं उसके साथ, चाहे वो क्लास में हो या स्कूल में हो या गली में हो या आस पड़ोस में हो, मतलब वो उनके साथ ही, या कोई उसके फैमिली में हम उम्र के जो होते हैं, चटोताओं के बच्चे होते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं पोता, तो उन्हीं उम्र से जब वो कभी फैमिली से रिश्तेदार वगैरह आते हैं, मतलब हम उम्र के जो उसके बच्चे होते हैं उन्हीं संग वो दोस्ती वगैरह करता है, और उन्हीं के साथ उनको खेलना कूदना, मतलब स्कूल में खेलना कूदने में ज्यादा उसको मजा आता है। इस एज में एक्चुअली वो गिरता, कई बार वो गिरता भी, चोट वगैरह लगती है, बट उसको उतना ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ता, मतलब फिर से वो थोड़ी देर उठता है, फिर से वो खेलना कूदना शुरू कर देता है।
कपड़े गंदे होते हैं, बाल गंदे होते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जैसे ही 13 साल क्रॉस करके जब 14 मतलब 14वें साल में प्रवेश करता है और जब वो बड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत, धीरे धीरे मतलब बाहर की चीजों को समझना शुरू कर देता है। मतलब कि मुझे अपने कपड़े नहीं गंदे करने चाहिए, मम्मी को धोने में प्रॉब्लम होगी, या मुझे मार भी सके, डांटेंगे टीचर मुझे, मतलब डांटेंगे मारेंगे मतलब, और पनिश भी करेंगे मतलब, और मुझे मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है, स्टडी पे फोकस करना है और अच्छा एक बनकर दिखाना है, क्योंकि वो देखता है कि जो उसके फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स है, नाना के दादाजी है, मतलब वो भी अपने टाइम में किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाते हुए आगरा के सेटल हो गए। उसके बाद जो उनकी मतलब जो उनके फादर है वो भी कहीं ना कहीं करेंटली कहीं ना कहीं पे जॉब करते हुए अपना लाइफ जी रहे, हमारी फैमिली को संभाल ले, हमारी केयर कर रहे। तो कहने का मतलब तो उसे भी इस बात का एहसास होने लगता है धीरे धीरे, जब वो 14 साल के बाद जब वो 20 साल का होता है, फिर आगरा के 22 साल कॉलेज में, फिर आगे की पढ़ाई पूरी करता है कि मुझे भी आगरा के किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना होता है। तो आजकल के टाइम में जैसे आजकल बहुत सारे करियर के फील्ड हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लेक्चर, प्रोफेसर, टीचर। टीचर भी दो तरह के होता है, एक से 5वीं तक का और फिर 6ठे से लेकर 10वीं 12वीं तक के, जो टीजीटी मतलब टीजीटी, एक से 5वीं तक टीजीटी होता है, फिर उसके बाद पीजीटी होते हैं मतलब। तो कहने मतलब तो इस तरीके से मतलब टीचर वगैरह जो होते हैं मतलब इनकी भी कई सारे प्रोफेशन है, फिर उसके आगे भी और भी सारे, सिंगर हो गया, डांसिंग हो गया, कोरियोग्राफर हो गया, मतलब वो अभी कहने में मतलब जो अच्छी खासी अगर शरीर होता है, मतलब बॉडी अच्छी होती है, हाइट अच्छी होती है, तो लोग आर्मी वगैरह में चले जाते हैं, जिम ट्रेनर बन जाते हैं, बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बन जाते हैं। मतलब कहने में मतलब जैसे यही कि आजकल हमारे पास करियर आने के लिए बहुत सारे फील्ड अवेलेबल है, तो जब वो बच्चा आगे उसकी एज बढ़ती आगे जाके उसको मतलब जब वो इन चीजों को अपने करियर के बारे में सोचता है, तो उसे मतलब देखता है कि हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, बट उसको लगता है कि बनना तो ये चाहता है। मतलब जैसे मान लो किसी बच्चे का इंटरेस्ट डांस में हो या सिंगिंग में हो, मतलब तो बनना तो डांसर चाहता है, सिंगिंग चाहता है, बट उसको लगता है कि इस चीज में कॉम्पिटिशन बहुत है, मतलब मैं इसको कैसे इसमें अपने आप को परफेक्ट बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा, मतलब क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पहले से जो स्टूडेंट्स वगैरह है या पहले से दूसरे जो लोग इसमें इन्वॉल्व है चीजों को सीखने में, मतलब तो मैं कैसे परफेक्ट बनूंगा या मैं कैसे इस चीज में माहिर हो पाऊंगा इस चीज के अंदर, तो वहां पे उनकी जो मतलब जो होप होती है, मतलब वहां पे वीक होने लगते, जहां पे हम कनेक्शन पाएंगे आशा का, मतलब जो हमारे यहाँ पे होप है, मतलब हम अपने जीवन में यही उम्मीद करते हैं, मतलब आशा करते हैं, जब हमें कोई अच्छी लग रही होती है कि हमें डांस अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छा लगता है, एक्टिंग, या हमें फोटोग्राफी अच्छी लगती है, हमें टीचर बनना, मतलब जो भी आपका फेवरेट ऑप्शन है करियर बनाने का, उसमें आपको अच्छा लगता है। लेकिन आप देखते हो पहले से ही लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह और भी कॉम्पिटिशन बहुत है हर चीज के अंदर, तो वहाँ पे जो आपकी होप होती है, मतलब आपकी जो आशा उम्मीद होती है, मतलब वो धीरे धीरे मतलब आपको लगता है कि हम नहीं ऐसा बन सकते, आपकी भी एक होती हुई दिखाई देती है, फिर आप सोचते हो कि हम कर पाए कि, मतलब अपने आप पर ही आपको संदेह होने लगता है। तो कहने मतलब आपको, फिर मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसी ऐसे पॉइंट पर जो आप किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर है या आपको सीखना चाहते हैं, बट आपकी जो वहाँ पे होप है, मतलब जो आपकी उम्मीद है, आपकी आशा है, वीक होती ही दिखाई दे रही है, तो आपको 4-5 चीजों को फॉलो करने की आवश्यकता है जीवन के अंदर। आप 4-5 चीजों को फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि जो आपकी होप है, आशा है, आपकी जो उम्मीदें हैं, वो काफी स्ट्रांग हो चुकी हैं, और आप जो चाहे अपने लाइफ में कर सकते हो, उस चीज को अचीव कर सकते हो, उस चीज को प्राप्त कर सकते हो, और उस कार्य के अंदर सफलता को प्राप्त कर सकते हो। वही 4-5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला, जो आपकी कोई भी चीज आप प्राप्त कोई भी चीज लाइफ बनना चाहते हो, मतलब आपकी उस चीज की होप रखते हो, आशा रखते हो, मतलब तो आपको उस वर्क उसी टारगेट के ऊपर या उस गोल के ऊपर हार्डवर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको हार्डवर्क करोगे तो आपको कड़ी मेहनत से उस चीज में आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब और आपकी फिर होप स्ट्रांग होगी। तो दूसरी हमारी वो है, आपको इसमें एफर्ट पूरा देना पड़ेगा, एफर्ट मतलब आपका पूरा पूरा उसमें कोशिश करना पड़ेगा, उस चीज को हार्डवर्क के साथ एफर्ट को करना, मतलब एफर्ट देते हुए, हार्डवर्क करते हुए अपना एफर्ट पूरा देना पड़ेगा 100%। फिर आपको अपना पूरा का पूरा थर्ड जो थिंग है वो है फोकस, आपको अपनी पूरी की पूरी फोकस करनी पड़ेगी। हार्डवर्क जब कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो, पूरा एफर्ट दे रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा उसमें फोकस भी उसके ऊपर होना चाहिए।
जो भी आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो करना चाहते हो। और उस चीज के आप अगर चौथी चीज वो है, आपको उस चीज की बार बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आप जब बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप देखोगे जो भी आप जैसे सिंगिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, डांस में राग होता है, अलंकार होता है, आकारें होती हैं, सरगमें होती हैं, मतलब उन चीजों की आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, हार्डवर्क करोगे, फोकस करोगे, उस पर एफर्ट मतलब पूरा पूरा देखोगे, तो आप देखोगे धीरे धीरे जो आपकी उम्मीद है और ज्यादा बेटर होती जा रही है, और ज्यादा पहले से ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। और जो पांचवी जो सबसे बड़ी चीज है वो है पेशेंस, यानी धैर्य को रखना लाइफ के अंदर। आप जब कोई भी चीज कर रहे हो, मतलब हार्ड वर्क भी दे रहे हो, एफर्ट भी कर रहे हो, फोकस भी रख रहे हो और प्रैक्टिस भी बार बार कर रहे हो, बट आपके अंदर पेशेंस थोड़ा सा किया, चारों चीजों को फॉलो करते हैं, बट आपने पेशेंस को धैर्य खो दिया, अरे रिजल्ट मिल ही नहीं रहा, हम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद हमको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जो लास्ट चीज है, जो फिफ्थ पांचवी चीज है, वो है आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है लाइफ के अंदर। क्योंकि धैर्य रखोगे तब भी आप किसी चीज की कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाओगे, हार्ड वर्क, फोकस, एफर्ट अपना पूरा पूरा देते हुए। तो आपको लाइफ में पेशेंस, जो पांचवी चीज है, उसको आपको रखना है, धैर्य मतलब। तो इन पांच चीजों को मैंने जो आपको बताया, हार्ड वर्क, एफर्ट, फोकस, प्रैक्टिस एंड पेशेंस, धैर्य, इन पांच चीजों का फॉलो करोगे तो आप देखोगे जो भी आप जीवन में बनना चाहते हो, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, उस चीज से रिलेटेड जो आपकी आशा है, आपकी होप है जीवन के अंदर, वो धीरे धीरे आपकी स्ट्रांग होते जा रही है, मजबूत होते जा रही है, और आपकी काफी तेजी से आप उस चीज में ग्रोथ कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब। और इस तरीके से आप जो भी लाभ बनना चाहते हो उसको प्राप्त भी कर लोगे, और एक ना एक दिन उस चीज में, उस कार्य में, उस गोल में आप सफलता भी हासिल कर लोगे। दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, कि जीवन में कभी भी आप जो भी आप बनना चाहते हो, उस चीज से जो भी आपको आशा है, होप से आपकी उम्मीद है, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, इन पांच चीजों को फॉलो करते हुए। मैं भी आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये नई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी जाइए उन दोनों का प्रेस कर दीजिए, दोनों को दबा दीजिए, ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएं और मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सके, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे, हमें अपने जीवन के अंदर अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, मतलब हमेशा हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, इस टॉपिक पर, इस पॉइंट पर आज हम बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, मतलब कि आजकल के मतलब जो टाइम है, मतलब चाहे वो किसी भी पर्सन के लिए क्यों ना हो, मतलब कि कोई भी चीज हम अपने जीवन में करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो अच्छी चीजों को फॉलो करके ही, मतलब अच्छी अच्छी हैबिट्स को डालकर, अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करके, अच्छी रूटीन बना के, अच्छे नियम बना के लाइफ के अंदर ही हम जो भी हमारे लाइफ का मतलब जैसे गोल है या हमारे लाइफ का ड्रीम है, उसको हम तभी अचीव कर सकते हैं, मतलब क्योंकि अच्छी आदतें होंगी तो अच्छी आदतों से आप अपने आप को अच्छा बना पाओगे, मतलब। तो जैसे आज हम कुछ अच्छी आदतों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, मतलब कि एक सफल व्यक्ति मतलब जीवन में होता है, मतलब वो कैसे अपने लाइफ में मतलब हर हर काम के अंदर फिट कैसे रहता है, परफेक्ट कैसे रहता है, मतलब। और दूसरों के प्रति वो मतलब लोग उसको क्यों चाहते हैं, मतलब लोग उसको क्यों पसंद करते हैं, फ्रेंडशिप करना, मतलब। तो क्योंकि वो उस व्यक्ति ने अपने आप को अच्छी मतलब आदतों को अपनाने के अंदर ढाल रखा है, मतलब अच्छी आदतें कैसे, मतलब। तो अभी स्टार्ट इसमें कुछ हम आज कुछ हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला हो गया मतलब कि जैसे पहले हमारे अच्छे हैबिट हो गए कि जो पहली है वो है कि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहिए। सुबह जल्दी उठने की आप आदत डालोगे और सुबह जब उठकर आप जैसे अगर आप मेडिटेशन वगैरह करोगे या फिर मान लो बाहर वॉक करने भी जाते हो, तो ये सब पूरा सुबह मेडिटेशन उठकर करना या योगा करना या बाहर वॉक पर जाना या रनिंग पर जाना, ये सभी चीजें जो होती हैं बॉडी के लिए हेल्दी होती हैं, मतलब बॉडी के लिए अच्छी होती हैं, मतलब, और काफी लाभदायक होती हैं बॉडी के, मतलब जब अगर आप ऐसे ऐसी हैबिट्स को अपनाते हो अपने हेल्थ के लिए, तो देखोगे कि आपकी जो बॉडी है धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे कि आपकी बॉडी हमेशा ऑलवेज फिट रहेगी, मतलब। और अगर
इस और इसके साथ साथ अगर आप टाइम निकाल कर जिम वगैरह भी जाते हो मतलब, तो वो आपके लिए और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीजें करने से आप हेल्दी रहोगे। लेकिन अगर आप बॉडी मतलब अच्छी खासी मतलब, जैसे बोलते हैं कि आजकल के टाइम में लोग 6 पैक्स बना रहे, 8 पैक्स बना रहे मतलब, तो वो जो कट मिलता है वो आपको जिम जाकर वहां पे अलग अलग जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, चेस्ट बाइसेप्स या लेग वगैरह के मतलब जो भी होता है वो सब मतलब, वहां पर जाकर आप जिम वगैरह भी अगर ज्वाइन कर लेते तो वो भी आपके लिए हेल्थ अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आपकी बॉडी अट्रैक्टिव होगी, अच्छी होगी, तो आपको आपसे लोग टिप्स लेंगे कि आप ये कैसे करते हो और ये, और आप अपने आप को किस किस हैबिट्स में ढाल रखे मतलब, तो लोग आपके उस हैबिट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आजकल आप सभी देखते हैं कि कोई बंदा फिट है, अच्छी खासी बॉडी है उसकी, तो हर बंदा से टिप्स मांगता है या इसके बारे में जानने की कोशिश करता है या उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है। उसी तरफ अगर कोई व्यक्ति मतलब फैटी है मतलब, या अपने आप को फिट नहीं रखता है मतलब, तो लोग सोचते हैं कि अगर वो अपने आप को, उसने गुड हैबिट्स को नहीं रखा होगा या अच्छे आदतों को फॉलो नहीं करता होगा, इसलिए वो मतलब वेट ज्यादा है, या अपने आप को जिम नहीं जाता होगा, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता होगा। क्योंकि हम जब इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तभी हमारे बॉडी का एक्सरसाइज मतलब, बॉडी जो हमारी कंट्रोल में नहीं होती वो वेट से ज्यादा हो जाया करती है मतलब। तो ये तो आपके हेल्थ से रिलेटेड हैबिट्स थे कि आप सुबह उठिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, टाइम मिले तो सुबह जाकर जिम भी जाइए, वहां पे आप जिम वगैरह भी कीजिए मतलब, तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा। दूसरा जो हमारा मतलब हेल्थ से हेल्थ, ये तो हमने पहले अपने हेल्थ की बात की, दूसरी बात करते हैं अच्छे संस्कारों को अपनाना मतलब। अच्छे संस्कारों में क्या आता है कि सुबह उठते ही, जैसे कहा जाता है कि आप धरती पर सो के उठते हो, चाहे वो बेड ही क्यों ना, बेड भी तो जमीन पर रखी हुई है, तो धरती माता को प्रणाम करना कि धरती माता को नमस्कार करना कि माता आपने मुझे एक और नया जीवन मतलब, एक और नया मतलब दिन दिया है मतलब जीने के लिए, मैं अपने आप को और बेटर कोशिश करूंगा, अपने आप को और अच्छा व्यक्ति बनाने की कोशिश करूंगा, और प्रभु का धन्यवाद करना। क्योंकि हम हर एक दिन, हमें हर बार एक नया मौका होता है मतलब, कि हम अपने जीवन में कुछ नया कर सके, कुछ नई चीजों को अचीव कर सके। सुबह उठते ही धरती माता को नमस्कार करना, अपने प्रभु को याद करना जिसको भी आप फॉलो करते हो, जिस भी गॉड को फॉलो करते हो, उसके बाद अपने माता पिता के पैरों को छूना मतलब, माता पिता के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेना, ब्लेसिंग लेना मतलब। क्योंकि हम इस दुनिया में आए तो उन्हीं के थ्रू आए मतलब, और वही हमारे पढ़ाई लिखाई से लेकर, हमारे खान पान से लेकर, हमारे हर हमारे कपड़े कपड़े से लेकर, हमें हर हमारे हर चीज की जो हमारी नीड्स होती है हमारे पेरेंट्स ही पूरी करते हैं। वो यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन में एक अच्छे पर्सन बने, अच्छे व्यक्ति बने। क्योंकि हम अच्छे व्यक्ति बनेंगे, अच्छे पर्सन लाइफ में बनेंगे तो हम आगे जाके एक अच्छी लाइफ जिएंगे, और वो लाइफ जिएंगे जो हमारे पेरेंट्स देखते हैं कि हमने किसी भी कंडीशन में हम मतलब, वो अपने सपनों के साथ सेक्रीफाइस कर लेते हैं कि वो मतलब सस्ते कपड़े पहन लेते हैं या खाने पीने में वो कर लेते हैं कि चलो हम अपने जो हमारे सपने हैं मतलब, वो उसमें वो कटौती कर करके जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के नीड्स को पूरी करते हैं, ड्रेस दिलाते हैं, खाना अच्छा अच्छा देते हैं ताकि बच्चे के पढ़ाई में मन लगे, उसकी जो उसका आहार है मतलब, सही डाइट बना रहे मतलब। तो कहना है मतलब हमें सुबह उठकर अपने पेरेंट्स के पैरों को छूना चाहिए, उनसे ब्लेसिंग लेना चाहिए मतलब। और अगर हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स है मतलब, अगर दादा दादी है, नाना नानी है, उनके पैरों को भी छूना चाहिए मतलब, उनसे ब्लेसिंग लेना चाहिए। क्योंकि जो उनकी ब्लेसिंग होती है वही हमारे जीवन, हमें अपने जीवन में मतलब, जो हम कोई भी काम करते हैं तो ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद होता है, वही उसके ऊपर वर्क करती है मतलब। काम तो हम करते हैं मतलब, लेकिन उसके ऊपर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो, या फिर जो हमसे बड़े होते हैं मतलब, उनके आशीर्वाद ही हमारे ऊपर वर्क करता है मतलब। तो हमें सुबह उठकर अपने से जो बड़े होते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, या घर में जो दूसरे बड़े बुजुर्ग होते हैं मतलब, उनको उनके पैर छूकर उनको ब्लेसिंग लेना चाहिए। और अगर आप जॉब वगैरह करते हैं मान लो, तो सुबह उठकर ब्लेसिंग तो नहीं है, या साथ में घर से निकलने से पहले भी अपने माता पिता के मतलब पेरेंट्स के पैरों को छूइए मतलब, कि आपको ब्लेसिंग, आपके आपके ऊपर दिन भर उनकी ब्लेसिंग बनी रहे। वैसे तो उनकी बनी रहती है, लेकिन फिर भी आपका एक अच्छी मतलब, अच्छी हैबिट्स को अपनाने के नाते मतलब, आपको सुबह उठकर उनकी ब्लेसिंग लेनी चाहिए। तो और जो तीसरी हैबिट्स मैंने बताया कि आपको खान पान के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए मतलब, जैसे अगर आपका पॉकेट मनी मिलता है या कहीं जॉब भी करते हो मतलब, या जो भी कुछ आप करते हो, आपको अगर पैसे हैं मतलब, तो आप उन फूड्स को खाइए मतलब जो आपके हेल्थ से रिलेटेड अच्छा हो मतलब, आपको फिट रखे मतलब, आपको हेल्दी रखे कहने वाले। जैसे फल फ्रूट्स खा लिया, या जूस पी लिया, या ड्राई फ्रूट्स खा लिया मतलब,
तो इन चीजों का आप खाओगे तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। उसके अलावा जैसे अगर जैसे कई लोग ऑयली फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, मतलब जैसे बर्गर, समोसा, टिक्की, चाउमीन या पिज्जा वगैरह, तो ये चीजें कभी कभी टेस्ट के लिए अच्छी होती है, बट इनको हम परमानेंट बेसिस पे खाना मतलब या हैबिट्स में डाल देना ये अच्छी नहीं होती। कभी कभी खा लिया अलग बात होती है, लेकिन इनको खाने के हमें हैबिट्स नहीं होना चाहिए। तो मतलब तीसरी मैंने आपको अच्छी हैबिट्स बताई वो थी, मतलब आपको क्या बोलते हैं जो हेल्दी फूड्स होता है, फ्रूट्स हो गया, कच्चे सब्जियों, सैलेड्स भी होते हैं जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, इनको खाना चाहिए, जूस वगैरह पीना चाहिए, ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, और हेल्दी फूड खाना चाहिए, दाल हो गया, मतलब दाल में भी काफी प्रोटीन होता है खासतौर पर अरहर की दाल पर। तो आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो हेल्दी चीजों को ही खाना चाहिए। और अच्छी, और फोर्थ जो अच्छी हैबिट्स की बात करें, तो आपको मतलब दिन भर काम करने के बाद मतलब टाइम पर सोने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आपको 10-11 बजे तक सो लेना चाहिए, क्योंकि आप 10-11 बजे तक सोओगे, सुबह जल्दी उठोगे, तो क्या रहता है कि एक हेल्दी व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। मतलब अगर आप 10-10.30 बजे सो जाओगे तो आपकी जो नींद है ऑटोमेटिकली मतलब सुबह 6 मतलब 5-6 बजे तक आपकी पूरी हो जाएगी। मतलब तो आप टाइम पर सोओगे तो आप सुबह जो आपकी हैबिट है मतलब जल्दी उठने की उस पर आप उठ पाओगे, मतलब आप उस पर या फिर आप जो भी आपकी रूटीन होता है डेली का उसको कर पाओगे। मतलब तो कहने का मतलब आपको रात को जल्दी सोने की हैबिट को भी अपनाना चाहिए, इसको आप डालो तो आप जो आपका डेली का जो रूटीन है काम करने का, मतलब इसको आप देखोगे कि आप उस रूटीन में परफेक्ट बैठ रहे हो, और मतलब आपकी जो बॉडी है आपको आपकी जो बॉडी हेल्दी है क्योंकि आप हर चीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हो कहने का मतलब। और उसके अलावा दूसरी बहुत सारे अच्छे आते हैं, मतलब कि अपने फ्रेंड्स जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं मतलब उनके साथ अपनी दोस्ती बनाए रखना, मतलब उनकी हेल्प करना, मतलब जो अपने से कमजोर है हमें कोई चीज की पूछते हैं, मतलब और अगर हमारी हमारे पास उस चीज की नॉलेज है तो उसकी उनको उनको उस चीज में उनकी हेल्प करना कहने का मतलब, ताकि उनको वो जानकारी प्राप्त हो सके। मतलब जो भी आपके पास अच्छी चीजें हैं शेयर करने वाले उनको दूसरों तक फॉरवर्ड कर देना या दूसरों तक शेयर करना, ताकि वो जानकारियाँ वो ज्ञान वो दूसरे लोगों तक पहुँच सके जिनको जिन तक वो ज्ञान नहीं पहुँचा है। मतलब तो इन हैबिट्स को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको, आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, तो अभी जाइए और आप उन रेड सब्सक्राइब बटन पर उसके साथ में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएं, मेरे आने वाले हर नए वीडियोस का आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कभी भी हार नहीं मानना चाहिए जीवन के अंदर, मतलब कभी भी आप हार मत मानो जीवन के अंदर। तो इस टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे। और तो आगे बढ़ते हैं हमारी आज के इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि जो आजकल हमारा जो विश्व है, मतलब जो हमारा वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग मतलब स्टेटस से बिलोंग करते हैं। जैसे हम कई लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, कई मिडिल क्लास के नॉर्मल, कई सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं कहने का मतलब। तो जब कोई मतलब इस दुनिया के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी स्टेटस मतलब चाहे रिच फैमिली, रिच मीडियम नॉर्मल या सिंपल फैमिली में पैदा होता है, मतलब तो पैदा होने के बाद जब वो पैदा होता है मतलब तो कहा जाता है कि उसकी जो कोई भी बच्चा होता है मतलब उसकी 1 से जो 3 साल तक की जो एज होती है, मतलब इस एज में वो खाना पीना सीखता है, उसके दांत निकलते हैं, चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है, मतलब तो ये जो 1 से 3 साल तक की जो एज होती है इस एज में वो यही सब चीजें सीखता है, बोलना चलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, दांत वगैरह निकलते हैं, चलना फिरना सीखता है। इस तो ये 1 से 3 साल तक इन चीजों को सीखता है, लेकिन जैसे ही वो
चौथे साल में प्रवेश करता है तो वो उसके जो वर्ड्स होते हैं, मतलब बोलने में उसके धीरे धीरे जो वर्ड्स क्लियर होने लगते हैं, बोलने का मतलब उसका सही उच्चारण करने लगता है बोलते वक्त, चलने भी लगता है मतलब, और चीजों को समझने भी लगता है कहने का मतलब, और खाने पीने भी लगता है। तो जब वो चौथे साल में प्रवेश करता है तो उस बच्चे को मतलब, जैसे हमारे भारत देश में दो तरह के स्कूल होते हैं, एक होता है एक गवर्नमेंट स्कूल जिसको 1 से 5वीं तक, फिर 6ठी से 10वीं या 12वीं तक जिसको हम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी भी कहते हैं, 6ठी 10वीं तक सेकेंडरी बोलते हैं, और 6ठी से 12वीं तक होता है वो होता है सीनियर सेकेंडरी। दूसरे होता है प्राइवेट स्कूल जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर केजी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकेंड, और इस तरीके से आगे की क्लास 12th तक होती है। इसके बाद फिर 3 साल का कॉलेज होता है, और कॉलेज के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है, मास्टर डिग्री, मास्टर कोर्स बोलते हैं, मास्टर डिग्री। तो जब उस बच्चे को छोटी क्लास में डाल देता है नर्सरी क्लास के अंदर, तो उसमें पढ़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो कि ऐसा कहा जाता है कि 3 साल चौथे 4 साल से लेकर जो 13 साल तक की जो होती है किसी भी बच्चे की हो, वो एक चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपना का टाइम होता है। तो मतलब स्कूल में पढ़ना तो स्टार्ट कर देता है, और हर साल अपनी अपना मतलब मेहनत करते हुए पढ़ाई करते हुए बाकी क्लासों को भी पास करता हुआ चला जाता है। लेकिन क्या बोलते हैं जब वो और लेकिन इस उम्र में एक्चुअली होता क्या है कि जब वो बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो ज्यादातर उसका जो टाइम होता है मतलब उसका जो मन होता है मतलब वो खेलने कूदने में उसका मन लगता है, मतलब हम उम्र के बच्चों के साथ खेलता कूदता है, मतलब चाहे उसके क्लास के अंदर हो, चाहे स्कूल के अंदर हो, चाहे उसके घर में क्यों ना हो, चाहे उसके गली में क्यों ना हो। घर में हो सकता है कि बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, चाचा होता हो, मतलब उसमें भी हम उम्र के उसके बंदे दिख जाए, मतलब बच्चे दिख जाए, तो हम उम्र के बच्चों के साथ ही रहना पसंद करता है, खेलता कूदता है। कई बार खेलते कूदते समय मतलब चोट भी लग जाती है, मतलब कहीं भी कुछ टाइम के लिए और होता है, लेकिन फिर से वापस पुराने वाले मोड में आके फिर से खेलना कूदना स्टार्ट करता है, चाहे उसके कपड़े क्यों ना गंदे हो रहे हो, बाल मिट्टी क्यों ना लग रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, सिर्फ वो खेलता है, मतलब खेलने कूद में ज्यादा उसको एंजॉयमेंट मिलती है। लेकिन जैसे ही वो 14th ईयर में कंप्लीट करता है, 14वें साल में उतरता है मतलब बढ़ता है, तो धीरे धीरे उस एज से एक्टिव चाइल्डहुड टाइम खत्म हो जाता है, फिर उसका मतलब चीजों को समझना शुरू कर देता है, मतलब कि क्या गलत है क्या सही है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे कपड़े गंदे नहीं करना है, मतलब अच्छा बुरा में फर्क करना सीख जाता है कहने का मतलब, और फिर धीरे धीरे वो आगे की जो अपनी पढ़ाई होती है पूरी करता है, और फिर वो आगे रहकर फिर देखता है मतलब अपनी फैमिली के अंदर भी कि जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब जैसे चाहे वो दादा हो या नाना जी हो, मतलब वो भी अपने समय मतलब किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के उन्होंने पूरा लाइफ टाइम तक काम मतलब अपना अपने लाइफ में काम किया और घर को संभाला, और जो मेरे फादर हैं वो भी आज किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के वो भी हमारे मतलब हमें अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, हमें किसी काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरे घर को भी संभाल रहे हैं, मतलब तो कहने मतलब वो इन चीजों को समझ जाता है कि जब कॉलेज में पढ़ता है मतलब कि आगे जाके मुझे भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाना पड़ेगा, मतलब क्योंकि मुझे भी आगे जाके अपने फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा और घर की जिम्मेदारियों को भी उठाना पड़ेगा। तो फिर वो जैसे आगे बढ़ने के लिए उसको किसी ना किसी मतलब फील्ड मतलब जिसमें वो बनना चाहता है उसको अपना एक ऑप्शन लेना पड़ेगा, मतलब या किसी फील्ड को चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही बात आती है कि जब हमारे सामने ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आजकल हमारे सामने ऑप्शन बहुत सारे हैं अपना मतलब किसी फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए, जैसे कि मान लो फोटोग्राफी हो गया, सिंगिंग, डांसिंग, और लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, और दूसरे मान लो जैसे किसी बॉडी अच्छी होती है, हाइट अच्छी होती है मतलब, तो जिम ट्रेनर बन जाते हैं, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, और कई लोग आर्मी भर्ती हो जाते हैं कहने मतलब, और दूसरे भी बहुत सारे आजकल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, अगर गूगल पे सर्च करें तो हमारे पास आजकल मतलब करियर बनाने के लिए फील्ड जो होता है बहुत सारे अवेलेबल है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि कई लोग उस चीज में मतलब दुविधा में रहते हैं कि हम कैसे इस चीज में बने, कैसे इस चीजों में माहिर बने, मतलब तो उनको लगता है कि चीज काफी डिफिकल्ट है, मतलब उसको करने में काफी मेहनत लगेगा, मतलब काफी सोचते हैं और उनको लगता है कि हम उसको कर ही नहीं पाएंगे, मतलब वो उसमें इंटर करने से पहले मतलब उस चीज में मतलब प्रैक्टिस करने से पहले या उसको थोड़ा सा जानने से पहले क्विट कर देते हैं या कोशिश नहीं करते, हार मान लेते हैं कहने मतलब। तो यहाँ पर हमारी बात आती है, हार नहीं माननी चाहिए मतलब, क्योंकि अगर आप हार मान लोगे तो जो भी आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं उसको, जो आपका ड्रीम है मतलब, मान लो आपने किसी भी ड्रीम को सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये बनना है, लेकिन आपने उसकी जब आपको ये पता लगा कि जब आपने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उसके ऊपर चलना मतलब उस पर मेहनत करना, उसको प्राप्त करना, उस पर फोकस करना बहुत डिफिकल्ट है, और आपको लग रहा है कि मैं ये चीजें नहीं कर सकता, तो कहने मतलब आपने पहले उस चीज को क्विट कर दिया मतलब गिव अप दे दिया, आपने हार मान ली मतलब।
तो आपको ऐसे मौके पर हार नहीं मानना चाहिए। जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो, मतलब जो या कुछ करना चाहते हो, किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप चार पांच चीजों को अगर जानोगे और उनको फॉलो करोगे, तो आप जरूर एक ना एक दिन अपने लाइफ में जो भी आपका ड्रीम है आप उसको प्राप्त करोगे हार नहीं मानते हुए। तो जो पहली चीज है वो है आपको हार्डवर्क करना चाहिए। जो भी आपने अपने लाइफ में ड्रीम या आपका जो गोल है या आपका टारगेट उसको सेलेक्ट कर रखा है, उसके ऊपर आप हार्डवर्क कीजिए, जो पहला है हमारा। दूसरा है हमारा, आपको उसके ऊपर पूरा फोकस रखना पड़ेगा कि आपको उसी चीज के बारे में सोचना है ऑलवेज टाइम। तो पूरा फोकस आपको उसी चीज के ऊपर करना है, वो पूरा फोकस होगा तो आप अच्छे से शुरू कर पाएंगे। तीसरा जो हमारा है वो है आपको पूरा पूरा एफर्ट उसी ड्रीम के ऊपर देना, उसी गोल के ऊपर देना है। मतलब तो इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे उसमें आपको रिजल्ट भी दिखने लगेगा। जो चौथी चीज है वो है आपको इस चीज, जो भी आपका टास्क या वर्क या आपको असाइनमेंट दिया रहता है, आपकी ड्रीम उस प्रोजेक्ट के अंदर जब आप उसमें घुसते हो, मतलब जो भी आपका लाइफ का गोल है, मतलब तो उसके ऊपर आपको पूरी की पूरी बहुत मतलब लंबे टाइम तक प्रैक्टिस भी करते रहनी है। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप जान पाओगे वो चीज अच्छी है बुरी है, आप उसको अच्छे से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। मतलब प्रैक्टिस करने से व्यक्ति को पता चलता है कि हम कितने परसेंट उस चीज में परफेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि इंग्लिश में कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को किसी भी काम में परफेक्ट बनाती है। लेकिन आपको उस चीज की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी काम हो या कोई भी वर्क क्यों ना हो। और जो पांचवी और लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज है वो है पेशेंस, यानी धैर्य को रखना। आप जब कोई भी काम कर रहे होते हैं, मतलब तो एक बार एक्चुअली क्या होता है, मन नहीं लगता है, थोड़ा सा करते हैं तो फिर थोड़ा सा मैं वो लगता है, अगर मैं रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमें मन में वो फील होने लगता है कि अरे हम इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं बट उसमें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो वहां पे हम उसको फिर क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब तो क्योंकि हमारे 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 अंदर मतलब पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता, थकते हैं कि हम थोड़े थोड़े मतलब कुछ कुछ टाइम में हमें वो चीज हम हासिल कर रहे हैं, थोड़े समय में भी हम उस चीज को अपना परफेक्ट हो रहा है उस चीज के अंदर कहने में। मतलब तो कोई भी जो बड़ी चीज होती है, खासतौर पर अगर बड़ा ड्रीम है, मतलब जिसको अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तो कुछ मिनटों में, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में नहीं हो सकता, कुछ सालों में भी नहीं हो सकता। एवरी गुड थिंग इन द लाइफ इट विल टेक टाइम टू अचीव। मतलब आपको जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना है उसको आपको अचीव करने में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आपको गिवअप नहीं देना है। तो पांचवी चीज थी वो थी आपको पेशेंस रखना है। तो पहले हार्डवर्क, दूसरी एफर्ट, तीसरी फोकस, चौथी प्रैक्टिस, और पांचवी पेशेंस, यानी आपको ध्यान रखना है। इन चार पांच चीजों को फॉलो करोगे, जब जो भी आपका लाइफ का ड्रीम है, सपना है, गोल है, मतलब आप देखोगे कि आप अब हार नहीं मानोगे और इन पांच चीजों का फॉलो करोगे तो आपके लिए वो चीज इजी हो जाएगी जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हो। और अब देखोगे कि आप हार नहीं मानोगे उस जगह पर, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा, सीक्रेट पता होगा कि हम कैसे इसे अपने ड्रीम को, अपने गोल को, अपने लाइफ के टारगेट को अचीव करेंगे। तो आपको अपने जीवन में हार नहीं मानना है इन पांचों सीक्रेट्स को फॉलो करते हुए। और आप इन पांचों सीक्रेट्स को फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि बिना हार मानते हुए आप अपने लाइफ में, अपने लाइफ का जो आपके जीवन का जो लक्ष्य है, गोल है, आपका टारगेट, आप उसको अचीव कर पा रहे हो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का नया वीडियो। तो जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि मैं मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे दो बटन दिख रहे होंगे, एक रेड सब्सक्राइब बटन, एक बेल वाला आइकन, दोनों को जाकर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आप इस चैनल से कनेक्ट हो जाए, मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सके, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे आलस्य का त्याग करें। हमारे आज का जो टॉपिक है वो है आलस्य का त्याग करें जीवन के अंदर। तो दोस्तों इसी टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आलस क्या होता है, आलस का हमें त्याग करना चाहिए अपने जीवन के अंदर। आलस होता क्या है पहले हम इसके बारे में जानेंगे। आलस होता है जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं, मतलब तो काम करने में क्या होता है कि हमें उस काम को करने में और जैसे 1 या 2 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे बाद क्या होता है कि हमें आलस आने लगता है कि मतलब अरे बहुत ज्यादा मैंने आज काम कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, बाकी का जो पेंडिंग काम है मैं कल कर लूंगा। दूसरा ऑप्शन में आपको दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो जैसे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स के जो छोटे मतलब जो क्लासों में बच्चे पढ़ते हैं या बड़े क्लासों में पढ़ते हैं, तो एग्जाम सभी को पता है कि मार्च, फरवरी मार्च में एग्जाम वगैरह होगा, तो
पृथ्वी बारहवीं के भी जो एग्जाम होते हैं वो फरवरी मार्च में होते हैं, मतलब 12वीं तक की जो पढ़ाई होती है फरवरी मार्च में होती है। और जो कॉलेज में बंदे पढ़ते हैं, जैसे कि आजकल सेमेस्टर सिस्टम चलता है कॉलेजों के अंदर, जैसे पहले साल में एक ही बार एग्जाम होता था, अब क्या होता है साल में दो एग्जाम होते हैं सेमेस्टर के हिसाब से, 3 साल में 6 सेमेस्टर होते हैं। तो पहला सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है वो हर वो किसी भी ईयर में क्यों ना वो होता है नवंबर दिसंबर में, और जो सेकेंड होता है वो होता है अप्रैल मई में होता है। तो इस तरीके के एग्जाम वगैरह होता है। तो मैं आपको इन चीजों की बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मान लो जैसे स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज का हो या स्कूल का हो, मतलब तो उसको उसको पता होता है कि मतलब मेरा एग्जाम तो अगले साल है इस टाइम में, मतलब या मान लो कोई तो एक्चुअली जो हमें हमारे जो सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उसकी जो प्रिपरेशन करनी होती है, तैयारियां करनी होती है, तो हर हर सब्जेक्ट में 10 10 15 15 चैप्टर, जो हमें हर चैप्टर को रीड करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, फोकस करना है उसको अच्छे से, उसकी अच्छे से तैयारियां वगैरह करनी है। तो दिमाग क्या कहता है जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, अरे जैसे दिमाग में यही एक चीज उठता है कि हम पढ़ने के लिए बैठते हैं कि अरे हम इस क्लास के अंदर है, हमारे यही सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, लेकिन अभी तो अगस्त वगैरह के टाइम में जब हमारी पढ़ाई चल रही होती है तो हम लेकिन हमें फाइनल एग्जाम तो देना ही है, मतलब अगले साल जाकर फरवरी में, या जो बीच में एग्जाम्स वगैरह होते हैं। तो जब एग्जाम वगैरह होता है तो बच्चे खास तौर पे वो मतलब पहले से प्रिपरेशन ना करते हुए, एग्जाम के प्रिपरेशन ना करते हुए आलस को मतलब आलस को फॉलो करते हैं, मतलब आलस का मतलब जीवन में उसको अपना हैबिट बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि अरे अभी तो एग्जाम को 2 महीने है, कल से कर लेंगे, फिर ऐसे कल से कर लेंगे कल से कर लेंगे, और आलस करते हैं। फिर डेली किसी न किसी काम में बिजी हो जाएंगे, दोस्त के पास चले गए, डेली का कोई फ्रेंड हो गया, कोई फैमिली का काम आ गया, या किसी फैमिली के मेंबर के पास चले गए, तो फिर कोई डेली कुछ कुछ ना कुछ एक्सक्यूज को देते हुए हम कल कर लेंगे कल कर लेंगे, और इस तरीके से हम अपने अंदर उस आलस को और ज्यादा बनाते जाते हैं। फिर तो फाइनल एग्जाम भी आने वाले होते हैं मान लो, तो उस हम ये बोलते हैं अरे तो 3 अभी 5 6 महीने एग्जाम में हम कल से अच्छे से तैयारी करेंगे, हम कल से अच्छे से तैयारी करेंगे, फिर डेली कुछ ना कुछ काम करते हुए हम उसको पोस्टपोन मतलब अगले दिन फिर फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एकदम से लास्ट का एट 1 महीना रह जाता है, और पता चलता है कि हमने तो कुछ तैयारी की ही नहीं, या हम 1 2 चैप्टर की पूरे साल में तैयारी की। फिर हम पर प्रेशर क्या होता है, मतलब कि हम फटाफट हर सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जल्दबाजी में उन चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छे से उन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हमारा अच्छे से उन पर फोकस नहीं होता जब हम उन सब्जेक्ट्स की तैयारियां वगैरह करते हैं, मतलब तो और जब अच्छे से तैयारियां वगैरह नहीं करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते हैं, उन चीज़ों की तैयारी करने में अपना पूरा एफर्ट नहीं देते हैं, और उन चीज़ों को मतलब अच्छे से तैयारियां करने का हार्डवर्क नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाते, अच्छे से वो हमारी तैयारी नहीं हो पाते। फिर हम जो एग्जाम वगैरह होते हैं जल्दबाजी में जाकर अपने एग्जाम वगैरह देते हैं, उससे फिर क्या होता है कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते, कम मार्क्स आते हैं, या हम जितने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम तो 70 80 या 90 ले आएंगे उतने नहीं आते, 40 40 50 आ जाते हैं, और बाद में जाकर फिर बहुत दुख होता है कि मतलब कि काश हमने उस टाइम आलस आलस नहीं किया होता, उस टाइम आलस का त्याग किया होते हैं, और हमने स्टार्टिंग से ही अगर उस सब्जेक्ट की पढ़ाई वगैरह की होती मतलब, तो हमें आज ये इतने हमारे कम मार्क्स नहीं आते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ, तो जब मैं 12th वगैरह में था तो मेरा टारगेट था मेरे को 70 से ऊपर लेके आना है, तो उस टाइम जो मेरे सब्जेक्ट जो मेरे डिफिकल्ट लगते थे वो इकोनॉमिक्स लगते थे, क्योंकि मैं आर्ट साइड से था, मतलब मेरे को इकोनॉमिक्स होता था और हिस्ट्री होता था और पॉलिटिकल साइंस होता था, उसके अलावा इंग्लिश हिंदी होते थे, लेकिन दो मेरे 3 सब्जेक्ट थे, इन 3 सब्जेक्ट को मैं डेली मतलब शाम को आने के बाद ट्यूशन नहीं पढ़ता था, लेकिन डेली मैं रात के टाइम 10 से लेके 1 बजे तक डेली इन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करता था, उनको पढ़ता था, उनको समझता था, उनको लिख लिख कर याद करता था। देन जाके मतलब जब मैंने इस चीज को रूल को अगस्त से लेके मतलब फरवरी जब तक मेरा एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ तब तक मैंने इस चीज को फॉलो किया और फिर मेहनत किया, तब जाके मेरे 70 से ऊपर मार्क्स आए मतलब, और मेरा गवर्नमेंट स्कूल भी था मतलब, तो कहने का मतलब तो मैंने इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई, प्लान बनाया, तो मैंने अच्छे मार्क्स लेके आया। तो आप लोगों को भी अगर आप इस तरीके का जैसे मैंने अपना स्ट्रेटेजी के बारे में बताया कि डेली जो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगता हो उसको आप ज्यादा टाइम दो, उसके उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो, उस पर ज्यादा फोकस करो, और जब हमें कोई भी चीज लाइफ में करना होता है किसी भी काम को, तो हमें आज मैं आपको वो 5 रूल्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जिनको अगर आप फॉलो करोगे आलस को त्यागते हुए, तो आप हर उस काम में हर उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला पाओगे और उस काम में सफलता प्राप्त कर पाओगे। तो पहला हमारा रोल है वो है हार्ड वर्क,
अगर आप एग्जाम वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो कॉलेज का हो, स्कूल का हो, या किसी भी चीज़ का, हार्डवर्क करने की जरूरत है उन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर। दूसरा, आप कौन सी जगह पर फोकस करने की आवश्यकता है, फोकस आप करोगे तभी आप उस काम को हार्डवर्क करके अच्छे से कर पाओगे, फोकस। तीसरा, आपको अपना पूरा पूरा एफर्ट देना पड़ेगा उस काम को करने के लिए, तो आपको अपना एफर्ट पूरा पूरा देना है, प्रयास पूरा करना है। चौथा, आपको उन सब्जेक्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करते ही रहनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप देखो कि आप कितने कितने परसेंट ओके हो चुके हो, और प्रैक्टिस करने पर आप फिर अपने को प्रैप और चेक करोगे कितने परसेंट आप ओके हो या नहीं हो। फिर जितने परसेंट आप ओके हो उसको छोड़ो, उसको अपने दिमाग में रखो, और जो बाकी का जो परसेंटेज की कमी है उस पर और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और पांचवीं चीज, जहाँ से इन चीज़ों को करने में टाइम ज़्यादा लगे, समय ज़्यादा लगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दो, पेशेंस रखो, पांचवीं चीज़ ध्यान को रखो, तो आपको जो भी अपने सब्जेक्ट की तैयारियां वगैरह करनी है, प्रिपरेशन वगैरह करना है, इन पांच रूल्स को फॉलो करते हुए आप उन सब्जेक्ट की तैयारियां करो, उन सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन करो, मतलब तो आप देखोगे। और आलस को उस जगह पर लेकर नहीं आना है, अगर आपको कि आप ये दिन में मानो कि मेरे को हर सब्जेक्ट का एक एक दिन में डेली एक एक चैप्टर पढ़ना है, तो उन आपका अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रांग रखो, और उन पांच रूल्स को फॉलो करते हुए उन रूल्स को आपकी डेली एक्टिविटीज से डिवाइड करो, प्लान बनाओ, और उन चीज़ों को डेली फॉलो करो, ना कि आलस को फॉलो करते हुए, आलस को मतलब अपने आप को आलसी ना बनाते हुए, अपने अंदर आलस को त्याग करते हुए उन सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम दो। मतलब इस तरीके से जब हम कहीं जॉब वगैरह भी करते हैं तो कोई बहुत समय काम दे देता है, वो काम होता है कुछ टाइम के लिए, मतलब हमें कुछ समय में कंप्लीट करके देना हो, कि एक दो हफ्ते या तीन हफ्ते एक महीने के अंदर, तो उसमें भी हमें कई बार ऐसा आलस आता है कि अरे बॉस ने एक महीने का टाइम दिया है, अभी कल करें कल करें कल करेंगे, या तो इस तरीके से कल करते तो हमारे आलस आ जाता है, आलस आता है तो हम उस काम को करते नहीं है, कल पर फॉरवर्ड कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, तो वहां पर भी एकदम से वो प्रेशर आ जाता है हमारे पास काम का, बॉस जो हमें काम दिया होता है, तो हम जल्दबाजी में उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, और एंड में फिर क्या होता है, उस काम में हमें अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती, और बॉस भी हमें काफी गुस्सा होता है, मतलब कि हमने उनको टाइम पर पूरा काम करके नहीं दिया, या वो हमसे जितनी उम्मीद कर रहे थे हमने उतने लेवल तक का काम करके उनको नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो, कि अगर आपको जो आलस है, मतलब जो कि सुबह उठने में आलस होता है कई बच्चों को, मतलब स्टूडेंट्स को, कि सुबह जब मम्मी पानी डालती है ऊपर आपके ऊपर तब आप उठते हो, या कई लोग वॉशरूम में जाकर मतलब बैठे रहते हैं, मतलब तो सोचते हैं कि आप मम्मी ऐसे में लेट हो जाऊंगा फिर स्कूल भी जाना पड़ेगा, तो सुबह के टाइम कई लोग लेट भी उठते हैं, मतलब या सुबह नींद क्योंकि सभी को आती है, तो आपको क्योंकि आप स्कूल जाना है या जॉब पर जाना है या कॉलेज जाना है, मतलब उस टाइम में आलस आता है, मतलब तो हमें उस टाइम भी अपने आलस को त्याग करते हुए जो हमारा डेली रूटीन का काम है हमें उसको करना ही चाहिए। कहने वाला आलस जो होता है किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है जीवन के लिए, और जीवन में हम कुछ बनना चाहते हैं उसके लिए भी जो भी आलस, अगर आप आलस का अपनाए रखोगे तो आप उन चीज़ों को कर नहीं पाओगे और आपको निराशा ही हाथ में लगेगी। तो आलस का त्याग करो, और जो मैंने पांच रूल्स बताए उनको फॉलो करो, जो भी आप लाइफ में आपके सब्जेक्ट वगैरह या जो भी आपका ड्रीम है उन पर उन चीज़ों को लेकर चलो, और कोशिश करो जो भी आप बनना चाहते हो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए नॉलेज और नए मोटिवेशन वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे दिए गए एक रेड सब्सक्राइब बटन पर साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उसको प्रेस करके मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज को आप देख सके, उनसे कुछ सीख सके और लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कि डोंट टॉक विद फोन व्हेन यू आर वॉकिंग आउटसाइड, मतलब लाइक आप फोन को, मतलब जैसे आप बाहर कहीं चल रहे हो या कहीं वॉक कर रहे हो, मतलब तो आपको उस समय मतलब जो फोन को इस टाइम यूज नहीं करना है, मतलब आपको टोटली उस टाइम जो आप करंट वर्क कर रहे हो, मतलब उस टाइम उसी पे प्रैक्टिस करनी है, मतलब वो सॉरी उस पे आपको फोकस रखना है, मतलब जो भी आप एक काम कर रहे हो, कहने का मतलब जब आप रास्ते में चल रहे हो या पार्क में चल रहे हो या गली में चल रहे हो, मतलब तो जैसे कई लोग क्या होता है कि अपने हाथ, क्योंकि आजकल हर समय अपने टाइम सोते हुए भी, रास्ते में जाते हुए भी, ऑफिस के अंदर भी, मतलब हर समय अपने पास फोन रखता ही है, खासतौर पर स्मार्टफोन रखते ही है, मतलब तो कई लोग होता है जब बहुत सारे काम, मतलब अलग अलग एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं, मतलब जैसे
जैसे मान लो रास्ते में चल रहे हो उस टाइम पे कान में ईयरफोन लगा के, मतलब जैसे वो बात करते जा रहे हैं तो ऊपर ही होता है कि हाँ मैं पहुंचने वाला हूँ, मैं यहाँ पे हूँ या वहाँ पे हूँ, मतलब इस तरीके से उन लोगों को बता रहे होते हैं। तो एक्चुअली आप हम बता तो रहे होते हैं फोन के अंदर, है ना, लेकिन आपको नहीं पता कि अभी आप रास्ते में चल रहे हो, गली में चल रहे हो या पार्क में चल रहे हो, है ना। तो इससे कई सारे चीजें, कई सारे प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, मतलब। तो उन्हीं प्रॉब्लम के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, मतलब। तो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी हम मतलब जब हम फोन तभी यूज करें, मतलब जब हम किसी जगह पर निश्चिंत होकर उस काम को पूरा कर सके, ना कि हम फोन पे मतलब वॉक भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, रिप्लाई भी कर रहे हैं। मतलब कई लोग जब वॉक करते हुए बात भी कर रहे हो और चैटिंग करते हुए रिप्लाई कर रहे होते हैं, जब लोग या तो कहीं ऑफिस से मैसेज आ रहा होता है, दोस्तों का मैसेज या किसी काम का मैसेज आ रहा होता है, तो चलते हुए पार्क में वॉक करते हुए या गली में चलते हुए रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, मतलब। तो ऐसे कई सारे जगहों पर इस तरीके की जब हम हैबिट्स को रखते हैं तो कई सारे प्रॉब्लम्स वगैरह भी आ सकती हैं। तो उन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहले प्रॉब्लम्स ये जो होती है, मतलब गड्ढे आने के चांसेस होते हैं। पहला जैसे मान लो आप जैसे पार्क वगैरह हो गया, कहीं कहीं बारिश के टाइम में या कहीं भी, मतलब जैसे प्रोग्रेस मतलब पार्क का मतलब निर्माण या कहीं कुछ हो गया, तो कुछ ना कुछ खुदाई का काम या डेवलप का काम चल रहा होता है। आप अगर जैसे फोन लेके अगर आप पार्क में जैसे वॉक कर रहे हो, मतलब, तो वॉक करते हो क्या आपका ध्यान तो या तो फोन पे आप बात कर रहे हो, मतलब आपका ध्यान तो बात करते हो उस बंदे को समझाने में या बताने में, और आप नीचे की तरफ नहीं देखते हो, नीचे कोई गड्ढा आ गया, आप मैसेज में रिप्लाई कर रहे हो, तब कोई, क्योंकि आप जो ध्यान है वो रिप्लाई करने में है, उस समय कोई गड्ढा आ गया आपके पैरों की तरफ, क्या होगा, आप उससे टकरा जाओगे। और जब टकरा जाओगे मतलब, तो टकराने से क्या होगा कि आप गिर सकते हो, और गिरने से क्या है कि आपका फोन भी इधर उधर हो सकता है, मतलब गिर सकता है, और जब गिरोगे तो आपको चोट वगैरह भी लग सकती है, मतलब। तो अगर गड्ढा आपको मिल गया, मतलब, तो आप गड्ढे में गिरोगे आपको फिर शरीर में कहीं चोट लग सकती है, आपको मोबाइल भी गिर सकता है, मतलब। और ये जो होगा अच्छा नहीं होगा, मतलब, क्योंकि आपको चोट वगैरह लगी तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, मतलब। फिर आप डॉक्टर वगैरह के पास जाओगे या किसी मलहम पट्टी करवाना, कहने का मतलब। तो पहला हो गया हमारा गड्ढे वगैरह आने के चांस होते हैं। दूसरा कहीं जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा पार्क के साथ ईंट वगैरह ऐसे रखे हुए होते हैं या सेपिंग में रखे होते हैं, कहीं जहाँ पे मतलब अचानक से कहीं कहीं पे ईंट वगैरह आ सकता है, कहने का मतलब, चाहे वो सड़क हो, पार्क हो या मतलब गली क्यों ना हो। तो आप अगर चैटिंग करते हुए रिप्लाई कर रहे हैं या बात करते हुए रिप्लाई कर रहे हैं या गाना भी सुन रहे मान लो, है ना, आपका उस जो आप कर रहे हो, आप वॉक तो कर रहे हो बट आपका जो दिमाग है उस जगह पर कॉन्सेंट्रेट है, रिप्लाई करने में, मैसेज को रिप्लाई करने में, कॉल पर आपको उस बंदे को बताने में या म्यूजिक सुनने में। तो आपका जो पैर में ईंट वगैरह से आप हिट हो गए तब भी आपको गिरने के चांस होंगे, और जब गिरोगे तो फिर से आपको वही चीज है, आपका मोबाइल गिर सकता है, आपको चोट लग सकती है और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, जो कि अच्छा नहीं होगा, मतलब। क्योंकि चोट वगैरह किसी को लगना, दर्द होता है फिर, मतलब, तो इससे परेशानी आने, मतलब बॉडी को ही प्रॉब्लम होती है, कहने का मतलब। और तीसरा जो रीजन है वो ये है कि जब हम इस तरह करते हैं तो कई बार क्या होता है, जैसे बरसात के टाइम में या पार्क वगैरह में जैसे पान जो वहाँ माली देख रेख करते हैं तो वो पानी डालते हैं चारों तरफ, तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, वहाँ पानी जाके फिल हो जाता है। या बरसात के टाइम में जब पार्क वगैरह में बारिश होती है या सड़कों पर छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, पानी फिल हो जाता है। तो अगर आप पार्क में वॉक कर रहे हो या गली में भी, जैसे रोड के किनारे फुटपाथ होता है तो वॉक कर रहे होते हैं, गली में कई लोग जिनके आस पास पार्क नहीं होता वो गली में ही वॉक करते हैं, तो अगर आप उस समय भी चैटिंग का मतलब मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, उस टाइम पे अगर आपको उसी पैर में मतलब आपका आपका जो पैर है अगर उस गड्ढे के अंदर चला गया, गड्ढे में चला जाएगा तो पैर स्लिप होगा, क्योंकि गड्ढे में पानी होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके पैर स्लिप होने के चांसेस होंगे। अगर पैर स्लिप होगा तो हो सकता है कि आप गिरो, और आप गिरोगे तो आपके जो फोन है क्योंकि पानी वगैरह है तो इससे मतलब वो जो आपका मोबाइल है मतलब, तो उस गड्ढे में जाकर गिर सकता है, और मोबाइल गड्ढे में गिरेगा तो आपका मोबाइल डैमेज होने का चांस होगा। तो ये अभी पिछले साल एक इंसिडेंट हुआ था मेरे घर के आसपास, की पता चला मतलब किसी घर के मेंबर ने बताया कि कोई मतलब दो गली छोड़ के मतलब कोई दीदी थी, मतलब वो रास्ते में जा रही थी, किसी किसी का अर्जेंट फोन आ रहा होगा तो उसको रिप्लाई कर रही थी, लेकिन वही जब रिप्लाई करते हुए ज्यादातर जैसे मोस्टली लड़कियां या लेडीज सैंडल वगैरह पहनती हैं, तो बात करते हुए उन्होंने नीचे की तरफ ध्यान नहीं दिया, मतलब, और ध्यान नहीं दिया,
कुछ टाइम बाद चलते हुए एकदम से गड्ढा आया और गड्ढे में उनका पैर पड़ता है जो पानी वाला था, वो उनकी बॉडी इनबैलेंस हो गई, मतलब क्योंकि बैलेंस ही ना पाया गड्ढा नहीं होने से, और जो मोबाइल था वो हाथ से छूट के पानी के अंदर चला गया। पानी थोड़ा सा था लेकिन बॉडी तो मोबाइल तो छोटा सा ही होता है, उसमें एक बार जब पानी गया तो मोबाइल से पूरा पूरा डैमेज ही। उसको ठीक करा और ठीक कराएंगे तो मतलब पैसे लगेंगे, कहने मतलब गड्ढे में भरा हुआ पानी के कारण आपका एक तो आपको चोट अलग लगी, उससे आपको प्रॉब्लम अलग हुई, दर्द वगैरह अलग हुआ, और जो चौथा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा आपका, अगर आपने उस टाइम फोन हाथ से अगर आपके स्लिप हो गया, फिसल गया, तो वो कहीं भी गड्ढे वगैरह में या पानी जहाँ पे भरा वहाँ पे गिर सकता है, टूट सकता है, जिसकी वजह से आपका जो चौथा नुकसान है वो है आपका मोबाइल डैमेज हो सकता है, आपका मोबाइल खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपको उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी, जो भी मोबाइल वगैरह आपके घर के आसपास ठीक करते हैं मतलब। तो ये चौथा चीज होगा कि आपका जो मोबाइल मतलब मोबाइल वगैरह खराब होने के मतलब ज्यादा चांसेस वगैरह होते हैं मतलब। और पांचवी चीज जो मैंने बताया कि कई बार मतलब ये तो चलो छोटी मोटी बात हो, कई बार इससे ज्यादा बड़ी चोट लगने का भी खतरा होता है मतलब। जैसे मान लो कहीं अगर छोटे मोटे चोट लग गए, कई बार अगर हो सकता है कि कोई बड़ा गड्ढा मिल गया, बड़ा पत्थर आ गया या तो बड़ी ईंट आपके पैरों में लग गई, तो उससे आपको चोट हो गई। और जो मैं इसमें एक खास बात ये भी है कि कई बार पार्क वगैरह में डॉगी वगैरह बैठे हैं, जो पांच छह जगह बता रहा हूँ जो प्रॉब्लम है, तो जैसे उनको भी जो डॉगी वगैरह होते हैं उनको भी साफ सुथरी जगह चाहिए होती है बैठने के लिए। हमने देखा होगा कई सारे डॉगी वो बैठने से पहले उस जगह आपको अपनी पूंछ से साफ करके बैठते हैं, ताकि वहां से मिट्टी वगैरह वो हटा दें, और उसके ऊपर फिर वो बैठते हैं। तो कई बार गली किनारे बैठे होते हैं, पार्क के अंदर कहीं किसी कोने में बैठे होते हैं, या सड़क के किनारे कहीं बैठे होते हैं। तो आप अगर मान लो आपने फोन पर रिप्लाई कर रहे हो या मैसेज कर रिप्लाई कर रहे हो, फोन में बात कर रहे हो, दीदी को सुन रहे हो, तो बाई चांस वो आपने ऊपर आपसे ऊपर ही आपका ध्यान है मतलब नीचे की तरफ ध्यान नहीं दिया, और बाई चांस आपका पैर जो है उस डॉगी से हिट हो गया, आपका पैर उस डॉगी को लग गया, तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या जो बाहर घूमते हैं वो खतरनाक होते हैं मतलब। क्योंकि मतलब अगर उन्होंने आपके थ्रू अगर आपका पैर लग गया तो आपके वो डायरेक्ट पैर को काट सकते हैं मतलब, आपके डायरेक्ट पैर को लिट के बाइट कर सकते हैं मतलब। डॉग काट वाट लेंगे तो पता है कि डॉगी के काटने के बाद रेबीज का बीमारी होने का खतरा रहता है, और उसके बाद इंजेक्शन वगैरह भी लगते हैं, जो कि आपको इंजेक्शन जाके लगवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाओगे जाके, जैसे दिल्ली में सफदरजंग में लगता है कुत्ते मतलब डॉगी का इंजेक्शन, तो वो तो फ्री में लगता है, हर कुछ दिन के डोज पे जाके लगवाना पड़ता है। और अगर आप आसपास किसी क्लिनिक वगैरह से लगाओगे तो उसके लिए आपको मतलब वो तो अपना फीस चार्ज करेंगे मतलब, क्योंकि वो तो प्राइवेट है मतलब, वहां पे आपको उसके पेमेंट करने पड़ेंगे अगर डॉगी ने आपको काट लिया। तो पांचवा खतरा ये था कि कई बार जो डॉगी वगैरह बैठे होते हैं, आप इस तरीके से अगर हैबिट रखते हो मतलब, जो कि आपको सुधारना चाहिए मतलब, तो अगर डॉगी वगैरह ने काट लिया तो उससे भी आपको खतरा होगा मतलब, रेबीज होने का खतरा है अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाते हो तो। और इंजेक्शन तो आपको लगाने पड़ेगा मतलब, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर वो बात आ जाती है कहना मतलब। तो वो ये आज इस टॉपिक में इसलिए वीडियो बनाया कि जब भी आप डोंट यूज फोन व्हेन यू आर वॉकिंग आउटसाइड इन द पार्क, इन द स्ट्रीट और इन द रोड ऑल्सो, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और जो पांच मैंने प्रॉब्लम बताया उनके ऊपर भी आपको गौर करना चाहिए, ताकि आप इन हैबिट्स को मतलब हटाएंगे तो आपको फायदा ही होगा, और आपकी हर सेफ्टी थ्रू भी आपके साथ रहेंगे। ये था दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो इन इसके बारे में बताने के लिए, सावधानियां वगैरह के, कि आपको म्यूजिक या बात या चैटिंग फोन को वॉक करते हुए जब बाहर हो, पार्क में हो, गली में हो, या किसी सड़क के किनारे आप चल रहे हो, नहीं करना चाहिए, ताकि आपका ही फायदा होगा। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए आपको एक रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, साथ में आपको एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए और उन दोनों को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो जाए और मेरे आने वाले हर नए वीडियो आप देख सके, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो।
आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं जीवन में समय के महत्व के बारे में, समय का जीवन में महत्व के बारे में। और इसी टॉपिक को लेकर आज हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आज का हमारा ये नया वीडियो। दोस्तों समय होता है टाइम, टाइम जो होता है हर व्यक्ति को अपने जीवन में 24 घंटे का ही मिला हुआ, मतलब हर व्यक्ति को, चाहे वो काला हो, गोरा हो, लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, कैसा भी दिखने वाला व्यक्ति हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे जानवर हो या इंसान हो, पशु हो या पक्षी हो, चाहे वो पेड़ हो या पौधे हो, हर हर किसी को 24 घंटे का ही समय मिला हुआ, मतलब एक दिन के अंदर। तो जो और समय बात समय का दूसरा खास बात यह है कि समय किसी का वो वेट नहीं करता, समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता है, आपको ही समय का उपयोग करना पड़ेगा। तो आज हम इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हमारे लाइफ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हर कोई व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ बनना चाहता है तो उसको समय का ही उपयोग करके अपने आप को कुछ बनाना पड़ेगा। तो इसी चीज के बारे में आप जाने तो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि आजकल, जैसे आजकल के समय में जब कोई बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है, चाहे वो किसी फैमिली का हो, तो पैदा होने के बाद जो 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है, मतलब वो होता है उस एज में जो बच्चा होता है 3 साल तक वो बड़ा होता है, उसके दांत वगैरह निकलते हैं, वो घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे पैरों पर चलना सीखता है, बोलना सीखता है। लेकिन जब वो 3 साल का हो जाता है तो उसे बोलना, खाना पीना और चलना आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि भारत, हमारे देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, मतलब एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट। गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वो 1 से लेकर प्राइमरी, फिर 6 से लेकर 10वीं 12वीं तक होता है। जो प्राइवेट होते हैं उनकी जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो नर्सरी, KG, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। शायद आप लोगों ने भी अपने बचपन के समय में इन क्लासों में पढ़ा होगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। तो जब वो 3 साल का बच्चा पार कर लेता है तो 3 साल के बच्चे को उसे नर्सरी में डाल दिया जाता है। देन बच्चा फिर नर्सरी में जाता है, फिर LKG, फिर LKG, ऐसे करते करते आगे की क्लासों को पार करता है और पास करते हुए आगे बढ़ता है। और लेकिन जब वो बच्चा चौथी मतलब चौथे साल में प्रवेश करता है 3 साल के बाद, और तो चौथे साल से लेकर 13 साल तक की उम्र होती है, वो बच्चे या कोई भी बच्चा अपने जीवन में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो जो टाइम होता है बहुत ही, मतलब उस व्यक्ति उस बच्चे के जीवन का बचपने का टाइम होता है। मतलब इस एज में उस बच्चे को ज्यादातर खेलने कूदने में, हम उम्र के उसके दोस्त होते हैं, चाहे वो गली में रहते हों या स्कूल में रहते हों या क्लास में रहते हों, जहाँ भी उसके साथ होते हैं उनके साथ उसको लंच टाइम में खेलने में मजा आता है। गली में तो गली में खेलने में मजा आता है उस और खेलते हुए वो यह नहीं देखता है कि उसके कपड़ा गंदा हो रहा है, उसके बाल गंदे हो रहे हैं, कहीं पे चोट लग रही है, चोट भी कहीं लग जाती है तो वो थोड़े समय के लिए रोता है या थोड़ा दुखी होता है, या फिर वो कुछ कुछ मिनट बाद फिर से अपने पुराने रूम में, यानी खेलने कूदने के मोड में ही आ जाता है। और इस तरीके से मतलब जैसे मैंने बताया कि वो 13 साल तक के जो बचपन का एज रहता है वो तब तक ही ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन जब वो 13 साल क्रॉस करता है, तो जब वो 14 साल में प्रवेश करता है, मतलब तो वो देखता है कि जब 14 साल में वो प्रवेश करता है तो वो धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर चीजों को समझना शुरू कर देता है कि नहीं, मुझे कपड़े गंदे नहीं करने हैं, कपड़े गंदे करने तो टीचर डांटेगा हमें, हमें मारेगी, उनको कपड़े उनको कपड़े धुलने में दिक्कत होगी, मतलब मेहनत ज्यादा करना पड़ता है जब काफी ज्यादा कपड़े होते हैं मम्मी को। तो उसके अलावा मुझे एनी टेंट क्लीन दिखना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, और ऐसे करते करते फिर वो आगे बढ़ता है तो वो 10वीं 12वीं पढ़ जाता है, और ज्यादा अपने जीवन के प्रति गंभीर हो जाता है कुछ चूज करने के लिए। और अब कॉलेज में पढ़ता है तो उस समय तक वो किसी ना किसी फील्ड में, मतलब जैसे अपना करियर बनाना चाहता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके जो दादा जी थे या नाना जी थे, अपने टाइम में उन्होंने भी किसी ना किसी जगह में पढ़ाई करके किसी ना किसी चीज को, मतलब सीखने के बाद उन्होंने उस एरिया में, उस क्षेत्र में अपना काम किया और आगे रिटायर हो गए। और अभी मेरे जो करेंटली फादर हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी को सीखते हुए कहीं कहीं पे काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी बिजनेस को करते हैं। तो मुझे भी आगे आगे किसी ना किसी फील्ड में करियर को बनाना होगा या किसी ना किसी में अपने आप को डालना ही होगा या सीखना ही होगा। तो जैसे आजकल के समय में हमारे पास बहुत सारे करियर के लिए बहुत सारे, मतलब जो जिस भी फील्ड में हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, मतलब तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फोटोग्राफर, एक्टर, सॉन्ग राइटर, डांसर, सिंगर, अगर अच्छी खासी बॉडी अपनी हाइट पर तो आर्मी में जा सकते हैं। उसके अलावा नहीं तो कई लोग अच्छी सी जो बॉडी बॉडी वॉडी वगैरह बना के वो ट्रेनर, जिम ट्रेनर बन जाते हैं, बॉडी गार्ड बन जाते हैं। उसके अलावा टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, और मतलब कहने का मतलब आजकल बहुत सारे हमारे पास करियर के ऑप्शन अवेलेबल हैं। मतलब तो आपको अगर
जिस भी फील्ड में बनाना चाहते हो अपने करियर, पहले आपको इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, और जो भी फील्ड आपको अच्छा लग रहा हो मतलब, देन उस फील्ड को चूज करने के बाद जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो उसके बारे में डिटेल्स को निकालो, उसकी क्लासेस ज्वाइन करो, उसकी कोर्स वगैरह करो, और उसके बाद आप धीरे धीरे उसमें अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। तो ये हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पर बात आ जाती है समय के महत्व के बारे में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे का ही समय है, मतलब 24 घंटे का समय है, तो 24 घंटे में चाहे वो हर व्यक्ति हो चाहे वो मेल हो फीमेल, मतलब सबकी कुछ ना कुछ सिमिलर रूटीन होती है डेली की। जैसे डेली 8-9 7-8 घंटे की नींद पूरी करना, 8-9 घंटे जॉब पे रहना, फिर अगर स्टूडेंट तो 8-9 घंटे स्कूल में रहना, फिर 8-9 घंटे सोना, 1-2 घंटे स्टडी करना, 1-2 घंटे बाहर दोस्तों के साथ खेलना, मतलब तो जो हमारे 24 घंटे है मतलब दिन में, तो वो हर व्यक्ति के अपने प्रोफेशन अपने करंट वर्क के हिसाब से डिवाइडेड है कहने का मतलब। तो मान लो हमने जो भी अपना मतलब जिस फील्ड में जिस फील्ड में हम अपना करियर बनाना चाहते हैं मतलब, तो उस चीज को सिर्फ सोचने से तो आपका करियर नहीं बन गया, आपको उसके ऊपर पांच, अगर आप उस सपने को, उस गोल को, या जिसमें भी अपना करियर बनाना चाहते हो उसको अपने जीवन में अचीव करना चाहते हो, उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको पांच रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला जो है हमारा वो है हार्डवर्क। हार्डवर्क मतलब आप जो भी कुछ सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मतलब बिना हार्डवर्क किए आपको वो चीज प्राप्त नहीं होगी। दूसरी आपको उस चीज के बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको दिखेगा कि आप कितने परफेक्ट हो रहे हो, मतलब तो आप क्योंकि बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है। तीसरी चीज होगी आप हार्डवर्क कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका जो फोकस हो पूरी तरीके से उस काम पर ही, जब आप कोई भी काम किसी भी टाइम किसी भी समय पर करते हो आपका उसमें पूरा पूरा फोकस हो। चौथी चीज है जब आप तीनों चीजों को फॉलो करो, आपको चौथी चीज फॉलो करनी पड़ेगी वो है आपका एफर्ट। एफर्ट आपका 100% होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब तो आपको हमेशा जब भी आप कोई अपना जो भी आपका लाइफ का ड्रीम है उसको आप उसका वर्क कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, फोकस रख रहे हो, तो आपको उन्हें पूरा पूरा एफर्ट देना है। और जो पांचवी लास्ट चीज है वो है आपका जो पेशेंस है, मतलब आपको लाइफ में धैर्य रखना पड़ेगा, अपने जीवन में धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप किसी चीज को लंबे समय तक करते जाते हो तो कुछ टाइम आपका धैर्य खो जाता है, पेशेंस खो जाता, लॉस्ट हो जाता है, फिर आप बहुत सोचते हो शायद ये मेरे जीवन के लिए या मैं ये मेरे लिए बनाया नहीं है मेरे जीवन के अंदर, तो फिर आप किसी और चीज को ट्राई करने लगते हो। बट आपको ये नहीं पता होता कि जब आप किसी चीज को कर रहे होते हैं और आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही होती है तो आप ये आप वहां पर गिव अप मत, मतलब आप ये देखो कि आप कौन सी गलती कर रहे हो, क्योंकि आप अगर उस लेवल पहुंच के आप कुछ कर भी रहे हो आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 0 पे या कुछ भी नहीं आता है आप उससे भी कई सारी चीजों को सीख चुके होते हैं, बस हमें उस समय हम किसी ना किसी गलती को कर रहे होते हैं या कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो काम करने में हमें सफलता नहीं मिल रही होती है, तो बार बार हमें वो हमें वहां पर निराशा हो मतलब निराश हमें निराशा मिलती है। बट हमें अपने कोशिश से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया आपको हार्डवर्क, प्रैक्टिस, फोकस, एफर्ट एंड पेशेंस, आप इन पांच चीजों को फॉलो कीजिए और जो समय है उसका आप सदुपयोग कीजिए और समय के महत्व को अपने जीवन के अंदर समझिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करेगा और इन पांच रूल्स को फॉलो करेगा उस जगह पर जहाँ वो जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, जिस ड्रीम को अचीव करना चाहता है या जिस गोल को अपने लाइफ में वो अचीव करना चाहता है मतलब, तो एक ना एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी। हाँ देरी से मिलेगी या कभी टाइम आपके कंट्रोल में नहीं, कब मिलेगी लेकिन आपको मिलेगी जरूर। तो इसलिए आप अपने जीवन अपने जो आपको 24 घंटे दे रहे हैं आपको डिवाइड कीजिए, और जो भी आपका लाइफ का लक्ष्य है अगर आप पहचान चुके हो उसको तो उन पांच चीज को फॉलो करते हुए उस पर गौर करना शुरू कर दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए उन चीजों पर मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, हार्डवर्क करना, फोकस करना और धैर्य को रखना, तो आप देखेंगे एक ना एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो समय का जीवन। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी के साथ है मेरे चैनल पर, मैं हूं नितेश पांडे। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए एक आपको एक रेड सब्सक्राइब का बटन, उसके साथ में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो सके, और कनेक्ट होने के बाद
मेरे आने वाले हर नए वीडियोस आप देख सके, उन तक कुछ सीख सके और लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कि जीवन के अंदर मतलब लाइफ के अंदर कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, मतलब किसी को भी मतलब। तो इस टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कभी भी जैसे आपको जीवन मिला हुआ है, आपको लाइफ मिली हुई है, तो आप जैसे अपने जीवन के अंदर कभी भी किसी को कमजोर मत समझो, कभी भी वीक मत समझो, मतलब क्योंकि भगवान ने सबको इक्वल बनाया है। मतलब हाँ रंग रूप हाइट वाइट अलग पतला दुबला हो सकता है, लेकिन भगवान ने सबको जीवन दिया है तो उसके अच्छे कर्म करने के लिए दिया है, अच्छे विचारों को बनाने के लिए दिया है, अच्छी सोच रखने के लिए दिया है। तो हमारा टॉपिक वो है किसी को कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। तो आज मैं इस टॉपिक पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि कई बार हमने देखा है कि मतलब जैसे कि जो जैसे मतलब किसी मतलब कोई अच्छा मतलब कोई बहुत ही मतलब जैसे जिम वगैरह में आजकल 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 के ट्रेंड है मतलब बॉडी वगैरह बनाना, ठीक है। तो कई लोग जैसे और या फिर रास्ते में चलते हुए मैंने देखा है कई बार कि जिन बंदों के पास गाड़ियां वगैरह होती है मतलब रास्ते में, मतलब तो जिन बंदों के पास गाड़ी होती है उनके अंदर काफी वो होता है मतलब कि हम बहुत बड़े मतलब वो है मतलब क्या बोलते हैं कि हम बहुत बड़े हम बहुत बड़े मतलब एक बहुत बड़े व्यक्ति है मतलब ये बहुत बड़े शख्स है और जो बाहर बंदा पैदल चल रहा है साइकिल पे चल रहा है मतलब उसको खुद समझते नहीं है मतलब वो इंसान नहीं। मतलब कई बार ऐसे गाड़ी वगैरह में जैसे कार वगैरह जा रही होती है और सामने कोई साइकिल वाला आ गया बाइक वाला आ गया तो कार से निकल के वो मतलब बाइक वाले पे चढ़ने लगते हैं, उसको दबाने लगते हैं क्योंकि पता था बाइक वाला ही है मतलब कमजोर होगा। तो जैसे कि आप सभी पता है कि आजकल के वाले समाज है मतलब वो तीन तरह के मतलब वर्ग में है। मतलब एक होता है रिच फैमिली से जो शख्स बिलोंग करते हैं जो हाई क्लास फैमिली से होते हैं, दूसरा होता है मीडियम क्लास फैमिली से। तो रिच फैमिली से जो लोग होते हैं उनके पास कारें होती हैं, सारे ऐशो आराम होते हैं, सारी फैसिलिटी सारी सुविधाएं होती हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं उनके पास अपना घर होता है, लेकिन जैसे रिच फैमिली के बंगले होते हैं, कोठियां होती हैं, विलास होते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है उनके पास इतने बड़े घर तो नहीं होते, अपने घर होते हैं 100 गज के, 50 गज के, 25 गज के मतलब। तो उनके पास भी मतलब बाइक कार वगैरह कई कई किसी किसी के पास दिख जाने में ज्यादातर लोग बाइक वगैरह यूज करते हैं। और थर्ड में आते हैं सिंपल फैमिली, नॉर्मल फैमिली, नॉट मिडिल क्लास। तो सिंपल क्लास होती है मतलब जिनके पास साइकिल वगैरह हो सकता है और ज्यादातर वो जो बंदे होते हैं जॉब पर जाने के लिए मतलब साइकिल से जाते हैं, कई लोग बस पकड़ कर ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर भी वो काम कर रहे होते हैं फैक्ट्री वगैरह में वहां पर जाते हैं। तो हम जैसे मैंने कई बार देखा है जब मैं कॉलेज के टाइम में जाता था मतलब या स्कूल के टाइम में भी जाता था मतलब, और मैं अभी भी ऑफिस जाता हूँ मतलब। तो कई बार जैसे मैंने पहले भी देखा कि जब कि रास्ते में मतलब जाते वक्त कई बार बाइक वाले जैसे बाइक वाले जो मतलब बंदे होते हैं मतलब तो वो ना गाड़ी चला रहे होते हैं तो अचानक से अब बाइक वाला है उसके सामने साइकिल वाला बंदा होगा तो साइकिल वाला के सामने से आ गया मतलब, तो या कहीं लग गया उसके पीछे बाइक के पीछे। क्योंकि बाइकें में कई सारी रेंज होती है, महंगी महंगी बाइकें होती हैं, KTM हो गया, हीरो होंडा हो गया, पल्सर हो गई, करिश्मा हो गया। तो जो जिन बंदे के पास महंगी बाइक है मतलब और कोई साइकिल वाला आगे से मतलब किसी ने कुछ हिट वेट कर दिया तो जो बाइक वाला होता है वो उस बंदे पे ऐसे मतलब गुस्सा करने लगता है जैसे पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन ये नहीं पता कि और जो इंसान अब जाम वगैरह लगा या कुछ भी है मतलब तो मतलब गलती किसी से भी हो सकती है और कोई जाए मुझे गलती तो करेगा नहीं कहने में मतलब। इस तरीके से मान लो ये तो चला बाइक और साइकिल के बीच का मतलब आपस का मतलब झगड़ा वगैरह कभी कभी देखने को मिलता है। दूसरा कभी कार वाले जो बड़े बड़े महंगे महंगे कार वाले होते हैं और फिर कोई वहां पे बाइक वाला मतलब जैसे कमजोर दिखता है मतलब कि कोई किसी ने पीछे गाड़ी चलाते हुए हल्का सा बाइक का कुछ लग गया तो कार वाले निकल कर बाइक वाले पे मतलब गुस्सा करने लगेगा या तू तो मैं करने लगे, झगड़ा वगैरह करने लगते हैं मतलब कई लोग कि ऐसा नहीं करना चाहिए था या तुझे टूट गया है तो तुझे इसका वो मतलब जो भी मतलब मरम्मत कराने पड़ेगी, रिपेयर कराना पड़ेगा मतलब कहने मतलब हर व्यक्ति क्योंकि उनको लगता है कि यार बाइक वाला है या बाइक वाला साइकिल वाला है, साइकिल वाले कई लोग पैदल चलने वाला बनता है तो क्या कर ले मतलब। तो इस तरीके के मतलब सोच दिमाग में होती है कई लोगों के मतलब, लेकिन ये नहीं पता होता है हमें इस तरह की सोच रखने से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप अगर आज रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से या जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हैं मतलब, तो आपको अच्छी फैसिलिटीज मिली, अच्छी सुख सुविधाएं मिली है तो आप जीवन में अच्छे बने और भगवान का प्रभु का मतलब शुक्रिया अदा करो कि भगवान ने आपको ऐसी लाइफ दी है। आप उन लोगों के बारे में सोचो जो जिनके डेली के मतलब
महीने की सैलरी 5-10 हजार या 15 हजार है। कई लोग तो रेंट पे भी रहते हैं, दिल्ली जैसे सिटी में कई लोग, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो कई जैसे लोग दिल्ली जैसे सिटी में, क्योंकि उनके पास में घर नहीं होते तो वो लोग रेंट पे रहते हैं। तो रेंट पे रहते हुए अपने फैमिली को चलाना, जॉब वगैरह करना, बच्चों की स्टडी कर, अच्छे स्कूल में दाखिला दे के उनकी पढ़ाई को पूरा करना, मतलब दुनिया भर के डेली के खर्चे होते हैं, मतलब तो उन लोगों पे कितना ज्यादा प्रेशर होता है, मतलब। और आप लोगों के पास तो वो लोग भी सुबह के टाइम मतलब अच्छे से, वो लोग अच्छे से मतलब उनका बिहेवियर मतलब जो होता है, क्योंकि वो डेली प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि चलो जैसे भी लाइफ दिया प्रभु आपने दिया, मतलब आप ही आगे करोगे हमारे जीवन का मतलब कल्याण करोगे। तो लेकिन जो आप अब बात है रिच फैमिली की, मिडिल क्लास फैमिली की, तो आप लोगों को भी अगर पता है कभी कुछ इस तरह के कुछ मान लो इंसिडेंट हो भी जाता है कि कभी किसी साइकिल वाले का मान लो कुछ लग जाता है आपकी गाड़ी में या बाइक वाले का, तो मतलब क्योंकि ऐसा डेली डेली तो होगा नहीं, कभी कभार किसी गलती से ही हो जाता है कहने का मतलब। तो हमें उस समय मतलब उस बंदे को समझाते हुए, ना कि उसके ऊपर चढ़ते हुए उसको डराते हुए, मतलब उसको बोलना चाहिए चलो कोई बात नहीं, जो हो गया मतलब वो हो गया, और नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमसे ये गलती ना हो मतलब, और हम इस तरह की गलती ना करें जो कि अनजाने में हो गई। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज तक के टाइम में मतलब डेली सैकड़ों मतलब सड़कों पर डेली सैकड़ों गाड़ियां निकलती हैं, जाम वगैरह लगता है, रेड लाइट वगैरह होता है, कई लोग तेज गाड़ी भी चलाते हैं, मतलब कि जल्दबाजी में ऑफिस वगैरह पहुंचना होता है। तो इस तरीके का मतलब जो आपस में मतलब इंट्रैक्शन है, या आपस में मतलब जैसे आपस में वो मतलब जैसे बोलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, मतलब कि गाड़ी को थोड़ा सा लग गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया या टूट गया मतलब, तो इससे मतलब इन बातों को हो सके तो वहीं पे भाईचारा से या अच्छे से, या एक इंसान होने के नाते, या अच्छे एक गुड ह्यूमन होने के नाते हमें सुझाव लेना चाहिए, मतलब क्योंकि वो जो बंदा साइकिल चलाकर गलती से आपके बाइक में लग गया, साइकिल में लग गया, तो उस पर वो बंदा क्या भरपाई करेगा, मतलब जो बंदा डेली का महीने का 10-15 हजार कमाता हो तो वो क्या भरपाई करेगा मतलब। तो आप थोड़ा इंसान होने में सोचिए कि वो बंदा चलो गलती किया भी तो जानबूझ के तो किया नहीं होगा, अनजाने में हुई होगी, और हमें इस तरह की मतलब मेंटेलिटी अपने सोच को बनाना होगा। कई लोग होते हैं जो जिम में काम मतलब जिम में अच्छी खासी बॉडी बना के मतलब रास्ते में चल रहे होते हैं, मतलब तो कई लोग अच्छे भी होते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, जब कहीं पर गलत होता हुआ देखते हैं कि कोई बंदा किसी पे मतलब कुछ गलत कर रहा है, किसी को दबा रहा है, किसी को मार रहा है बिना किसी वजह के, मतलब कुछ गलत कर रहा है, तो वो वहां पे उस झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब हमें अगर हमारे पास ताकत है, या हम अच्छे अच्छे खाते दिखते हैं, या हमारी बॉडी अच्छी है, तो हमें इन जगहों पर अच्छे काम करके उन मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए मतलब। और लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको लगता है कि अगर हमारे हम अच्छे खासे हैं मतलब बॉडी बिल्डिंग मतलब, तो जो बंदा शारीरिक रूप से कमजोर है या पतला दुबला है बंदा, तो उसको दबाने की कोशिश कर देगा कुछ बंदे। आप अच्छे खासे मतलब जब बोलते हैं जब अगर पैसे और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके दिमाग पर स्ट्रेस नहीं, आप जाके जिम वगैरह करके अच्छी बॉडी बना सकते हो। और जो बंदा सिंपल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है उसकी तो इतनी इनकम नहीं है, ना उसका इतना खान पान ऐसा है कि वो जिम में जाएगा। वो जिम जाने का मतलब है कि आपको अपने बॉडी पे खर्च करना पड़ेगा अच्छी बॉडी बनाने के लिए, जिम जाने के साथ साथ आपको अच्छा खाना पीना ही पड़ता है। तो अगर आपने अच्छी खासी बॉडी बना रखी है तो आपका फल बनता है कि आप अच्छे अपने बॉडी से किसी का अच्छा मतलब हेल्प कर दे, मदद कर दे, सपोर्ट कर दे, ना कि आप अपनी ताकत का बोलते हैं कि मतलब अच्छे अपने बॉडी बना ले तो आप उससे उसका किसी को दबाएं, किसी को डराएं, मतलब इससे क्या हुआ कि इससे कोई फायदा नहीं होगा मतलब, क्योंकि भगवान की नजरों में सभी एक समान है। और आप कुछ गलत करके या किसी को दबा के डरा के मार के या किसी को कुछ भी किसी का गलत करके आप हो सकता है कि आप उसको छुपा लो या हाइड करो, लेकिन भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं ऊपर से, मतलब भगवान की नजरों में तो कुछ भी नहीं छुपा। और बोलते जीवन के अंदर आपके जो कर्म होते हैं कर्म ही आपके साथ ऊपर जाता है, जहां हम मरने के ऊपर जाते हैं आपके, तो अगर आपके अच्छे कर्म होते तो उसका भी आपको अच्छा फल ही मिलेगा, बुरे कर्म होंगे उसका बुरा फल ही मिलेगा, धन दौलत पैसा गाड़ी बंगला सब यहीं पर रह जाता है। तो कहने वाला अगर आपको जीवन मिला हुआ है तो आप जीवन में अच्छे कर्म को करो, अच्छे इंसान बनो, किसी को भी अपने जीवन में कमजोर मत समझो मतलब, क्योंकि अगर आप किसी के साथ किसी कमजोर समझे उस कमजोर समझ के किसी कुछ गलत करोगे भगवान देख रहा है, वो आप भगवान आपको फिर उसका जरूर उसका फल देगा अगर आप किसी से बुरा करोगे तो। कहने का मतलब आपको हमें जीवन के अच्छा व्यक्ति बनने की आवश्यकता है, अच्छा मानव अच्छा ह्यूमन बींग बनने की आवश्यकता है, चाहे हम मतलब
हम कैसे भी हों, मतलब हमें अपने आप को अच्छा बनाने की आवश्यकता है, अच्छी सोच अच्छे विचार अपनाने की आवश्यकता है, और सबके साथ अच्छा फ्रेंडशिप अच्छा भाईचारा बनाने की आवश्यकता है, तभी हम अच्छे कर्म कर पाएंगे, अच्छे बन पाएंगे, अच्छी सोच रख पाएंगे और अच्छे लोगों के साथ दोस्ती कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो कि हमें सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, मतलब और हमें जीवन में किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कैसा लगा मेरा आपको आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस वीडियो के रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, इसको दबा दीजिए। उसके साइड में आपको एक बार बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए। उसको प्रेस करने के बाद आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब उसके बाद आप मेरे नए वीडियोस को देख सकते हैं, उनको लाइक कर सकते हैं और उनसे आप जीवन में कुछ सीख सकते हैं और आप अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, मतलब। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। दोस्तों तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अपने, हम जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, तो वो तो हमारे लिए कई सारी चीजें करते ही हैं, लेकिन हम उनका ध्यान कैसे रखें, मतलब हम अपने पेरेंट्स का ध्यान कैसे रखें, मतलब इस टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि जो मेरे हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारी मदर होती है, मतलब सुबह उठती है, मतलब सुबह उठते ही और नाश्ता तैयार करना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, मतलब उसके बाद मतलब पापा के लिए, मतलब फादर के लिए लंच रेडी करना, क्योंकि लंच पैक करके ले जाना होता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट कराना होता है सुबह के टाइम, और इसकी तैयारी करने के बाद, सबको खिलाने के बाद, उसके बाद फिर घर की सफाई पूरी करना, मतलब और फिर उसके बाद बर्तन वगैरह, मतलब उसके बाद फिर दोपहर के खाने में लग जाना, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते मतलब दादा दी होते उनकी देख रेख करना, और ये उनके लिए जो हाउस वाइफ वगैरह है, मतलब। तो उसके बाद फिर दोपहर का खाना तैयार करने के बाद, दोपहर में खाना खाना, उसके बर्तन धोना, उसके बाद 2-3 1-2 घंटे का रेस्ट करके, रेस्ट क्या वो घर में दूसरे काम होते हैं कि कपड़े हैं और कभी कुछ दूसरा काम आ गया सर, मतलब 1-2 घंटे, मतलब 1-2 घंटे का रेस्ट मिलता है। फिर 4-5 बजे से शाम के खाने की तैयारी करना, और फिर रात तक ऐसे 7-8 बजे फिर डिनर प्रॉपर टाइम पर सबको कराना, फिर बर्तन धोना, फिर रात को, मतलब इस तरीके से पूरा दिन का सर्कल होता चलता रहता है। ये तो होता है उन लेडीजों का जो मतलब हाउस वाइफ होती हैं, मतलब घर की होती हैं, और बच्चों का देख रेख करना, अगर बच्चा छोटा और बड़ा है तब भी उसका टाइम पर हर चीज उसकी करना, मतलब। और कई लेडीज है तो अपने मतलब स्कूल का होमवर्क भी कराती हैं, चाहे वो बच्चा छोटा हो या 8-9 साल का हो, 10-12 साल का हो, बड़ा हो रहा तो फिर अलग ही बात है, कहने उनके होमवर्क कराने में भी उनकी हेल्प कराते हैं, मतलब। और फिर जब और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर पेरेंट्स तो और ज्यादा बूढ़े, मतलब और ज्यादा एज बढ़ जाएगी, फिर वो, लेकिन उनका जो तो काम का रूटीन होता है वो वैसा ही चलता रहता है। और जो हमारे फादर होते हैं वो दिन भर बाहर सुबह अपना ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, फिर जॉब पर पहुंचते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं ऑफिस के अंदर, वहां पे काम करते हैं, फिर दिन भर काम करने के बाद थके हारे मतलब ऑफिस से निकल कर फिर घर आते हैं, देन फिर वही 3-4 घंटे का बातचीत किया घर के मेंबर्स में, जो घर घर के अंदर मेंबर्स है, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, मदर है, मतलब बच्चे हैं, सबके बारे में पूछा कि किसका क्या मतलब कैसा स्टडी चल रहा है, मतलब इस तरीके से, फिर वो सुनाते हैं, मतलब। तो इस तरीके से और कई घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जो मदर होते हैं उनको भी मतलब, क्योंकि घर की जो इनकम लेवल होते हैं काफी कम होती है, मतलब 10 से 12 हजार कमा रहा, तो खर्चे काफी ज्यादा होते हैं, मतलब बच्चों का स्टडी कराना, राशन का, बिजली का, पानी का, दुनिया भर के दूसरे दवाइयाँ का, मतलब। तो इस तरीके के खर्चे होते हैं, तो एक बंदे की इनकम से वो पूरा नहीं हो पाता है। तो उस जगह पे क्या होता है, जो
मदर होती है, मतलब उनको भी बाहर जाकर काम करना पड़ता है, मतलब अपने क्वालिफिकेशन या अपने नॉलेज के हिसाब से। तो इससे कम क्या होता है कि मदर फादर मतलब पेरेंट दोनों को बाहर जाकर जॉब करना पड़ता है, और फिर शाम के टाइम वो थके हारे आते हैं, फिर घर में आते हैं उनको फिर काम करना पड़ता है सुबह के टाइम। फिर तो इस तरीके से क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा मतलब उनपे वर्क होता है, मतलब काफी ज्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, मतलब और उनको उनके सबसे ज्यादा जो उनकी जो जिम्मेदारी होती है हमारे लिए, उनको होता है हमें मतलब अच्छा जीवन देना, एक भविष्य के लिए अच्छा जीवन मतलब अच्छा जीवन प्रदान करना, उसके लिए वो हमें अच्छी स्टडी कराना चाहते हैं। तो इस तरीके अच्छी स्टडी कराने के लिए अच्छे स्कूल में डालते हैं, भले ही वो अपने खुशियों के साथ अपने इच्छाओं के साथ समझौता क्यों ना कर ले, क्योंकि आजकल के टाइम में आप सभी को पता ही, जो प्राइवेट स्कूल होता है काफी ज्यादा उसमें फीस वगैरह हो गए या किताबें हो गए या कॉपी की, आजकल के टाइम में स्टडी काफी महंगी हो गई, मतलब और सब बहुत मुश्किल होता है आजकल के टाइम में मतलब बच्चों को मतलब अच्छी शिक्षा दिला पाना। तो कहने वाला पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी इच्छाओं को दबाकर पहले अपने बच्चों की नीड्स को पूरी करते हैं, ताकि मतलब जो बच्चे की जरूरतें हैं वो पहले पूरी हैं और वो अच्छा अपने जीवन में स्टडी प्राप्त कर सके। तो ये, और फिर अच्छे बच्चे को अच्छी खाना मतलब अच्छा खान पान खिलाना, फल फ्रूट खिलाना, दूध पिलाना, अच्छी स्टडी कराना, अच्छे कपड़े पहनाना, मतलब सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर होती हैं। तो ये तो हो गया उनकी जिम्मेदारी, उनके बारे में हमने बात की। अब क्या है कि हम उनका ध्यान कैसे रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारा इतना केयर करते हैं, हमारे बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं, हमें अच्छा बनाने की कोशिश करें, तो हम भी उनकी कई तरह से केयर कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की। जिसमें से कुछ चीजें मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, जिनको आप अगर फॉलो करो तो आप भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रख सकते हो, अच्छे से उनकी केयर कर सकते हो, ये हमारा फर्ज बनता है मतलब। तो पहला जो मैं आपको अपना मतलब उनके प्रति अपना आपको अपना फर्ज बताता हूँ, वो यही होगा कि मतलब जब मतलब क्या बोलते हैं, जब उनका सोने का टाइम आता है, जब वो सोते हैं तो आप, क्योंकि दिन भर वो काम करते हैं, मतलब तो उनके पैरों में हो सकता है काफी दर्द हो, काफी मतलब उनके सर में काफी तनाव हो, मतलब तो उनको आप पैरों को दबाकर मतलब उनको उनके मतलब उनके पैरों को आराम दे सकते हो। जैसे कि बचपन में हम जब हमारे पैरों में दर्द होता था तो भी हमारे पैरों को दबाते थे, मतलब ताकि हमारे पैरों को आराम मिल जाए। तो आप उनके पैरों को दबाकर उनका दर्द को, उनके जो पैरों में थकावट उसको खत्म कर सकते हो, और इस प्रकार से आप उनकी सेवा भी कर सकते हो। दूसरा, सर में भी काफी उनको स्ट्रेस होता है, काफी टेंशन होती है, तो आप प्यार से उनके सर सर को भी हल्के हल्के हाथों से उनके सर को दबा सकते हो, चाहे वो फादर हो या मदर हो। इससे क्या होगा कि उनको काफी रिलैक्स फील होगा। तीसरा जो क्या होता है, अगर जैसे आजकल काफी सारे तेल वगैरह आते हैं दिमाग को ठंडा रखने के लिए, जैसे नवरत्न तेल हो गया या हिमगंगे तेल हो गया, जो जनरल स्टोर जनरल परचून की जो दुकानें होती है वहां मिल जाती है। आप उनके सर पर ठंडा तेल रखकर उनके सर की मालिश कर सकते हो, मतलब अच्छे से मसाज कर सकते हो, ताकि उनके दिमाग को शांत मिले, दिमाग उनका शांत रहे। चौथी जो चीज है, जैसे वो मान लो, अगर मान लो आपकी मदर हाउस वाइफ है, मतलब तो जैसे वो आपका खाने का ध्यान रखते हैं और आप बच्चे, तो आपको भी उनको उन्होंने टाइम पर खाना खाया कि नहीं खाया, और अपना अगर उनको कोई जैसे बीमार पड़ रहा था तो उन्होंने टाइम पर मेडिसिन लिया कि नहीं लिया, टाइम पर दवाई खाया कि नहीं खाया, वो प्रॉपर अपने शरीर को रेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मतलब आपको भी उनके इन चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और जैसे और पांचवी चीज क्या है कि जब आपके फादर मतलब अब जॉब से काम करके घर में आते हैं, तो आते ही एक्चुअली ज्यादातर लोग क्या किस चीज की डिमांड करते हैं, पानी की डिमांड करते हैं, उसके बाद चाय की डिमांड करते हैं, देन उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं, रात का जो भोजन होता है डिनर होता है। तो जैसे ही वो आते हैं आप उनको सबसे पहले पानी के लिए पूछ रही है कि आप क्या बोलते हैं कि पानी पानी ला के देते हैं, उसके बाद उनको मैं पानी ला के देता हूँ, या फिर उनको उनको और चाय बनाकर दीजिए, जो ताकि उनका जो दिमाग का स्ट्रेस लेवल है वो कम हो सके। और उसके बाद जब खाना खाने के टाइम हो तो प्रॉपर तरीके से उनको खाने के बारे में पूछना, और खाने के साथ पूरा जो होता है मतलब जो भी चीज़ चाहिए होता है, पानी हो गया, पानी की बोतल हो गई, खाना हो गया, आप उनको प्रॉपर तरीके से अच्छे से खिलाइए, आप उनकी केयर कीजिए, मतलब क्योंकि वो जिस तरीके से जब वो आपके अच्छे से केयर कर रहे हैं, आपके हर खुशियों के प्रति, हर जरूरतों के प्रति आपका ध्यान रख रहे हैं, मतलब तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मतलब उनका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें, उनका प्रॉपर तरीके से केयर करें, और अपने जो आपके पेरेंट्स हैं, अपने
आपके मतलब जो माता पिता है उनका अच्छे तरीके से आप उनका ध्यान रखते हुए उनकी प्रॉपर तरीके से केयर करें, मतलब तो आप उनके बच्चे हैं, आप उनके मतलब किड हैं, मतलब तो आप सभी का ये फर्ज बनता है ये कि जिस तरीके से माता पिता आपका ध्यान रख रहे हैं और आपकी हर इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को उतना महत्व ना देते हुए आप भी उनकी जो सोच है, आप उनका जो मतलब एक सोच है अपने बच्चे को भविष्य में अच्छा बनाने की, आप उनकी उस इच्छाओं पर अच्छी उनकी सोच पर आप अपने आप को अच्छा बनाने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए और आप उनके विचारों पर उनकी मतलब जो मेहनत है उसको उनके विचार उनकी मेहनत को मतलब व्यर्थ न डालने दीजिए और पूरी मेहनत करते हुए अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनिए, ताकि आज वो अपने जो भी कंडीशन में काम करके आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, आपको किसी काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब वो ओल्ड होंगे तो आपको उनकी लाठी का मतलब बोलते हैं बुढ़ापे के लाठी का सहारा बनना, मतलब तो आपको भी उनका आगे जाकर, क्योंकि जब आप और ज्यादा यंग एज में पहुंचेंगे तो उनकी और ओल्ड एज हो चुकी होगी, तो आपको उनको उनका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से केयर करना पड़ेगा, तो आपको उनकी इच्छाओं पर उनके विचारों पर उनके सपनों पर खरा उतरना होगा और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छा व्यक्ति बनना पड़ेगा जीवन में। तो ये था दोस्तों मेरा आज का एक नया वीडियो कि आप किस तरीके से अपने पेरेंट्स का ध्यान रख सकते हैं, मतलब और जो मैंने आपको तरीके बताए उन चीज़ों को फॉलो, उन नियमों को, उन स्टेप्स को अपने लाइफ में लाइए, उन हैबिट्स को अपने जीवन में उतारिए और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, मतलब जिस तरीके से आप अच्छा काम कर पाएंगे और अपने माता पिता की सेवा भी कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे मतलब एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए नॉलेज वाले वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं, आपको इस वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसके साथ में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए और आप दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो सके, मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सके, उनको कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो, हमारा आज का जो वीडियो है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो यह है कि मदद करो तो एहसान मत जताओ, मतलब जैसे इस टॉपिक को लेकर मतलब आज हम बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हो, हेल्प करते हो, उस जगह पर हमें एहसान नहीं जताना चाहिए, मतलब ये दिखावा नहीं करना चाहिए, क्या नहीं मतलब, तो जैसे क्या बोलते हैं, तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आजकल जैसे कहते हैं ना कि जैसे आजकल हर चीज सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, फिर आजकल हमारे पास कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने टैलेंट को दिखाते हैं, अपने स्किल को दिखाते हैं, अपने नॉलेज को किसी के थ्रू मतलब बताकर बताने मतलब समझाने बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है, ये मतलब जरूरत है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का पहचानने की जरूरत है और पहचान कर उसको अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू दिखाने का। जैसे आजकल वैसे पहले टिकटॉक वगैरह था जो कि अब बैन हो गया है, मतलब तो उसके अलावा आजकल बहुत सारे इंडियन ऐप्स भी आ गए, मतलब जैसे जोश हो गया, मौज हो गया या स्नैक हो गया, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे या यंगस्टर जो होते हैं अपना स्किल दिखाते हैं, अपना टैलेंट वगैरह दिखाते हैं, उसके अलावा यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी, जहाँ पर लोग एक्टिव रहते हैं और दिखाते हैं। तो आजकल एक्चुअली क्या है कि लोग बहुत ज्यादा जैसे आजकल हेल्प करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब जैसे कई लोगों को लगता है सिर्फ पैसे से हेल्प हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पैसों के अलावा और भी कई तरह के हम किसी व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं, मतलब जैसे जैसे अगर किसी के पास नॉलेज हो, मतलब मान लो कोई बच्चा कोई बंदा ट्यूशन वगैरह पढ़ाता है बच्चों को, ठीक है, तो वो फीस लेता है अपने ट्यूशन फीस लेता है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, तो वहां पे क्या है कि मान लो कोई गरीब बच्चा है, मतलब जो आपके फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आप क्या है कि आप उससे मतलब तो वहां पे आपको तो उसको पैसे नहीं देने हैं, आप अगर उसको मान लो अगर 50 बच्चों में अगर आप किसी एक बच्चे को फ्री में ही पढ़ा दोगे, मतलब तो उस बच्चे का भविष्य बन जाएगा, वो अच्छे मतलब पास हो जाएगा, आपको दुआएं देगा कहने मतलब, तो कहने मतलब आपको इस तरीके से इसके बंदे की हेल्प कर देनी चाहिए, मतलब और जब हेल्प कर दिया मत उसको शो मत करो कि मैंने क्या बोलते हैं मैंने इस बच्चे को पढ़ा दिया या मैंने इस बच्चे को ये हर सब्जेक्ट पढ़ाया जिसकी इतनी फीस होती है, मतलब दिखावा नहीं करना या वीडियो बना के शेयर नहीं करना, मतलब क्योंकि फिर इससे वो
क्योंकि आप किस तरीके से शेयर करते हो, तो एक जो बच्चे बच्चे की मदद भी कर रहे होते हैं, मतलब उसको भी एक अजीब सा फील होता है कहने, मतलब वो आपका वीडियो बनाओगे आपसे, आपको बोलेगा भी हाँ थैंक यू वगैरह जो भी, मतलब बट इस तरीके का, मतलब आप किसी मदद करके और दोस्ती आप किसी को बोलो कि आप मेरे बारे में बताओ या दिखाओगे, मतलब कि ये मैंने इसकी मदद की, मैंने इसको इतने महीने का फीस नहीं दिया वगैरह, तो आप उसको डायरेक्टली मदद कर सकते थे, मतलब तो दिखाने क्या जरूरत है। कई लोग किसी को उसको मतलब कुछ सामान खिलाते हैं, या जो फुटपाथ पे या कहीं पे बैठे होते हैं, गरीब बच्चे बंदे होते हैं या बच्चे होते हैं, तो आप किसी को 10 रुपए देंगे तो उसके संग वीडियो बना लेंगे कि मैं इसको 10 रुपए दे रहा हूँ, या किसी को राशन का कुछ सामान देंगे, खाने का कुछ सामान दे देंगे तो वीडियो बनाकर उसको शेयर करें कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा मैं इतना बड़ा भलाई का काम कर रहा हूँ कहने, मतलब तो मतलब आप मदद कर रहे हो अच्छी बात है, मतलब भगवान इसका आपको फल देगा, होता है अच्छे कर्म आप कर रहे हो, मतलब तो भगवान आपको उसकी मदद भी कर, आपको उसका फल भी देगा और आपको आपके काम की सराहना भी कर रहे हैं, मतलब क्योंकि अब कोई देखे ना देखे भगवान ऊपर से देख रहे हैं, मतलब कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो, मतलब लेकिन आप जब अच्छे कर्म कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, मतलब किसी को कुछ राशन का सामान दे के, किसी को ब्रेड का पैकेट दे, किसी को बिस्कुट का पैकेट दे के, आपके दिन 2 3 मिनट की वीडियो बना ले रहे, मतलब उसको शेयर करो कि मैंने बिस्कुट का पैकेट दिया, मैंने राशन का सामान दिया, मैंने ये दिया वो दिया, मतलब अच्छे कर्म कर रहे हो, उसको आप बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल, नेकी अच्छे कर्म करो उसके दरिया में डाल दो कहने, मतलब सब आपको भगवान उसका अच्छे कर्म का फल देंगे कहने, मतलब क्योंकि आप जैसे कहीं ना दिखाया गया है कि मतलब जैसे कि आप किसी आपने किसी को गांव वगैरह में दिखाया, मैंने कहीं पर देखा कि किसी को मतलब कुछ राशन का सामान दिया, आलू प्याज और चावल वगैरह दिया, फिर संग वीडियो बना के मतलब या फोटो लेके, तो मतलब कहने मतलब वो भी एक थोड़ा सा और फील होता है कहने, मतलब मदद कर रहे अच्छी बात है, लेकिन उस बंदे को मतलब और फील होता है, मतलब एक अजीब सा फीलिंग होता है, मदद कर रहे हो तो करो और उसके बारे में मतलब प्रमोशन नहीं करो कहने का मतलब है ना। जैसे मैं भी कभी कभी जैसे गली में डॉगी वगैरह दिख जाता है तो उन्होंने खिला दिया, तो क्या मतलब डॉगी वगैरह रस खिला दिया, गाय को ब्रेड खिला दिया, मतलब या कोई गरीब उसको तो पैसे दे दिया, मतलब तो हर जगह मतलब कहीं कहीं आपको लगता है इंटरेस्टिंग तो बना लिया, बट ऑलवेज अच्छा नहीं लगता कहने का मतलब। तो आप ऐसे लोगों को मतलब आप मदद करो अच्छे से, मतलब लेकिन उसको ज्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे और जैसे मैंने बताया कि पैसों से, पैसों के अलावा और कई जगह मतलब और कई तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, मतलब जैसे रास्ते में कोई गरीब बंदा है, रास्ता क्रॉस नहीं करवा रहा है, तो आप उसको रास्ता क्रॉस करते मतलब करा सकते हो, और साइड में जाकर उसको जहाँ पर जाना था बस स्टैंड में चढ़ा सकते हो। तो कई लोग रास्ता क्रॉस करा रहे हैं तो दिखा रहे हैं कि हमने उस बंदे को रास्ता क्रॉस करा दिया, मतलब और उसको बस में चढ़ा दिया। मैंने भी ऐसे ऐसे कई बार किया है, मतलब जैसे मैं कॉलेज में जाता था तो कई बंदे मेरे कॉलेज में, सारे ब्लाइंड स्कूल के मतलब जो ब्लाइंड होते थे वो आते थे पढ़ने के लिए, उनके लिए अलग से सीट होती थी हमारे क्लासों के अंदर, तो हमने भी कई बार उन बंदों को चढ़ाया है, मतलब उनको कॉलेज तक लेके, उनको फिर उनको उतारा भी है और कॉलेज के अंदर लेके भी गए, मतलब तो कई लोग रास्ता पार करा दिया, या कई लोग हैंडीकैप होते हैं मतलब उनको भी मतलब सपोर्ट दे दिया, तो कई लोग सपोर्ट का वीडियो बना के डाल देते कि हमने इसको सपोर्ट मतलब हाथ सिर्फ हाथ का सपोर्ट दे दिया उसको। तो इस तरीके से मतलब आप अच्छे काम तो कर रहे हो, मतलब लेकिन इस तरीके से शो करने की मतलब प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है आपके, जैसे मैंने बताया कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो भगवान आपको आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर देगा, मतलब और आप अच्छे कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। और तो कहने का मतलब यही है कि मदद तो करो, लेकिन आप उस व्यक्ति पे, और कई लोग फिर और जैसे आठ मदद कर देते हैं कुछ खिलाफ, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, जब उस बंदे को प्रॉब्लम होती है तो उसको उस मदद कर देंगे, चाहे वो पैसे से हो चाहे किसी चीज से हो, मतलब बाद में कई लोग उसको जब मान लो उन दोनों का भी झगड़ा हो जाता है, मतलब आपस में या कुछ मन मुटाव हो जाता है आपसी, मतलब दोस्तों के बीच में कई बार होता है, तो आपस में मतलब पुरानी चीजें याद रहने लगते कि मैंने तेरे पे इतना पैसा स्पेंड किया, या मैंने तेरे इस वक्त में मदद की, या मैंने तेरे इस वक्त हेल्प की जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, ये वो मतलब दुनिया भर के जो मतलब मतलब दुनिया भर के जो चीज उसके संग किया होता है, शेयर किया होता है, हेल्प किया होता है, मदद किया होता है, उसके काम में उसकी देख रेख की होती है, मतलब वो सारे बखान वहाँ पे उस टाइम उसके मुंह से निकलने लगता है। तो मतलब इस तरीके मतलब आपने पास्ट में एक तो किस बंदे की हेल्प की, लेकिन उस हेल्प का फिर क्या फायदा है, आप उस चीज का एहसान उस पर जताने लगते हो, मतलब
मदद में एक बात कही जाती है, मतलब कि जब अब हम मदद करते हैं, मतलब किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा या किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है कि जब हम मतलब मदद करते हैं तो हम मदद इस तरीके से करो कि आप मतलब दाएं हाथ से मदद करो तो बाएं हाथ को पता ही ना चले। मतलब मदद इस प्रकार की होनी चाहिए कि आप रास्ते में कोई गरीब बैठा हुआ है फुटपाथ के किनारे, पैसे दे के आगे निकल जाओ, मतलब ताकि आपने दिया आप निकल के किसी को पता नहीं चला, और आप बोलते हैं कि मदद किया और किसी को बाएं हाथ को भी पता नहीं चला, ब्रेड का पैकेट दे दो, खाने का चीज दे दो, बिस्किट का पैकेट दे के निकल जाओ आगे, मतलब अब ना कि बिस्किट का पैकेट दिया, हाँ आप ये लोग वीडियो बना लेते हैं, ये लोग आपको दिखाते हैं ये वो, मतलब तो इस तरीके से मतलब करने में वो होता। हाँ लेकिन जैसे आजकल कई सारे लोग जैसे बाबा का ढाबा या जो गरीब बंदे मतलब जो छोटे मोटे बिजनेस कर रहे होते हैं लेकिन उनके बिजनेस में कोई आ नहीं रहा होता है, उस तरीके से जो मतलब हम अगर सपोर्ट करते हैं इस चीज को तो वो एक काम सराहनीय है, मतलब क्योंकि जब मीडिया मतलब पब्लिक ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को देखेगी, मतलब तो जो उस बंदे का उस जहाँ पे उस बंदे का बिजनेस है तो जो उस बंदे के आसपास के जो लोग देखेंगे तो वहां पे वो लोग पहुंचेंगे उसके उसके बिजनेस में उसकी चीजों को लेंगे। जैसे बाबा का ढाबा था पहले लोग नहीं आते थे लेकिन जब वीडियो को देखा तो लोग कस्टमर पहुंचने लगे, कई सारी बूढ़ी औरतें होती हैं जो सड़क के किनारे मतलब चीजों को बेच रही होती हैं या खाना बना के खिला रही होती हैं, मतलब वहां पे कस्टमर ही नहीं आते हैं या लोगों को पता नहीं होता किस तरीके की कोई सर्विस हमें दे रहा है, मतलब लंच लंच की या डिनर की या सुबह के ब्रेकफास्ट की। तो लेकिन इस तरीके का आप कुछ वीडियो बना के शेयर करते हो सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसा कि पहले नहीं हुआ बाबा का ढाबा हुआ और दूसरे बहुत सारी चीजें हुई, मतलब मैं जो फेसबुक पे देखता रहता हूँ अलग अलग लोगों की पेज पे, तो वो एक प्रकार का सराहनीय काम है। बट जो मतलब हेल्प होता है छोटे मोटे बिस्किट का पैकेट ब्रेड का पैकेट 10 रुपए दे देना या मतलब इस तरीके की चीजों को हमें मतलब आप मदद करो लेकिन हमें उस चीज का उस व्यक्ति के साथ मतलब फोटो बना के वीडियो बना के एहसान नहीं दिखाना चाहिए और अपना सो नहीं शो ऑफ नहीं करना चाहिए, मतलब दिखाना प्रमोशन नहीं करना चाहिए उस चीज का, क्योंकि एक अच्छी हैबिट होगी। मतलब ये था दोस्तों मेरा आज का नया वीडियो, हमें मदद कर रहे हैं तो हमें उसके संग शो नहीं करना चाहिए, मतलब वो मदद करो तो ऐसा करो कि हमें दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता ना चला। तो दोस्तों ये मेरा आज का एक नया वीडियो, मदद करो तो उसका एहसान मत जताओ और ये एक अच्छी हैबिट भी होगी। तो कैसा लगा आप मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स।